हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारी इस एक और लाइव स्ट्रीम में। कृपा करके बताएं कैन यू हियर मी और नॉट। इनफैक्ट मैं एक पाँच मिनट का मैं डिस्कशन ऑलरेडी कर चुका हूँ, जस्ट टू रियलाइज लेटर ऑन दैट आई वाज नॉट ऑडिबल टू यू। लेकिन नाउ लेट्स सी। बताएं दोस्तों, एम आई ऑडिबल? कैन यू सी मी? हेलो हेलो, परफेक्ट। चलिए टेलीग्राम का ग्रुप हमारा देख लेते हैं। सर रेडी हैं? देवान सेज रेडी हैं। सर पापा के फोन का हॉटस्पॉट लगा के आया हूँ, जल्दी आ जाओ आप। ओके चलिए, आई होप कि पापा की स्ट्रीमिंग आज आप खराब नहीं करेंगे एंड इतना नेट बचे। तो अब आ जाते हैं अपन दोस्तों मुद्दे की बात पे। सो आई होप एवरीथिंग इज फाइन एंड यू कैन बेसिकली सी थिंग्स। एक बार क्विकली बस आप बता दीजिए, ऑडिबल है सब कुछ? प्रॉब्लम इनफैक्ट सब कुछ सही है तो अपन शुरुआत करें एंड देन आई विल ऑल्सो डिस्कस इन टर्म्स ऑफ यू नो व्हाट इज द एजेंडा फॉर द सेशन, हाउ मच टाइम आर वी गोइंग टू स्पेंड टुडे एंड एंड अदर सेट ऑफ थिंग्स। चलिए एक बार क्विकली प्लीज बता दीजिए, इज एवरीथिंग फाइन? नमस्ते दिपेश, हाय देवांशी, हाय आकाश, हाय डाउ जूडी, दैट्स ओके। पंकज हाय, नवीन तिवारी हाय, सार्थक गुप्ता, नाम भाई को नमस्कार, राम प्रसाद हाय, धवल हेलो, अभिषेक हेलो, पीएस हेलो, ध्रुव हेलो, दक्ष हेलो, श्वेता, पंकज, तुषार, मनीषा, सक्षम जैन। ओके ये नाम कुछ सुना हुआ सा लग रहा है। राहुल पटेल, किशन पटेल, श्वेता हाय। श्वेता इनफैक्ट किसी ने मुझे आपका कोई आप ब्लॉग लिखते हैं शायद, श्वेता गोयंका, एंड आई रेड दैट पर्टिकुलर ब्लॉग एंड आई वाज सो वेरी हैप्पी। सो यू नो यू रियली राइट वेरी वेल, ऑल द बेस्ट टू यू। अभी खैर यू शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन योर एग्जाम्स एंड डू फॉलो योर पैशन साइड बाय साइड, बट इट वॉज अ वंडरफुल यू नो राइटअप, आई रियली लाइक्ड इट। मनीष हाय, प्रियांशी हाय, आनंद, बरखा, मासूम, विक्की, अमीशा, पूनम, रोहित, अनिरुद्ध, हिरेन, वैश्वी, दिव्या, हर्ष, अर्पित, सागर, ऋचा, दिनेश, ध्रुव, प्रशांत, पीएस, बिस्मा। अब लग रहा है मुझे कि लाइव स्ट्रीम हमारी शुरू हो चुकी है। सो नाउ आई एम फाइंडिंग थिंग्स टू बी कूल एंड दिस इज गुड टाइम टू स्टार्ट। चलो शुरू करें क्या? तो दोस्तों जस्ट लेट मी जस्ट क्विकली कम टू द टॉपिक। नाउ आज का हमारा डिस्कशन क्या हो रहा है? सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट द सीए फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग न्यू कोर्स आरटीपी फॉर नवंबर 2020। इंस्टीट्यूट ने आज 14 सितंबर 2020 को नवंबर 20 की आरटीपी पब्लिश करी। इट हैज 20 क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, एंड इट हैज नो टॉक विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ दी अमेंडमेंट्स, क्योंकि एज सच नवंबर में कोई अमेंडमेंट्स है नहीं, इसलिए आरटीपी ऑफ एफआर हैज ओनली क्वेश्चंस। वहीं अगर मैं ऑडिट की आरटीपी देखूंगा तो आई विल फाइंड सम अमेंडमेंट्स ऑल्सो विच यू ऑलरेडी कवर्ड इन द यूट्यूब वीडियोज। हाउएवर फॉर एफआर वी विल ओनली फाइंड द क्वेश्चंस। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स के मन में ये भी ख्याल आ रहा हो कि सर आप ये जो स्ट्रीम ले रहे हो, ये स्ट्रीम आप एक के बाद एक क्यों सिर्फ एफआर की ले रहे हो, ऑडिट का क्यों कुछ नहीं हो रहा है? तो इनफैक्ट ऑनेस्टली स्पीकिंग यू नो आई थॉट आई विल कीप वन बाय वन, सो आई फर्स्ट फिनिश अप द एफआर मेजर पोर्शन ऑफ रिविजन, क्योंकि वो लेंदी है, उसकी नीट पहले होगी, एंड नाउ द प्लान वाज दैट आई विल स्टार्ट विद ऑडिट फ्रॉम टुडे। हाउएवर आज का मेरा दिन निकल गया, पता है आपको किसमें? गेस व्हाट वाज आई डूइंग ड्यूरिंग द डे। एक 5-10 मिनट तो मैं चैट करूंगा दोस्तों आप लोगों से, थोड़ा अच्छा भी लगता है और फिर अपन मुद्दे पे भी आ जाएंगे। तो बताइए क्या किया आज मैंने पूरे दिन, व्हाट वाज आई डूइंग? कैन यू मेक सम गेसेस? यामिनी इज आस्किंग कंसोलिडेशन रिमेनिंग कब आएगा? रचित सेज देयर इज एन ऑडियो इशू, इज देयर एन ऑडियो इशू? ओ माय गॉड, डोंट टेल मी वी आर फेसिंग ऑडियो इश्यूज। खर खर आवाज आ रही है, आई डोंट नो यार क्यों होता है ऐसा। ओके आप लोग रिवीजन की तैयारी कर रहे थे, ऑडियो सब सही है ऐसा बोल दिया गया है सर? नो ऑडियो इश्यूज, ऑल एवरीथिंग इज फाइन। ओके एक बार आप रीचेक कर लीजिए भाई आपका वापस से लगा के। स्पीड फास्ट लग रही है थोड़ी, वापस से वो प्रॉब्लम आ रही है स्पीड वाली जो कल आ रही थी। यार वी हैड टू सेट दिस थिंग राइट बट देन आई डिडंट गेट टाइम, इंस्टीट्यूट आज ही लेकर आ गया तो आई डिडंट वांट टू मिस इट। चलिए एग्जाम प्रिपरेशन, मेरी एग्जाम मैं एग्जाम की तैयारी कर रहा था, हिंदी दिवस मनाया। अच्छा आज हिंदी दिवस है, ओके चलिए दोस्तों जल्दी जल्दी बता दो सर क्या है आरटीपी एनालिसिस किया होगा आपने? हाँ ये बात भी ठीक है, और वॉइस में ब्लरिंग आ रही है यार, आई रियली डोंट नो, थोड़ी देर कोशिश करते हैं फिर आप बताना। दोस्तों आपको जान के बहुत खुशी होगी कि आज के दिन में मैंने क्या किया है, पता है? जो कंसोलिडेशन का हमारा बाकी का रिविजन लेक्चर था मैंने आज पूरा रिकॉर्ड कर दिया बिना तुम्हारे।
चलिए, हो जाए इस बात पे बहुत सारी तालियां। और आज अपनी लाइव स्ट्रीम खत्म होने के बाद आपके पास YouTube पर आ जाएगा हमारा कंसोलिडेशन का सेकंड एंड फाइनल रिवीजन पोर्शन, जिसमें पूरा कंसोलिडेशन जो अपन ने कवर नहीं किया था पिछले सेशन में वो सब कवर हो गया, एक्सेप्ट एक जो थ्योरी का पोर्शन है जिसको मैं बिजनेस कॉम्बिनेशन के साथ कवर कर लूंगा। आई हैव कंप्लीटेड द रिविजन फॉर कंसोलिडेशन अराउंड 4 आवर्स वीडियो, जिसमें मैंने एफिशिएंटली सारी चीज़ों को कवर कर दिया है ताकि आप लोगों को अब जरा भी समय रुकना ना पड़े और कंसोलिडेशन आप बहुत अच्छे से रिवाइज कर सको। चलिए, तो नो तालिया सर, लाइव लेना था दोस्तों। लाइव एक्चुअली किसी कारण से फिर अपन कंडक्ट कर नहीं पाते, तो आई थॉट कि आई विल टेक इट, आई विल रिकॉर्ड इट एंड आई विल शेयर दैट विद यू, क्योंकि लाइव में अगर लेट हो जाते तो आई थिंक अभी टाइम प्रायोरिटी है और अब अपने पास बचे 1.5 मंथ्स ही हैं। ठीक है, चलिए तो अब अपन आरटीपी पे आ जाते हैं। लेट्स टॉक अबाउट आरटीपी नवंबर 2020, व्हाट इज दैट व्हिच वी हैव टू डिस्कस। चलो, ये आ गई अपनी आरटीपी, खोल लेते हैं दोस्तों सबसे पहले, और 20 सवाल जो इंस्टीट्यूट ने दिए हैं इसका डिस्कशन कर लेते हैं। ये मेरे पास इसका प्रिंट आउट है और मैंने YouTube के अपने इस लाइव वीडियो में डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखी है। यू कैन वॉच और यू कैन सी दैट पर्टिकुलर लिंक वेयर यू विल गेट आरटीपी फ्रॉम द इंस्टीट्यूट साइट, या फिर जहां से आप नॉर्मली जाके डाउनलोड करते हैं आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, नाउ आरटीपी में 20 सवाल है, मुझे थोड़ा सा आप बता दीजिए। ऑडियो क्रैक हो रहा है क्या? अरे यार, क्या प्रॉब्लम हो रही है ऑडियो की? चलो, मेरे मोबाइल पे यूट्यूब है, मैं उसको बंद करके एक बार चेक करता हूँ। अब मुझे बताओ ऑडियो सही आ रहा है क्या? अब चलो जल्दी बता दो दोस्तों, तुम लोग तो खाना खा के आए हो। ठीक है, गुजी का भी सोचिए अपने। चलो मैं टेलीग्राम में देख लेता हूँ, यहाँ पे मुझे बड़े अच्छे से दिख जाता है। ऑडियो क्रैक क्रैक होने वाला इशू तो नहीं है, परफेक्ट है, चलेगा। चलो, वॉइस ड्रॉप हो रही है, ठीक है, नाउ परफेक्ट, ऑडियो सही है, ठीक है, कूल, मैनेजेबल है, ठीक है, परफेक्ट। समबडी स्टिल सेइंग क्रैकिंग, लेट्स सी यार, अपन कोशिश करते हैं, थोड़ा सा आप मैनेज करिए। आई एम श्योर कुछ प्रॉब्लम अगर रही कंटिन्यूसली तो देन यू नो आई गिव यू अ सेपरेट वीडियो फॉर इट, बट आई थिंक हो जाना चाहिए। कूल, सो फ्रेंड्स टेल मी वन पर्टिकुलर थिंग, ये 20 सवाल हैं, इसमें आप क्या चाहते हो? ए, डू यू वॉन्ट मी टू क्विकली गिव यू अ जिस्ट ऑफ एवरी क्वेश्चन, कि ये क्वेश्चन है, ये चीज़ें ओवरऑल इसमें पूछी गई है और ये इसमें स्पेशल है, ये आप चाहते हो कि मैं एक एक करके क्वेश्चन लूं और उसे सॉल्व कर दूं? व्हाट डू यू वांट, टेलीग्राम ग्रुप पे या यूट्यूब की चैट में आप प्लीज शेयर करिए, व्हाट डू यू वांट मी टू डू? यू वांट मी टू डिस्कस ईच एंड एवरी क्वेश्चन स्पेसिफिकली, और यू वांट मी टू सिंपली एंड सिंपली डू अ क्विक डिस्कशन? सो वी आर टॉकिंग अबाउट आरटीपी एंड माई ऑप्शन इज डिटेल डिस्कशन ऑन क्वेश्चन और ओवरव्यू ऑफ ऑल क्वेश्चन, एंड ये मैंने पोल क्रिएट करी। बता दीजिए दोस्तों आप क्या चाहते हो इसमें? यूट्यूब पे देखते हैं क्या बोल रहे हैं। सर सॉल्व करा दीजिए, क्वेश्चन सॉल्व करा दो, प्लीज सॉल्व ऑल द क्वेश्चन, जिस्ट ऑफ क्वेश्चन, ड्रोन व्यू, डिटेल डिस्कशन, सॉल्व करा दो, क्वेश्चन सॉल्व, डिटेल्ड क्वेश्चन सॉल्व। आई थिंक मेजोरिटी इज क्वेश्चन सॉल्व, क्वेश्चन सॉल्व। कुछ लोग बोल रहे हैं मेन पॉइंट्स, डिटेल्ड क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, यहाँ पर भी कुछ वोट्स आए हैं, 176 आ चुके हैं। एक बात, मैं आप लोग वोटिंग करो तब तक मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद दे दूँ दोस्तों। आई थिंक हार्डली कुछ आधे घंटे पहले हमने नोटिफिकेशन दिया था, एंड थैंक यू। 250 वोट, 230 वोट्स ऑलरेडी आ चुके हैं इसमें, इनफैक्ट 250 हो चुके हैं, तो थैंक यू वेरी मच फॉर कनेक्टिंग, एंड दिस इज एक्चुअली यू नो पम्प्स अप आवर स्पिरिट ऑल्सो टू डू सच थिंग्स यू नो विच विल हेल्प अस डाउन द लाइन इन टर्म्स ऑफ आर प्रिपरेशन। चलिए, तो इफ आई पुट अ क्विक मार्किंग ऑन दिस पर्टिकुलर पोल, हे भगवान जल्दी से करो, क्यों रुक रहा है यार ये? 67% से इज डिटेल डिस्कशन, 33% से इज ओवरव्यू ऑफ ऑल क्वेश्चन। हमारी आदत है, हमने इनफैक्ट हर बार पोल फॉलो करी है। इनफैक्ट एक बार तो हमारी पोल में आए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के रिवीजन में 51% और 49% पे डिसीजन हो गया था कि हमें सेम कंटिन्यू करना है नेक्स्ट डे, तो हमने सेम डे कंटिन्यू किया था। तो इसका मतलब डिटेल डिस्कशन होगा तो आ जाइए। इसका मतलब सर समय भी ज़्यादा लगेगा, हमारे पास शायद इतना समय नहीं होगा, तो ठीक है, दोनों की बात रखने के लिए मैं एक काम करता हूँ, जो क्वेश्चन में मुझे लगता है कि सबके लिए डिटेल डिस्कशन जरूरी होगा वो मैं पहले ले लेता हूँ, और जिन क्वेश्चंस में मुझे लगता है कंपैरेटिवली डिटेल डिस्कशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा उसका डिटेल डिस्कशन लूंगा, पर मैं उसे बाद में ले लूंगा। ऐसा कर लेते हैं जिससे दोनों की बात रह जाएगी। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1 पे। अगर आपके पास आरटीपी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ स्क्रीन पर देखिए। आपके घर पे प्रिंटर की व्यवस्था है तो आप एक काम करो, शुरू में आपके कुछ 5-6 पन्नों में सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे, सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन का प्रिंट अगर निकाल सकते हो तो इतना कर लो और अच्छा हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन एंड वी विल RTP is not getting opened from the link. आप इंस्टीट्यूट की तो साइट पे जाके बोर्ड ऑफ स्टडीज नॉलेज पोर्टल न्यू कोर्स CA फाइनल
रिवीजन टेस्ट पेपर नवंबर 2020 से डाउनलोड कर लो। चलो मैं पहला क्वेश्चन शुरू करता हूँ दोस्तों, और लेट मी टेल यू कि इंस्टीट्यूट ने वाकई कुछ अच्छे क्वेश्चन दिए हैं पिछली कुछ आरटीपीस से। इंस्टीट्यूट इज डूइंग रियली वेल इन टर्म्स ऑफ गेटिंग गुड नंबर ऑफ क्वेश्चन एंड गुड टाइप ऑफ क्वेश्चन। और मैंने एक घंटे पहले एक वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने बोला था कि इंस्टीट्यूट ने अपनी कंसिस्टेंसी बरकरार रखी है गलतियां करने की। आरटीपी में इस बार वापस से उन्होंने एक क्वेश्चन में गड़बड़ करी है, और मैंने ये भी कहा था कि किसी स्टूडेंट को अगर वो गड़बड़ मिले तो मुझे ज़रूर बताना, मुझे बहुत खुशी होगी। तो इफ एनीबडी हैज़ फाउंड दैट गड़बड़ टेलीग्राम ग्रुप में या फिर आप अपने यूट्यूब की इस चैट में ज़रूर बताइए कि सर मुझे कुछ मिली है और किस क्वेश्चन में मिली है, बस उसका क्वेश्चन नंबर डाल देना, अपन जब उस क्वेश्चन पर आएंगे तो डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन उड़ाते हैं दोस्तों, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इंस्टीट्यूट आपको आरटीपी में तो हेडिंग दे देता है, एग्जाम में नहीं देता है, काश वहाँ पे भी मिल जाती। नेवरथलेस हमें नहीं चाहिए, मेहनत से करेंगे हम हमारी, ठीक है। ओल्ड कोर्स की नहीं है, सिर्फ न्यू कोर्स वालों के लिए। दीपक स्टार्टेड अ न्यू कंपनी सॉफ्ट भारती प्राइवेट लिमिटेड। माई स्पीड विल बी स्लाइटली मोर देन द यूजल स्पीड विच वी फॉलो विथ एक तारा लिमिटेड। तो यहाँ पे बेसिकली दो लोग हैं, दीपक एकतारा लिमिटेड और सॉफ्ट भारती प्राइवेट लिमिटेड। वेल इन्वेस्टमेंट ऑफ 55% इज डन बाय एकतारा लिमिटेड। तो दीपक ने कहा कि स्टार्ट करिए, तो एकतारा ने करी। इंस्टीट्यूट के तरीके हैं ये ऐसे झोल करने के, है ना, हमको परेशान करके ऐसे तरीके बनाने के, क्योंकि इसमें तो पेरेंट एकतारा लिमिटेड लग रहा है, रेस्ट बाय दीपक, तो वो 45% दीपक का है। क्या ज्वाइंट वेंचर है क्या? तो अगर दोनों ने कॉन्ट्रैक्चुअली अग्री किया कंट्रोल शेयर करने का तो जेवी होगा, अदरवाइज तो ये क्योर सब्सिडरी है एकतारा की। Voting powers are to be given as per the proportionate share of capital contribution. So this has been very much specified ki voting power aapke percentage holding ke aadhar pe. Iska matlab Ektara Limited actually will become the parent of South Bharati Private Limited. New company formed was subsidiary of Ektara Limited with two directors, Deepak. And Deepak eventually became one of the directors of the company. So that's fine. तो दीपक का भी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, पर दीपक इज एन इंडिविजुअल, वो इंडिया के अनुसार फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाएगा। तो आई एम श्योर कि ये क्वेश्चन में हमें एकतारा के लिए ही कुछ करना होगा। अ कंसल्टेंट वाज हायर्ड एंड ही चार्ज 30,000 rupees फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। बताओ भाई 30,000 रुपए का जो खर्चा होता है कंपनी इनकॉर्पोरेशन का, आप इसे क्या मानोगे? प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, वट एवर इट इज, इट हैज टू बी चार्ज ऑफ टू पीआरएल 100% इन द फर्स्ट ईयर वन शॉट। लेकिन If it qualifies to be an expenditure for deduction under Section 35D of the Income Tax Act 1961, then in that case, we will basically claim 1/5 deduction for this. Let's see, agar aisa kuch hua toh shayad isme deferred tax ka bhi adjustment ho sakta hai. And to do other necessary statutory registrations. तो जैसे हाँ ओके, कुछ लोगों ने क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहा है अविनाश गड़बड़ है, ठीक है आएंगे, 17 बहुत दूर है अभी। And to do other necessary statutory registration. It says 30,000 is to be charged as an expense in the books after incorporation of the company, which is perfectly fine as per Ind AS. कौन सा? 38 intangible assets, जो कहता है preliminary expense को आप defer नहीं करोगे और one shot PRL में charge करना पड़ेगा। Company South Bharati Private Limited was incorporated on 1st April 2019. तो company April's Fool पर ही normally बनती है? नहीं, ऐसा नहीं है, साल उसी दिन शुरू होता है। और डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हमारी 1st April 2019 है। किसकी? ये सॉफ्ट भारती प्राइवेट लिमिटेड की। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एकतारा लिमिटेड आर प्रिपेयर्ड एज पर इंडेस। तो ये इंडेस फॉलो कर रही है, तो इसका मतलब सब्सिडी को भी इंडेस फॉलो करना पड़ेंगे बाय डिफॉल्ट। एन अकाउंटेंट वाज हायर्ड एट द टाइम ऑफ कंपनीज इनकॉर्पोरेशन हैज प्रिपेयर्ड द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सॉफ्ट भारती प्राइवेट लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2020 एज फॉलोस। तो हमारे पास किसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं? SPL के। चलो कंसोलिडेशन का रिवीजन किया था तो उसके हिसाब से बताओ, टेक्निकली एज पर इंड एस ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सॉफ्ट भारती के हैं, इसे क्या माना जाएगा? स्टैंडअलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट या सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर इंड एस? बताइए, स्टैंडअलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट या सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर इंड एस? वॉइस ब्रेक हो रही है यार, क्यों ऐसा किया? वन सेकेंड, लेट मी चेक, तब तक आप थोड़े से आंसर दो, क्या इश्यू है? लेट मी चेक वॉइस का, मैं एक सेकेंड चेक कर रहा हूँ, तब तक आप मुझे आंसर दो, ये स्टैंडअलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट है या सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है? ऐसे कोई बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, नेवरथलेस
मेरे हिसाब से तो यहाँ सब ठीक चल रहा है। कूल चलिए, तो नाउ आई एम कंटिन्यूइंग वॉइस का, मैं मान रहा हूँ सब कुछ ठीक है। सो वेरी गुड पीपल, मोस्ट ऑफ यू हैव सेड इट इज अ स्टैंडर्ड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट व्हिच इज वेरी ट्रू, बिकॉज सॉफ्ट भारती बेसिकली क्या है, सॉफ्ट भारती इज अ सब्सिडरी और उसकी कोई, जिसका कोई है ही नहीं, वो अकेला ही है, तो वो स्टैंडर्ड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा। सेपरेट कौन बनाता है? जिसकी सब्सिडरी भी होती है, जिस कारण से उसे एक कंसोलिडेटेड और एक सेपरेट बनाना होते हैं। एनी वेज, सॉफ्ट भारती प्राइवेट लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020, यानी कि डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से एग्जैक्टली एक साल बाद, उसका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आपको दिया हुआ है कुछ इस तरह से। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, एक्सपेंस में परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, गुड, इंक्रीज डिक्रीज इन स्टॉक इन ट्रेड। हमें मालूम है कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आता है, लेकिन फिनिश गुड्स, सॉरी, स्टॉक इन ट्रेड अगर है तो उसकी परचेजेस और चेंजेस इन स्टॉक आते हैं, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं आता है एज पर द प्रेजेंटेशन फॉर्मेट ऑफ शेड्यूल 3 एंड इवन इंडेस 1 इज ऑन सिमिलर लाइंस। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अलग से दिया, दैट्स फाइन। डेप्रिसिएशन अलग से खर्चा दिया है और अदर एक्सपेंसेस है, व्हिच इज फाइन। टोटल एक्सपेंस है आपके, प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, देन वी हैव करंट टैक्स एंड डिफर्ड टैक्स, लवली, एंड टोटल टैक्स एक्सपेंस आपका आ गया और इसके बाद प्रॉफिट फॉर द ईयर 2,42,500 आ गए। आई एम अज्यूमिंग कि ये सारे कैलकुलेशन सही है। और एक बात मैं बता दूं, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि इंस्टीट्यूट ने इस पर्टिकुलर आरटीपी में कुछ गलती करी है, तो कृपा करके आप टोटल करने मत बैठ जाना हर क्वेश्चन का, कि कहीं टोटलिंग में तो गड़बड़ नहीं है, क्योंकि मैंने तो देखा नहीं है टोटल, जरा भी अगर इसमें गड़बड़ हो तो आप मुझे बता देना। कंसेप्चुअल एरर है उसकी बात की मैंने। चलो, सॉफ्ट भारती की अब आपके पास बैलेंस शीट है, तो दिस वॉज बेसिकली स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और ये इसकी बैलेंस शीट है। ये क्या हो रहा है, बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लाइबिलिटी पहले आ रहे हैं और बाद में एसेट्स आ रहे हैं, व्हाट आर दे डूइंग? तो ऐसे होता है क्या सर? ये तो पुराना फॉर्मेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाला, तो शायद इसीलिए इस क्वेश्चन को एज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्वेश्चन दिया। इसमें कोई कंसोलिडेशन का डिस्कशन नहीं करना है, वो सिर्फ कहानी थी इतना बताने के लिए कि जो पेरेंट कंपनी है वो इंडेक्स फॉलो कर रही है, इस लॉजिक से सब्सिडियरी को भी इंडेक्स फॉलो करना है, तो मेरे आंसर में कहीं एक नोट लगाना पड़ेगा कि इसको इंडेक्स के अनुसार फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना होंगे, तो हमने शेड्यूल 3 डिवीजन 2 का फॉर्मेट यूज करना है, जिसमें हम असेट्स पहले और फिर बाद में इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड क्रिएट करेंगे। सो वी हैव शेयर होल्डर फंड विच इज फाइन, जिसमें शेयर कैपिटल और रिजर्व इन सरप्लस है, जिसको हम इक्विटी और अदर इक्विटी, इक्विटी शेयर कैपिटल और अदर इक्विटी कहेंगे। देन वी हैव नॉन करेंट लाइबिलिटीज विच इज फाइन, जिसमें लॉन्ग टर्म प्रोविजन और डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी है, तो हम लोग नॉर्मली फाइनेंशियल लाइबिलिटीज क्रिएट करते हैं और फिर उसके बाद लॉन्ग टर्म प्रोविजन एंड डिफर्ड टैक्स, इनफैक्ट डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, देन अदर लाइबिलिटीज एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन एंड करंट लाइबिलिटीज। तो ये बेसिकली आपका पुराना फॉर्मेट चल रहा है, सब डिवीजन 1 वाला जो फॉर्मेट है, जो मैंने अभी बोला वैसा फॉलो होता था डिवीजन 1 में, ठीक है। इंडेक्स का फॉर्मेट पूरा अलग होता है, उसमें हम प्राइमरी सिर्फ क्या दिखाते हैं, तो वी शो बेसिकली फाइनेंशियल लाइबिलिटीज, टैक्स लाइबिलिटीज जो आपकी होती हैं उसको अलग से शो किया जाता है, स्टैचुटरी लाइबिलिटीज होती हैं और अदर्स होती हैं, एंड देन प्रोविजंस। चलिए, करंट लाइबिलिटी में वी हैव ट्रेड पेबल, अदर करंट लाइबिलिटी एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, ठीक है। असेट्स में नॉन करंट असेट्स हैं, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट नेट एज एन नेट ऑफ डिप्रिसिएशन, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस जो फाइनेंशियल असेट्स के अंदर आना थे, अदर नॉन करंट असेट्स, ठीक है, करंट इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड बैंक बैलेंसेस और अदर करंट असेट। तो वी कैन डेफिनेटली सी कि ये डिवीजन 1 वाला पुराना फॉर्मेट है और हमें जो फॉलो करना है वो इंडेक्स का फॉर्मेट फॉलो करना पड़ेगा। एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऑन सॉफ्ट भारती प्राइवेट लिमिटेड, डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी ऑफ 6,000 is created due to following temporary difference. There was a difference in depreciation amount as per income tax and accounting profit. There is only one property plant equipment in the company whose closing balance on 31st March 2020 is as follows, which is the balance sheet date. As per books, the closing value of asset PP is 1 lakh rupees. As per income tax, it is 80,000 rupees. Aap bataiye, अगर डब्ल्यू डी वी बुक्स में ज्यादा आ रही है, रिटर्न डाउन वैल्यू या कैरिंग अमाउंट बुक्स में ज्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है? बुक्स में 1 लाख बाकी है, इनकम टैक्स में 80,000 की कॉस्ट बाकी है, इसका मतलब इनकम टैक्स में 20,000 का डिप्रिसिएशन मैंने ज्यादा क्लेम कर लिया और 20,000 का डिप्री इस साल आपने इनकम टैक्स में डिप्री की रेट ज्यादा होने के कारण क्लेम करने से इस साल टैक्स कम दिया होगा, तो करंट टैक्स कम हुआ तो आपका डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी क्रिएट होगा। 20,000 का डिफरेंस है, 30% अगर टैक्स रेट होती है तो 6,000 की डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी क्रिएट करना दुरुस्त है। इन्होंने आप देखेंगे तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में डिफर्ड टैक्स 6,000 से क्रिएट किया है, जो कि अभी तक जो हमने पढ़ा उसके हिसाब से परफेक्ट है, नो प्रॉब्लम। आगे,
Pre-incorporation expenses are deductible on straight-line basis over the period of 5 years in the income tax. तो जैसा अपन ने डिस्कस किया था, सोचा था, समझा था. Very good. Everybody says detail. Excellent. तो इससे हम ये कह सकते हैं कि इससे क्या क्रिएट होगा. Pre-incorporation expense. चलो बताओ. Straight-line basis पे income tax में डिडक्ट होंगे और मैंने accounts में 100% आज ही डिडक्ट कर दिए हैं. Deferred tax asset या deferred tax liability. अभी भी माइक प्रॉब्लम है यार, ऐसा बोल रहे हैं. क्या इश्यू है समझ नहीं आ रहा है. परफेक्ट परफेक्ट. डीटीए डीटीए कोई बड़ी बात ही नहीं है. इनफैक्ट सर ये सवाल पूछना ही नहीं था, इतना सिंपल सा सवाल है. क्या पूछ लिया आपने, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप. तो देयर इज नथिंग टू आस्क इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. क्यों? सिंपल सा लॉजिक है. अगर आपने अकाउंट्स में खर्चा बुक किया है और टैक्स में उसका बेनिफिट आज नहीं लिया है, तो इसका मतलब आपने इस साल टैक्स ज्यादा पे किया होगा. आने वाले समय में आपको बेनिफिट मिलने वाला है, तो आने वाले समय में आपका टैक्स बचेगा. तो जो इस साल खर्चा अकाउंट्स में बुक हुआ है उसका टैक्स में बेनिफिट आज आपने 1/5 लिया है, 4/5 आगे के सालों में लेगा. विल क्रिएट अ डीटीए. तो इसका डीटीए क्रिएट होना चाहिए था. तो कहाँ है वो डीटीए? कितना डीटीए क्रिएट होना चाहिए था? 30,000 के प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस है. 30,000 के इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस में से इनकम टैक्स में हमने 1/5 क्लेम किया होगा, तो अकाउंट्स का ये एक्सपेंस है. इनकम टैक्स का 1/5 कितना होता है बेटा? 6,000. यानी 24,000 का मेरा डिडक्टेबल टेम्प्रेरी डिफरेंस होगा, जिसके ऊपर मुझे 30% अगर टैक्स रेट है, क्योंकि ऊपर देखा मैंने 6,000 थी, तो जो भी अमाउंट आता है उत्ते का क्या क्रिएट होना चाहिए? डिफर टैक्स असेट. पर ये तो बनानी है. तो इन्होंने बोला इस सेम आर इमीडिएटली एक्सपेंस ऑफ इन द बुक्स. आगे पढ़ते हैं कुछ होगा इसके बारे में. करंट टैक्स इज कैलकुलेटेड एट 30% ऑन प्रॉफिट बिफोर टैक्स 3,55,000 विदाउट डूइंग एनी एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू इनकम टैक्स. हे अम्मा माता जी, व्हाट हैव दे डन? सीधे सीधे इन्होंने 3,55,000 का करंट टैक्स एक्सपेंस बुक कर दिया है कोई एडजस्टमेंट किए बिना. ये 355 इन्होंने कैसे निकाला है? तो ये ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि आपका यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स 7,45,000 आया, शायद वो 745 पे इन्होंने 30% लगा दिया और उसके बेसिस पे वैल्यू निकाल दी. वो उससे भी नहीं आ रही है, वो टोटल एक्सपेंस है. तो क्षमा करो, 11,00,000 की मेरी इनकम है, 745 का मेरा एक्सपेंस है, तो 355 का पीबीटी है और इसके ऊपर 30% अगर मैं करता हूँ तो 1,06,500 है. ठीक है, तो 1,06,500 रुपीज का इन्होंने सीधे सीधे क्या निकाल दिया? करंट टैक्स कैलकुलेट कर दिया. 3,55,000 क्षमा करना टैक्स एक्सपेंस नहीं है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स है. द करेक्ट करंट टैक्स आफ्टर डूइंग नेसेसरी एडजस्टमेंट ऑफ अलाउंस डिसअलाउंसेस रिलेटिंग टू इनकम टैक्स कम्स टू 1,25,700. अब ये कैसे आया हमें नहीं पता, पर क्योंकि गिवन है क्वेश्चन में तो अपन सीधे यही मान लेंगे कि करंट टैक्स एक्सपेंस आपका 125,700 होना चाहिए. तो इसका मतलब एक तो ये करेक्शन करना है, 1,25,700. मुझे बताओ इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा? 1,25,700. वेर विल दिस 1,25,700 गो? करंट टैक्स एक्सपेंस में जाएगा. तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा? बैलेंस शीट में दो इम्पैक्ट आएंगे. देखो, आपने खर्चा बुक करना था 1,25,700. डिड आई से इट करेक्टली? यस. और पहले आपने कितना बुक कर रखा है? 1,06,500. तो डेफिनेटली आपने प्रोविजन फॉर टैक्स भी 1,06,500 का बनाया होगा, अनलेस एंड अंटिल आपने कोई एडवांस टैक्स पे किया है. तो लेट सी द बैलेंस शीट. बैलेंस शीट में अगर मैं देखूँ तो 1,06,500 का एक शॉर्ट टर्म प्रोविजन दिख रहा है. आई एम अज्यूमिंग कि शायद ये करंट टैक्स का प्रोविजन होगा. ये चेंज हो जाएगा और ये बेसिकली जितना हमारा करेक्ट अमाउंट ऑफ करेक्ट टैक्स एक्सपेंस है 125,700, ये वो आ जाएगा. ये 1,25,700 को अब हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं? तो ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब क्वेश्चन साफ साफ आपको दे दे कि करंट टैक्स एक्सपेंस इतना है, तो फिर आप इसको डिराइव करने की कोशिश मत करना. क्योंकि अगर आप डिराइव करना चाहते तो आप कर सकते थे. कैसे? सर कोशिश मत करना, फिर बोल रहे हो डिराइव कर सकते थे. देखो, 3,55,000 आपको दिया हुआ है, प्रॉफिट है. अब अगर मैं देखूँ लॉजिकली, तो इनकम टैक्स में मैंने 25,000 का डिप्रिसिएशन ज़्यादा क्लेम किया, पर 24,000 रुपीज एडबैक कर रहा हूँ. बेसिकली कौन सा? प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, जो मुझे जितना इस साल अलाउ नहीं हुआ. 3,59,000 के ऊपर अगर मैं 30% निकालता हूँ तो ये कुछ और ही फिगर आता है. और यहाँ पे फिगर दिया 125,700. तो हो सकता है कुछ और भी डिसअलाउंसेस रहे होंगे जिसका हमें डिडक्शन नहीं मिला. तो लेट्स नॉट गेट इनटू इट, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ भी है स्पेसिफिकली कि देयर कुड बी सम डिसअलाउंसेस एज वेल. तो दैट इज व्हाई व्हाट आई एम सेइंग इज कि आप सीधे करंट टैक्स का प्रोविजन अकबंद करके 1,25,700 कंसिडर कर लोगे इस क्वेश्चन में. ठीक है, ये क्वेश्चन बेसिकली फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने जैसा क्वेश्चन है दोस्तों. फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन में यही एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है जो एज सच आपको देख लेना चाहिए. क्यों? क्योंकि फाइनल अकाउंट्स टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा है नहीं हमारे पास. एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर में इंस्टीट्यूट ने एक आध दो क्वेश्चन दे रखे थे जो एएस के थ्रू सॉल्व किए थे, बाद में उन्होंने एज पर इंडेस किया. दिस इज अनदर प्रैक्टिस क्वेश्चन. तो ये तो आपका किसका डिस्कशन हो गया? टैक्स का. नेक्स्ट, आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड बाय डायरेक्टर्स हैव रिकमेंडेड अ डिविडेंड ऑफ 15,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, which has been deducted from reserves and surplus. Dividend payable of 15,000 has been grouped under other current liability along with other financial liabilities.
चलो बताओ फटाफट, क्या ये सही है ट्रीटमेंट, बताइए भाई, इज दिस करेक्ट, बताओ। ये रहा मेरा टेलीग्राम और इधर रही मेरी चैट। गलत है, कोई कह रहा है वीडियो लैग हो रहा है, ज़्यादा कुछ जवाब भी नहीं मिल रहे हैं, या मुझे सब कुछ सही दिख रहा है। नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट, बिल्कुल सही जवाब दिया आप लोगों ने। गलत गलत गलत, इतना गलत कैसे हो सकता है भाई। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों ये गलत है, क्यों? क्योंकि प्रपोज डिविडेंड को क्या किया जाता है, जितना मैंने पूछा होता है जवाब दिया। कोई तो लिख देता आगे कि सर ये गलत है, सही ट्रीटमेंट ये होता है कि प्रपोज डिविडेंड को अकाउंट पर ही नहीं किया जाता है और उसे नोट्स में डिस्क्लोज किया जाता है एज अ व्हाट। प्रपोज डिविडेंड को नोट्स में कैसे डिस्क्लोज करते हैं, इसका जवाब दो जल्दी से। कंटिजेंट लाइबिलिटी या सेपरेटली बस इसे डिस्क्लोज करते हैं। कंटिजेंट लाइबिलिटी में प्रपोज डिविडेंड आता है या सेपरेट डिस्क्लोजर होता है या कुछ भी नहीं होता है, बताओ जल्दी से। डिस्क्लोज और कंटिजेंट लाइबिलिटी और नॉट डिस्क्लोज एट ऑल प्रपोज डिविडेंड क्या होता है? क्विक क्विक क्विक, वेरी गुड वेरी गुड, एक्सीलेंट। चलिए सार्थक गुप्ता नाम भाई, चलो नाक रख ली तुमने मेरी। सेपरेटली डिस्क्लोज होता है, नॉर्मल डिस्क्लोजर जाता है, बिल्कुल सही कहा, ये कंटिजेंट लाइबिलिटी नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिविडेंड पेबल 15,000 जो अदर करंट लाइबिलिटी में उसको वहां पे ऐड बैक करना पड़ेगा, और दूसरी तरफ हमने जो रिजर्व्स एंड सरप्लस हमारे 15,000 से कम कर दिया उसको भी वहां पे बढ़ाना पड़ेंगे, और नोट्स में हमें अलग से प्रपोज डिविडेंड का एक डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। ऐसा क्यों करते हैं, क्यों? क्योंकि ऐसा शेड्यूल 3 में स्पेसिफिकली कहा गया है प्रपोज डिविडेंड का डिस्कशन होगा, और प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये इवेंट आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट है और फ्रेश इवेंट है, तो ऐसे भी इसकी कोई अकाउंटिंग नहीं होती है। इंड एज 8 और 10, इनफैक्ट इंड एज 10 इफेक्टिवली आपको बोलता है कि आप ऐसे इवेंट्स का डिस्क्लोजर दे सकते हैं। कूल, देयर आर गवर्नमेंट स्टैट्यूटरी ड्यूज अमाउंटिंग टू 15,000 व्हिच आर ग्रुप्ड अंडर अदर करंट लाइबिलिटीज, इसमें क्या प्रॉब्लम है बताओ? चलो अदर करंट लाइबिलिटीज में 15,000 रुपीज के गवर्नमेंट स्टैट्यूटरी ड्यूज हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है? सही तो है ये, क्या दिक्कत है? सर स्पेलिंग मिस्टेक है, ये स्टैट्यूटरी की स्पेलिंग ये नहीं होती भाई, वो तो मेरे को भी नहीं मालूम, तुम तो बताओ गड़बड़ गया है, बताओ बताओ बताओ, लाइव है तो थोड़ी बातचीत होना चाहिए। शुड बी अंडर स्टैट्यूटरी लाइबिलिटी, राकेश कुमार हैज स्टोलन द शो, वेरी गुड। तो आइडियली क्या होना चाहिए, ये करंट लाइबिलिटीज स्टैट्यूटरी लाइबिलिटीज में सेपरेटली दिखाई जाएगी, इसकी जगह रादर मैं ये कहूंगा कि इंड एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम लाइबिलिटीज को फाइनेंशियल लाइबिलिटीज और अदर्स में शो करते हैं। तो बेसिकली ये फाइनेंशियल लाइबिलिटी नहीं है, बिकॉज दिस इज नॉट अराइजिंग आउट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, एंड बिकॉज इट इज नॉट अराइजिंग आउट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट हेंस इट विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ अदर करंट लाइबिलिटीज, इट विल रादर बी सेपरेटली डिस्क्लोज्ड। तो जब हम प्रेजेंटेशन करेंगे तो हमें फाइनेंशियल लाइबिलिटीज के अंदर जो अदर फाइनेंशियल लाइबिलिटीज आती हैं उसमें इसको नहीं दिखा के इसकी एक अलग से स्टैट्यूटरी लाइबिलिटीज अंडर करंट लाइबिलिटीज अलग से दिखाना पड़ेगी। कूल, कैपिटल एडवांस अमाउंटिंग टू 50,000 आर ग्रुप्ड अंडर अदर नॉन करंट असेट्स, कूल। तो कैपिटल एडवांस बोला है 50,000 अदर नॉन करंट असेट्स में, आई थिंक दिस इज परफेक्टली फाइन, यस और नो? यस, इनफैक्ट ऑनेस्टली स्पीकिंग प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या करते हैं, तो हम नॉन करंट असेट्स में कैपिटल एडवांस को क्या CWIP में ऐड करके शो करते हैं या उसे CWIP में शामिल नहीं करते हैं? व्हाट डू वी डू? कैपिटल एडवांसेस को क्या CWIP में शामिल किया जाता है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में शामिल किया जाता है या अलग से शो किया जाता है, बताइए। अगेन अनादर क्वेश्चन, पोल पोल की डिमांड हो रही है, पोल। चलो क्वेश्चन, समय नहीं था, नहीं तो मैं पहले से बना के रख देता। आई एम टॉकिंग अबाउट कैपिटल एडवांस, हाउ विल आई टेक दैट पर्टिकुलर थिंग, ये मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन इंस्टीट्यूट यू समझ लो न जाने क्यों इतनी बार पूछ चुका है। कैपिटल एडवांस प्रेजेंटेड, वेयर विल इट बी प्रेजेंटेड? ऑप्शन नंबर 1 एज अ पार्ट ऑफ CWIP, ये क्या हो गया, चिप कैसे हो गया भाई, CWIP। सेकेंड, इट विल बी शोन अंडर अदर नॉन करेंट असेट्स, ओहो वॉट इज द प्रॉब्लम, ऑटो एडजस्ट मत कर भाई। थर्ड, इट विल बी शोन एज अदर अंडर नॉन करेंट असेट्स, नॉन करेंट असेट्स में अंडर अ टाइप ऑफ फाइनेंशियल असेट्स, बताओ क्विकली, देखते हैं क्या बोलते हो आप लोग, थोड़ा मालूम भी पड़े आपकी तैयारी कितनी है। एनोनिमस पोल है, गलत भी कर दिया अगर आप लोगों ने तो चिंता मत करना, मालूम नहीं पड़ेगा किसने गलत किया है। एज अ पार्ट ऑफ CWIP
कैपिटल एडवांस नॉट इंक्लूडेड इन कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, वॉइस प्रॉब्लम आकांक्षा, आई डोंट नो क्या हो रहा है यार भाभी, एज अ पार्ट ऑफ सी डब्ल्यू आई पी अदर करेंट असेट्स। चलिए यहाँ पे कुछ वोट आए हैं, ओके 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 लेट्स सी। देखिए दोस्तों, इसलिए अच्छा हुआ मैंने ये पोल ले ली, प्लीज ध्यान रखना, पहले 2018 से पहले ऐसा होता था इंडेक्स में, नहीं इसमें, कि अगर कैपिटल एडवांस आपने दिया है तो आप कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, उसके लिए आप सरिया, ईंट, सीमेंट लेकर आए, लेबर को पैसा दिया, ये सारा खर्चा सी डब्ल्यू आई पी में ऐड हो जाता था। पर आपने सपोज लेबर कॉन्ट्रैक्टर को 10 लाख एडवांस दे दिए कि भाई लेबर रुकना नहीं चाहिए, एडवांस रख ले, तो पहले इसे सी डब्ल्यू आई पी में ऐड करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। अब साफ साफ कहा गया है कि ये कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस नहीं है, क्यों? क्योंकि ये एक एडवांस है, और इसलिए आप सी डब्ल्यू आई पी में अगर इसे शामिल कर दोगे तो ऐसा लगेगा कि इतना काम हो चुका है, जबकि ये काम हुआ नहीं है, ये सिर्फ आपने एडवांस दिया है। तो दैट इज वाई ये सी डब्ल्यू आई पी नहीं है, ये अदर नॉन करेंट असेट्स में आएगा। क्या ये फाइनेंशियल असेट के अंतर्गत आ सकता है? नहीं आ सकता है, फॉर द सिंपल रीजन कि फाइनेंशियल असेट्स विल गिव यू, तो व्हाट आर फाइनेंशियल असेट डेफिनेशन क्या बोलती है? इट इज कैश, इक्विटी शेयर ऑफ अनदर एंटरप्राइज और अ कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू रिसीव कैश और अनदर फाइनेंशियल असेट। किसी को कैपिटल एडवांस दिया, यानी कोई मशीन खरीदने के लिए या कोई कैपिटल कंस्ट्रक्शन के लिए किसी को एडवांस दिया है, उसके बदले में आप उससे पैसे नहीं मांग सकते हो दोस्त, आप उससे उसके बदले में सिर्फ सर्विसेज या गुड्स मांग सकते हो। तो ये फाइनेंशियल असेट नहीं है, क्योंकि इससे कैश या शेयर्स आपको नहीं मिलेंगे। दैट इज वाई कैपिटल एडवांस को हमें ना फाइनेंशियल असेट वाली हेड में दिखाना है, ना ही हमें इसे सी डब्ल्यू आई पी में दिखाना है। तो ये अदर नॉन करंट असेट्स में आ रहा है, ये वहीं आएगा। नेक्स्ट, अदर करंट असेट्स ऑफ 51,000 कंप्राइज ऑफ इंटरेस्ट रिसीवेबल फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स। तो ये जो मेरे ट्रेड रिसीवेबल है उनसे मैं ब्याज रिकवर कर रहा हूँ। तो ट्रेड रिसीवेबल इज अ टाइप ऑफ अ फाइनेंशियल असेट, और ये जो मैं ब्याज रिकवर कर रहा हूँ, अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको एक फाइनेंशियल असेट में, अदर फाइनेंशियल असेट्स में शो कर सकता हूँ विद इन करंट असेट्स, विच इज फाइन। करंट इन्वेस्टमेंट ऑफ 30,000 इज इन शेयर्स ऑफ अ कंपनी विच वॉज डन विद द पर्पज ऑफ ट्रेडिंग। करंट इन्वेस्टमेंट हैज बीन कैरीड एट कॉस्ट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। The fair value of current investment in this case is 50,000 as on 31st March 2020. तो मैंने 30,000 का करंट इन्वेस्टमेंट किया है किसी कंपनी के शेयर्स में, इक्विटी शेयर्स मान रहा हूँ मैं, और मेरा उद्देश्य ट्रेडिंग करने का है। तो इसका मतलब आइडियली क्या होना चाहिए? FVTPL। मैं इसे अभी कॉस्ट पे कैरी कर रहा हूँ, जो कि गलत है। 50,000 इसकी फेयर वैल्यू है, तो इफेक्टिवली मुझे इसे 50,000 पे फाइनेंशियल असेट्स में दिखाना पड़ेगा, और 20,000 का प्रॉफिट मुझे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में अदर इनकम में ऐड करना पड़ेगा। तो इसका इम्पैक्ट अगर मैं देखूँ तो मेरे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में अदर इनकम में यहाँ पे 20K बढ़ा देना, और डेफिनेटली इससे फिर आपके करंट टैक्स पे इम्पैक्ट आ सकता है क्या? तो क्योंकि हमको करंट टैक्स क्वेश्चन में निकाल के दिया गया है, तो हम बोलेंगे थैंकफुली कि हमें इस पर कोई दिमाग नहीं लगाना है, शायद ये सब सोच समझ के हमको ये वैल्यू दी हुई है। नहीं तो क्योंकि टैक्स रेट क्वेश्चन में दिए, तो हर प्रॉफिट और लॉस के एडजस्टमेंट का इम्पैक्ट करंट टैक्स पे सोचना पड़ता है। ये आदत में नहीं आता है, क्योंकि नॉर्मली एग्जाम हमने जो प्रैक्टिस करते हैं अपन क्वेश्चन इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के अपनी स्ट्राइक करके, उसमें टैक्स रेट हर क्वेश्चन में होती नहीं है, तो ये मिस हो जाता है। इसलिए आपको हमेशा टैक्स रेट क्वेश्चन में दिया है, तो हमेशा ध्यान रखना कोई भी इनकम एक्सपेंस का रेक्टिफिकेशन है तो उसका टैक्स एडजस्टमेंट भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। और दूसरा ना, आपका ये जो इन्वेस्टमेंट है, ये करंट इन्वेस्टमेंट 30,000, ये 30,000 की जगह 50,000 पर आ जाएगा अंडर फाइनेंशियल असेट्स। चलो प्रेजेंटेशन देखेंगे। नेक्स्ट, एक्चुअरियल गेन ऑन एम्प्लॉई बेनिफिट मेजरमेंट ऑफ 1,000 हैज बीन ओमिटेड इन द फाइनेंशियल्स ऑफ सॉफ्ट भारती प्राइवेट लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2020। तो ये एक्चुअरियल गेन हुआ 1,000 का, बताओ भाई क्या करेंगे इसका? एक्चुअरियल गेन क्या करेंगे इसका? 1,000 का एक्चुअरियल गेन हुआ एम्प्लॉय बेनिफिट मेजरमेंट्स पे सॉफ्ट भारती में, जिसको ओमिट कर दिया 31 मार्च के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, इसकी क्या अकाउंटिंग करोगे आप बताओ, बताइए। लेट्स सी ओसीआई में जाएगा, नॉट इनफ, पीआरएल या ओसीआई? ओसीआई तो ओसीआईआर या ओसीआईएनआर, पूरा बताना पड़ेगा, या सीधे रिजर्व में? परफेक्ट, रक्षा, परफेक्ट आंसर, ये ओसीआईएनआर में जाएगा। आप बताओ ओसीआईएनआर कितने से बढ़ जाएगा? तो जैसे मैंने आपको बताया, OCINR में 1,000 का प्रॉफिट आएगा, क्योंकि इंडेस 19 एम्प्लॉय बेनिफिट बोलता है कि कोई भी मेजरमेंट गेन लॉस हुआ है, विच बेसिकली इंक्लूड्स एक्चुअरियल गेन लॉस ऑन एम्प्लॉय बेनिफिट लाइबिलिटीज एंड इट आल्सो इंक्लूड्स प्लान असेट्स के ऊपर कोई भी गेन लॉस हुआ है, तो ये आपको अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम नॉन रिक्लासिफाइबल में शो करना पड़ेगा। तो 1,000 विल गो टू OCINR। अब आप देखते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे जो बनाया है, इसमें कोई ओसीआई ओसीआई है क्या? नहीं, ये तो प्रॉफिट फॉर द ईयर पे ही खत्म हो गया, तो हमें एक अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम सेक्शन बनाना पड़ेगा, जिसके दो पार्ट होते हैं, रिक्लासिफाइबल और नॉन रिक्लासिफाइबल। तो ये जो नॉन रिक्लासिफाइबल वाला सेक्शन होगा, इसमें हमें एक्चुअरियल गेन नहीं दिखाना पड़ेंगे, कितने के? 1,000 के।
अब जैसे ही आपने बोला सर गेन दिखाना पड़ेगा, तो अभी आप बोल रहे थे हर चीज़ का टैक्स इफेक्ट सोचो, तो क्या इसका टैक्स का प्रोविजन ऑलरेडी कंपनी कर चुकी है? तो अब इसमें अगर मैं क्वेश्चन ध्यान से वापस से पढ़ूँ तो कंपनी ने क्या बोला है कि करंट टैक्स आफ्टर डूइंग नेसेसरी एडजस्टमेंट ऑफ अलाउंसेस एंड डिसअलाउंसेस रिलेटेड टू इनकम टैक्स कम्स टू 1,25,700। तो अब ये करंट टैक्स 1,25,700 रुपये जो आ रहा है, ये किसके आधार पे आ रहा है? ये जो आपको इस साल टैक्स पे करना है, ये जो 1,000 रुपये का दोस्तों इम्पैक्ट है एक्चुअरियल गेन का, इसका तो कोई टैक्स इफेक्ट ऐसे भी नहीं आया होगा। तो मेरे हिसाब से मुझे इसके ऊपर सोचना पड़ेगा कि क्या इस पे 30% से इसका टैक्स इफेक्ट 300 का भी मुझे शो करना पड़ेगा, एंड आई थिंक करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का पार्ट है, तो इसका 300 का टैक्स इफेक्ट लेना पड़ेगा। तो क्योंकि इसको पूरी तरह से इग्नोर कर दिया है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? तो वी विल हैव टू क्रिएट, बेसिकली बेनिफिट है तो मेरी लाइबिलिटी कम हुई है 1,000 से, पर उधर 300 रुपये का अगर मैं टैक्स इफेक्ट दिखाऊंगा तो बैलेंस शीट में नेट 700 का इम्पैक्ट आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2019-20 हैव नॉट येट बीन अप्रूव्ड। बहुत अच्छी बात है, हमें बोला गया है कि इसको सही करो। यू आर रिक्वायर्ड टू असर्टेन वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सॉफ्ट भारती प्राइवेट लिमिटेड आर करेक्टली प्रेजेंटेड एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। हम बोलेंगे नो। इफ नॉट प्रिपेयर द रिवाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सॉफ्ट भारती प्राइवेट लिमिटेड आफ्टर केयरफुल एनालिसिस ऑफ द मेंशन फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन। यानी बेसिकली आपको बोल रहे हैं कि शेड्यूल 3 डिवीजन 2 के बेसिस पे आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करके प्रेजेंट करने। चलिए, तो ये मैंने आपको डिटेल में डिस्कस तो कर लिया कि इस क्वेश्चन में आपको सॉल्व करते समय किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। अब मुद्दे की बात, अगर इसको अभी अपन सॉल्व करते हैं जो आप बोलो तो कर सकते हैं, तो देन इन दैट पर्टिकुलर केस आप ये समझ लीजिए कि इट विल टेक ऑलमोस्ट 30 to 40 minutes टू सॉल्व दिस वन पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि अपने को सॉल्व करने के साथ साथ थोड़ा थोड़ा डिस्कशन भी करते जाना है। ऑब्वियसली बात है, आरटीपी के सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, अभी आपके ऊपर है। आप अगर बोलते हो कि सर इसे सॉल्व करवाओ अभी, आई कैन गेट इट सॉल्व। आप अगर बोलते हो नहीं सर ऐसे करके आप सारे के सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लो और इनके सॉल्यूशन में आप मुझे बाद में टेलीग्राम ग्रुप पे मैं एक वोट डलवा लूंगा, जो जो क्वेश्चंस आप टिप करोगे उसका मैं एक अलग से वीडियो कैसे सॉल्व किया उसको सॉल्व करते हुए बना दूंगा। देन इन दैट पर्टिकुलर केस आप ये समझ लीजिए कि हम पूरी हमारी आरटीपी का डिस्कशन अभी यू समझ ले इन अनादर 1 आवर वी बी एबल टू कंप्लीट, बट इफ यू स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन तो फिर आप ये समझ लीजिए कि तारीख बदल सकती है हमारा वीडियो खत्म होते होते। अब आप प्लीज कृपा करके बताइए क्या चाहते हैं आप, सॉल्यूशन ऐसे ही डिस्कस कर लें? क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, ऐसे ही डिस्कस कर लो सर, ओनली डिस्कशन ऐसे ही। ठीक है ठीक है, नो नीड टू चेंज द डेट। ठीक है, तो आई थिंक अपना मेजर पर्पज भी वही है। तो अगर आपको सॉल्यूशन ऐसे ही डिस्कस करना है, आई विल जस्ट सॉल्यूशन एक बार क्विकली बता देता हूँ। इस क्वेश्चन का बड़ा क्वेश्चन है तो बड़ा इंटरेस्टिंग भी है और ऐसे क्वेश्चन सॉल्व भी कर लेना चाहिए। तो आप प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली इसे प्लीज सॉल्व करना। चलिए मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन के साइड में आंसर से इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ वेरी क्विकली। आई जस्ट क्विकली गो थ्रू दिस पर्टिकुलर थिंग, क्या किया इन्होंने। तो सबसे पहले इन्होंने थोड़ा ज्ञान दे दिया कि भाई इंडेक्स लगेगा इस कंपनी के ऊपर, क्यों? क्योंकि इसकी पेरेंट कंपनी जो है वो इंडेक्स फॉलो कर रही है। ध्यान रखना जब भी सॉल्व करो तो सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इनफैक्ट इसके ऊपर भी आइडियली आपको लिखना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सॉफ्ट भारती प्राइवेट लिमिटेड। इनफैक्ट मैं होता तो स्पेसिफिकली लिखता स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सॉफ्ट भारती प्राइवेट लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। ध्यान रखना जब भी क्वेश्चन आपको स्पेसिफिकली कोई बैलेंस शीट पीएनएल बनाने की बात कर रहा है, एज पर फ्रेमवर्क प्रिपेयर करने की बात कर रहा है, तो फॉर्मेट इंपॉर्टेंट है। तो हेडिंग में पर्टिकुलर्स देना, अमाउंट अमाउंट के सामने रुपीज, ये सब चीजें लिखना इंपॉर्टेंट है। यूजुअली इसके मार्क्स मिलते नहीं है ना कटते हैं, कभी कभी हो सकता है कि इंस्टीट्यूट मार्क्स काट दे, तो प्लीज रिमेंबर यू विल हैव टू कीप दिस इन माइंड। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 10 लाख, अदर इनकम 1 लाख प्लस 20,000, रिफर नोट 1। ये 20,000 बेसिकली किस चीज़ के लिए आया है, कोई बता सकता है? हाँ सर, वो 30,000 से 50,000 हमने गेन बुक किया था, तो ये बेसिकली हमारा अदर इनकम में चले गया 20,000 रुपीज़, तो ये यहाँ पे एडजस्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड मैंने आपको बताया था अभी, ये छोटी छोटी बातें बस डिस्कस कर लेता हूँ जिसपे आपको फोकस करना है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं आता है, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आता है। तो अगर क्वेश्चन में परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया होता तो मैं उसे परचेज प्लस ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करके रॉ मटेरियल कंज्यूम लिखता, पर फिनिश गुड्स तो आप कभी भी खरीदते नहीं हो क्योंकि आप खुद बनाते हो। स्टॉक इन ट्रेड जिसे आप ट्रेडिंग करते हो, खरीद के बेचते हो, उसमें परचेज अलग और चेंजेस इन स्टॉक अलग। तो ये आपने 5 लाख पे शो करिए, बुक्स में आपने कितना दिखा रखा है, तो ये शोन बेसिकली 5 लाख रुपीज, ये 5 लाख पे एज इट इज आ गया क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं था, चेंजेस इन स्टॉक में कोई चेंज नहीं था। एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस में क्या कोई चेंज होगा? तो हमने देखा है एक्चुअरियल गेन है पर वो ओसीआई का पार्ट है, तो इसलिए यहाँ पर कोई चेंज नहीं हुआ है। डेप्रिसिएशन एज सच कैलकुलेशन दिया हुआ है, देयर इज नो चेंज इन इट। अदर एक्सपेंसेस क्योंकि हमें कोई ब्रेकअप दिया नहीं है तो हमें इसके बारे में कुछ ज्यादा आइडिया भी नहीं है।
इसके बाद करंट टैक्स हमने एज पर क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दी थी 125,700 वो ले लिया। अब आते हैं अपन डेफर्ड टैक्स की कैलकुलेशन पे। डेफर्ड टैक्स कैसे बनेगा? तो डेफर्ड टैक्स में क्वेश्चन में क्या कहा है कि इन्होंने डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी 6,000 की क्रिएट कर दी, पर क्वेश्चन में गिवन इन्फॉर्मेशन के अनुसार एक डेफर्ड टैक्स असेट और क्रिएट होना चाहिए था। किसका डेफर्ड टैक्स असेट क्रिएट होना चाहिए था? आइडियली ये 24,000 रुपए जो अपन ने निकाले, इसका 7,200 का डेफर्ड टैक्स असेट क्रिएट होना चाहिए था। तो आइडियली वी शुड हैव क्रिएटेड अ डेफर्ड टैक्स असेट फॉर हाउ मच? फॉर 7,200 रुपीज। तो ये 7,200 का अगर मैं DTA क्रिएट करूंगा और 6,000 का मेरा DTL है, तो क्योंकि ये दोनों ही बिजनेस प्रोफेशन हेड में जा रहे हैं तो ये आपस में ऑफसेट हो सकते हैं, और अगर ये आपस में ऑफसेट हो जाएंगे तो 7,200 का DTA इज अ गेन, 6,000 की DTL इज अ एक्सपेंस, नेट विल बी अ 1,200 ऑफ गेन। इसलिए एक्सपेंस में 1,200 माइनस कर दिया है। ठीक है, प्लीज ये मत समझना कि मैं FR में ऑडिट कर रहा हूँ आंसर्स का। मेरा ऑब्जेक्टिव बस टाइम फ्रेम के अंदर इंपॉर्टेंट चीजें आपको हाईलाइट करके डिस्कस कराना है, दैट इज व्हाई आई एम गोइंग थ्रू दिस। अदरवाइज आप ये समझ लीजिए कि 6 घंटे लग जाएंगे RTP सॉल्व करने में अपने को। ठीक है, तो वी हैव टू बी समवेयर द अदर प्रैक्टिकली कीपिंग इन माइंड द टाइम कंस्ट्रेंट्स, वी हैव टू टेक अ कॉल इन टर्म्स ऑफ हाउ टू सॉल्व इट। यू कैन डेफिनेटली देन सॉल्व इट लेटर। तो ये टोटल टैक्स एक्सपेंस ऐसे दिखा देना आपको, उसके बाद आपका प्रॉफिट फॉर द ईयर आ जाएगा, विच इज फाइन। अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम नॉन रिक्लासिफाइबल, रीमेजरमेंट ऑफ नेट डिफाइंड बेनिफिट प्लान्स, और देखो आप उसमें उन्होंने उसके ऊपर टैक्स लाइबिलिटी 300 रुपए की कैलकुलेट कर दी है, OCI में 700 चले गया। लेट अस कम टू द बैलेंस शीट, ज्यादा एडजस्टमेंट उससे रिलेटेड थे। बैलेंस शीट में वापस से बैलेंस शीट एज ऑन डेट, पर्टिकुलर्स, असेट्स, सबसे पहले नॉन करंट असेट्स, उसके अंदर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, फाइनेंशियल असेट, डिफर्ड टैक्स असेट्स और अदर्स, ये प्रेजेंटेशन होता है। अब सिमिलरली अगर आप करंट असेट्स में जाओगे तो अब उसमें PPE की इन्वेंट्री आ जाती है, देन वी हैव फाइनेंशियल असेट्स, उसके बाद में अगर आपकी कोई टैक्स असेट्स होती है तो वो और अदर्स होता है तो वो आ जाता है। तो यहाँ पे सब फाइनेंशियल है इसलिए ये इस तरह का आ गया टोटल असेट्स। एंड देन वी हैव द इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड, जिसमें शेयर होल्डर फंड वगैरह कुछ नहीं होता, इक्विटी जिसमें शेयर कैपिटल और अदर इक्विटी, नॉन करंट लाइबिलिटी में जो भी आएगा करंट लाइबिलिटीज, फाइनेंशियल लाइबिलिटी, और इस तरह का प्रेजेंटेशन है। इसमें क्या क्या एडजस्टमेंट्स हैं एक बार वो मैं क्विकली करवा देता हूँ। तो अपन बैलेंस शीट पर आते हैं, यहाँ पे लेट अस पिक द बैलेंस शीट असेट साइड फर्स्ट। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट आई डिडंट फाइंड एनी पर्टिकुलर एडजस्टमेंट पर से। लॉन्ग टर्म लोन्स एडवांसेस 40,000 रुपीज, इसमें क्या कोई एडजस्टमेंट था? तो हमको यहाँ पे CWIP से रिलेटेड एक बात करी गई थी, कैपिटल एडवांस रिलेटेड, कि 50,000 रुपीज का कैपिटल एडवांस अदर करंट असेट्स में। ओके, तो वो तो फिर प्रैक्टिकली आपका किसका पार्ट हो गया? अदर नॉन करंट असेट्स 50,000, ये बेसिकली कैपिटल एडवांस है। ठीक है, तो अब आपको इसमें आइडियली क्या देखना है कि ये 50,000 देखो क्या ये फाइनेंशियल असेट्स में है या अदर करंट असेट्स में है। दिस इज शोन अंडर अदर करंट असेट, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल असेट्स, और ये कैपिटल एडवांस आपने अलग से दिखा दिया, इसको CWIP के अंतर्गत शो नहीं करेंगे। तो अगर आप प्रेजेंटेशन देखते हो तो प्रेजेंटेशन हमारा कैसा होता है, प्रॉपर्टी बैलेंस शीट का शेड्यूल 3 का प्रेजेंटेशन, वी हैव प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, देन वी हैव कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, है ना। तो इस तरह से अपन फिर उसके बाद अपने इंटेंजिबल असेट्स आते हैं, तो वी हैव गुडविल, अदर इंटेंजिबल असेट्स, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, फिर उसके बाद हमारे बेसिकली क्या आते हैं, फाइनेंशियल असेट्स एंड अदर असेट्स, टैक्स असेट्स। तो उस लॉजिक से ये इन्होंने यहाँ पे कवर कर दिया। अब डेफर्ड टैक्स असेट पे आ जाए, डेफर्ड टैक्स असेट कितने का आएगा, तो आप देखो ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखोगे तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग 6,000 की डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी थी जो बुक कर रखी थी, और 7,200 का हमने डिफर्ड टैक्स असेट बुक किया, तो नेट 1,200 का डिफर्ड टैक्स असेट आ गया। लेकिन आपने ये जो 300 रुपए का टैक्स एक्सपेंस बुक किया है, आपने आज इसका डिडक्शन क्लेम नहीं किया होगा, क्यों? क्योंकि बेसिकली ये सिर्फ क्या एक फेयर वैल्यूएशन गेन लॉस है, तो आज इस पे आपको टैक्स देना भी नहीं पड़ा होगा। लेकिन आपने आज क्या किया है, इनकम करके यहाँ पे 300 रुपीज का व्हाट यू हैव डन इज यू हैव बेसिकली रिकॉग्नाइज द टैक्स एक्सपेंस। अब आप समझो क्या होगा इसका DTI या DTL। प्रैक्टिकली स्पीकिंग अगर आज आपने 1,000 की इनकम बुक करी और उस पर टैक्स नहीं दिया है, तो आज की इनकम आपकी ज्यादा आ रही है, आगे आपको टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा, तो यू हैव टू क्रिएट अ डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी। तो इफेक्टिवली आपकी देखा जाए यहाँ पे तो क्या होगा, you will basically have a deferred tax liability of 6,000 which is given in the books, इसमें 300 जोड़ना पड़ेगी, लेकिन 7,200 का deferred tax asset minus करना पड़ेगा, जिसके basis पे आपका इस तरह का ये adjustment होगा। तो उस logic पे अगर मैं calculate करूँ तो मेरा net net क्या होगा, 900 का deferred tax asset बचेगा, वो यहाँ पर show हो गया। I hope this is all clear to everybody. Clear है? चलो, किसी ने फॉर्मेट का पूछ रहा है, मैं फॉर्मेट भी दिखा दूंगा अभी आपको ब्रह्मास्त्र से, पहले अपन असेट्स देख लेते हैं। ठीक है, तो इसके साथ मेरा किसका डिस्कशन हो गया, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट डन, लॉन्ग टर्म असेट्स लोन्स एंड एडवांसेस हैं, तो ये आपके बेसिकली क्या होंगे, फाइनेंशियल असेट्स होंगे, अज्यूमिंग की किसी को अपन ने लोन दिया है जो रीपे करेगा। 50,000 का जो मेरा कैपिटल एडवांस है उसको मैंने अदर देन फाइनेंशियल असेट्स में शो कर दिया, और डिफर टैक्स असेट मैंने 900 रुपये से अलग शो कर दिया। कूल, नेक्स्ट आते हैं आप करंट इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर। करंट इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल असेट्स के अंतर्गत आएगा और 50,000 रुपये आएगा, तो फाइनेंशियल असेट्स के अंदर वी विल शो इन्वेस्टमेंट्स 50,000 रुपीज, ये क्लियर है, क्योंकि फेयर वैल्यू पे लेके आए अपन।
ये हो गया अपना करंट इन्वेस्टमेंट। अब आते हैं इन्वेंट्री, ये अलग से दिखती है 80,000, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो ये 80,000 की इन्वेंट्री अपनी सही सही आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं। ट्रेड रिसीवेबल, इसमें एक इंटरेस्ट से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट दिया था कि अर्न करंट एसेट्स में उसका जो अक्रूड ब्याज है वो कुछ शामिल है, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। चलो सर है ना, एक चीज़ और बताना थोड़ा सा, कि ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम में करते हैं ना तो भी हमको ऐसा डर लगता है कि यार इसमें कोई एडजस्टमेंट छूट तो नहीं गया, तो उसको अपन कैसे मैनेज करेंगे? तो देखो उसके लिए आपको नॉर्मली अपने चैप्टर्स में तो अपन एक तरकीब बना लेते हैं, पर ये चैप्टर्स में थोड़ा सा यू विल हैव टू डू व्हाट, यू जस्ट हैव टू बी अ लिटिल केयरफुल। आई विल स्टिल गिव अ ट्रिक। 51,000 का इंटरेस्ट रिसीवेबल फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल है, तो अब ये ब्याज के नेचर का 51,000 है, तो बेहतर है कि आप इसको ट्रेड रिसीवेबल में जोड़े अदर फाइनेंशियल एसेट, बेटर कि हम अदर फाइनेंशियल असेट्स में इसको शो करें। ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है? बेसिकली जो गुड्स के लेन देन से पैसा है, ये ब्याज का जो पैसा उनसे लेना है क्योंकि उन्होंने कोई लेट पेमेंट वगैरह किया होगा या हमने एक्सटेंडेड क्रेडिट दिया होगा, तो बेहतर है इसको अलग से शो कर दें। चलो यार क्वेश्चन पे आता हूँ वापस। कैश एंड बैंक बैलेंसेस किस में आते हैं जल्दी बताओ? फाइनेंशियल असेट्स में आते हैं सर, तो ये फाइनेंशियल असेट्स में आप दिखा दोगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के नाम से, पब्लिक अदर बैंक बैलेंसेस के नाम से 115,000, और ये 51,000 का आपका अदर करंट असेट बेसिकली किससे रिलेटेड है? तो दिस इज व्हाट वी टॉक्ड अबाउट, ट्रेड रिसीवेबल का जो हमारा बैलेंस है। चलो अब आ जाओ अपन शेयर होल्डर फंड्स पे। शेयर कैपिटल में आई डोंट थिंक देयर इज एनी एडजस्टमेंट, तो इसको इक्विटी शेयर कैपिटल के नाम से अपन 1,00,000 रुपए एज इट इज दिखा देंगे। अदर इक्विटी में डेफिनेटली एडजस्टमेंट आएगा, क्यों? क्योंकि रिजर्व्स एंड सरप्लस जो है वो 2,27,500 कैसे आए हैं? तो क्योंकि ये कंपनी का पहला साल है, तो इन्होंने क्या किया है आप देखो, ये मैं बता देता हूँ, 242,500 माइनस शायद 15,000 का डिविडेंड पेबल इन्होंने माइनस कर दिया, तो 227,500 आ गया। मेरा क्या आना चाहिए? तो मैंने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में कितना प्रॉफिट दिखाया है? आई हैव शोन अ प्रॉफिट फॉर द ईयर ऑफ 2,50,500 प्लस इसके अलावा 700 की OCI है जो भी रिजर्व एंड सरप्लस में आएगी, तो ये दोनों चीज़ें ऐड होना चाहिए, पेबल वगैरह कुछ भी माइनस नहीं होना चाहिए, तो वो लॉजिक से 251,200 आ गया, जो कि 250,500 प्लस 700 है। आइडियली आपको स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाना चाहिए जो यहाँ पे दिया हुआ है, जिसके दो पार्ट होते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल और अदर इक्विटी। अदर इक्विटी में आपको क्या दिखाना है? तो ओपनिंग बैलेंस कुछ होगा नहीं, कंपनी इसी साल बनी है, प्रॉफिट फॉर द ईयर, OCI और ये टोटल उठा के यहाँ पर आ गया। चलिए अब आ जाते हैं, इसके बाद अपने को रिजर्व एंड सरप्लस हो गया, अब आते हैं अपन नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। 25,000 रुपए के लॉन्ग टर्म प्रोविजंस है, ये कौन से प्रोविजंस दिए हुए हैं आपको? तो देखते हैं इसके बारे में कहीं कोई इन्फॉर्मेशन दी हुई है क्या, तो देयर इज नो इन्फॉर्मेशन गिवन ऑन दिस, तो फिर उस केस में अपन मान लेते हैं कि कोई भी तरह के प्रोविजन होंगे, तो अब इसमें हमारे पास एक एम्प्लॉय बेनिफिट की भी 1,000 का गेन बुक किया है, तो उससे हमारी लायबिलिटी कम होगी, तो वो उन्होंने यहाँ पे उससे एडजस्ट कर दिया है 1,000 का जो एक्चुअल गेन अपना आया था। ठीक है, मैं बोले जा रहा हूँ भाई सब सही है ना? हाँ ठीक चल रहा है, समझ में आ रहा है भाई? आप लोगों को ध्यान दे पा रहे हो आप लोग? हेलो रुक गया मैं बीच में, है ना? पूरा ध्यान है। हेलो सर, इतनी देर में तो सॉल्व भी कर देते। अरे भाई मेरे सॉल्व नहीं होता, बस कॉन्सेप्ट में बताते जा रहा हूँ, इससे आपको टैली करा दे जाता हूँ। ये बड़ा क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा इसमें समय लग रहा है, आगे तो बड़ा आसानी से अपन उसको सॉल्व करना चाहेंगे तो कर लेंगे। चलिए तो नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट, इसके अलावा क्या है? देन वी हैड ट्रेड पेबल्स, यहीं पे थे ना अपन, कहाँ थे? तो आई वॉज ऑन प्रोविजन राइट, फाइनेंशियल लाइबिलिटी में आ जाएगा ट्रेड पेबल 11,000 का, ये एज इट इज 11,000 आ गया। अदर करंट लाइबिलिटीज आपको दी हुई है 45,000 की, नाउ व्हाट इज दिस, एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजन आपको दिए हुए हैं 1,06,500 के। अब ये कमबख्त क्या है? तो 1,06,500 आपका करंट टैक्स का प्रोविजन था, जो अभी अपन ने डिस्कस किया कि वो चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा? तो क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन P&L की दे रखी है कि अब आपका करंट टैक्स का प्रोविजन कितने से बनाना है आपको, 1,25,700, और ये फाइनेंशियल लाइबिलिटी में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये करंट लाइबिलिटी है पर फाइनेंशियल लाइबिलिटी नहीं है, क्योंकि ये टैक्स है, कॉन्ट्रेक्चुअल नहीं है, तो इसलिए आप देखो ये 1,25,700 हो गया। गवर्नमेंट के जो स्टैचुटरी ड्यूज हैं वो 15,000 आपको अलग से दिखाना पड़ेंगे, दैट इज वाई अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो टोटल आपकी लाइबिलिटी है 15,000 की, ये 45,000 की, ये 45,000 में से गवर्नमेंट के 15 अलग निकल गए और डिविडेंड पेबल 15 का था वो अलग निकल गया, तो बचा 15,000 रुपये, ये वाला आ गया। टोटल लगा लेना, उम्मीद करते हैं कि ये मैच हो जाएगा। चलो अब आपको एक टिप ले लीजिएगा मुझसे कि ऐसे क्वेश्चन हो तो सॉल्व कैसे करना है, तो इसका सिंपल सा तरीका यही होता है दोस्तों, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के क्वेश्चन में हर क्वेश्चन में देयर विल बी अ डिफरेंट सेट ऑफ वैरायटी। आइडियली मैं ट्रिक देना चाहता तो ये देता कि हर एडजस्टमेंट में आप साइड में लिख लो कि इससे कौन कौन से आपके अकाउंट्स अफेक्ट होंगे, बट प्रॉब्लम यह है कंबक्त कि अपन ये लिख नहीं पाते। किसमें नहीं लिख पाते? वी कैन नॉट राइट दिस इन दी क्वेश्चन पेपर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्वेश्चन पेपर में आप लिख नहीं सकते, क्यों? क्योंकि मार्किंग करना अलाउड नहीं, अटेम्प्ट टू चीट माना जाता है। तो इसके लिए व्हाट आई यूज्ड टू डू इन माय एग्जाम्स वाज, मैं सप्लीमेंट्री का आखिरी पन्ना वर्किंग पेपर के नाम से रख लेता था, और जब मैं क्वेश्चन पढ़ता था तो मैं साथ साथ में क्या करता था कि क्वेश्चन पढ़ा और मैंने पढ़ा पहला वाला एडजस्टमेंट, तो मुझे इससे समझ में आया कि यार पॉइंट नंबर 1 इज रिलेटिंग टू व्हाट, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, पॉइंट नंबर 2
का DTL का इम्पैक्ट है, पॉइंट नंबर थ्री से DTA का इम्पैक्ट आएगा। तो आई यूज टू बेसिकली राइट बैक कि यार क्वेश्चन नंबर वन जो मैंने किया है, इस क्वेश्चन नंबर वन को जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ उसके पॉइंट नंबर वन में, तो आई यूज टू राइट, अगर यहाँ पे अब यहाँ पे इन्होंने बुलेट पॉइंट्स दे दिए, वन टू थ्री देते तो अच्छा रहता, तो वन टू थ्री ABC में इसमें दो दो अकाउंट ही अफेक्ट हुए हैं। तो क्या होता, आपने पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया, कहीं पर भी अब आपको क्या करना है, सपोज फॉर एग्जांपल देखना है कि यार DTA किस किस में अफेक्ट हो रहा है, तो आपने देखा कि यार ये वाले एडजस्टमेंट है जिसमें DTA पे इंपैक्ट आ रहा है, तो वो सारे पॉइंट्स का इफेक्ट दे दिया आपने। तो इससे एटलीस्ट आप इंश्योर कर लोगे कि सारे एडजस्टमेंट्स आपके रिस्पेक्टिव जगह पे मैनेज हो रहे हैं। तो ये एक तरीका हो सकता है, या फिर दूसरा तरीका वही है कि अपन क्वेश्चन ध्यान से पढ़ के जब भी सॉल्व करो तो बार बार पन्ने पलटते जाओ, क्वेश्चन पेपर में क्या क्या है, सॉल्यूशन शीट्स में क्या है, उसको मैच करते जाएं। तो दैट इज वन पॉसिबल पॉसिबिलिटी। चलिए, आई होप इज दिस क्लियर। इसमें सवाल है कोई आपके तो पूछ लीजिए, और अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। तब तक मैं आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्मेट बता देता हूँ, क्योंकि कोई लोग पूछ रहे हैं कि सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फॉर्मेट में शेयर होल्डर फंड वगैरह नहीं आता क्या। तो ये देख लीजिए, आपके ये इलस्ट्रेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्मेट है जो शेड्यूल 3 डिवीजन 2 के अनुसार है, इंडेस के अनुसार। तो यू शो बैलेंस शीट एज एट पर्टिकुलर्स, नोट नंबर जो कि इन्होंने नहीं दिए, फिगर्स और प्रीवियस ईयर के फिगर्स, नॉर्मली क्वेश्चन में नहीं होते तो ये कॉलम ऐड नहीं करते। असेट्स में नॉन करंट असेट्स जिसके अंदर अपन पढ़ते थे, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, गुडविल, अदर इंटेंजिबल असेट्स। आपको याद भी होगा अपन क्लास में डिस्कस करते थे प्रियंका चोपड़ा के IP एड्रेस से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनके बॉयफ्रेंड के बारे में पता कर लिया, तो प्रियंका चोपड़ा के IP एड्रेस से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनके बॉयफ्रेंड के बारे में पता कर लिया। एफ और फाइनेंशियल असेट्स, तो ये इस तरह से अपनी इसकी लाइन आइटम ज्यादा आती थी। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के टाइप के चैप्टर में सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये काम आएगा। बाकी बहुत ही सिंपल है, बाकी जितनी भी चीजें उसमें आप देखोगे, करंट असेट, नॉन करंट असेट और करंट नॉन करंट लाइबिलिटी, इनमें चार चीजें होती है। आप देख लो यहाँ पे ABCD, ABCD सेम ईयर ABCD, और ये सब में ABCD में एक क्या होगा, फाइनेंशियल असेट, फाइनेंशियल लाइबिलिटी आ जाएगी। टैक्स से रिलेटेड एक आ जाएगा, प्रोविजन एक आ जाएगा, और बाकी सब में अलग अलग होगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे करंट असेट में इन्वेंटरी अलग है, नॉन करंट लाइबिलिटीज में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे डिफर टैक्स लाइबिलिटी आपको अलग से मिलेगी, यहाँ पे फाइनेंशियल लाइबिलिटीज के साथ साथ आपको करंट टैक्स लाइबिलिटीज अलग से मिल जाएंगी। तो इस तरह से अगर आप देखोगे तो लाइबिलिटी साइड में अगर अपन देखते हैं तो वी हैव फाइनेंशियल लाइबिलिटी, प्रोविजंस, टैक्स लाइबिलिटी और अदर्स। असेट साइड में अगर अपन देखेंगे तो इन्वेंटरीज, फाइनेंशियल असेट्स, प्रोविजंस यहाँ पे नहीं होंगे तो वी विल हैव करंट टैक्स असेट्स, तो टैक्स तो होता ही है और अदर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे आप ये समझ सकते हो कि प्रोविजंस की जगह हमारे पास क्या आ गया, इन्वेंटरीज आ गई। चलिए एनीवेज, ये याद करने के तरीके हैं, मैं थोड़ा सा फटाफट बोलते जा रहा हूँ। अपन ऑब्वियसली अपना ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि अपन साथ साथ में क्वेश्चन के साथ साथ रिस्पेक्टिव चीजें ही पूरी रिवाइज कर लें, ऑब्जेक्टिव ये है कि क्वेश्चन में जो जो इम्प्लीकेशन आ रही हैं वो समझें और उसकी जो निटिग्रिटीज है जिन पे ध्यान देना चाहिए उस पे ध्यान दे सके। चलिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आया तो 20 मार्क का ही आएगा ना सर, इससे कम का तो नहीं आएगा क्या, छोड़ दो क्या, नहीं आया इससे कम का, तो 15 का आया तो हमने बोला जाओ नहीं करना इंस्टीट्यूट, जाओ जो कर लोगे, हम क्या करते हैं, वी आर बॉयकॉटिंग योर एग्जाम, वी विल नॉट गिव, इंस्टीट्यूट बोलेगा अरे हम डर गए कोई बात नहीं 6 महीने बाद आना। चलिए, सॉल्व करने जाओगे तो ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो कोई बड़ी बात नहीं, इस टाइप का क्वेश्चन पहले ही क्वेश्चन देते हैं, क्यों, क्योंकि पहला क्वेश्चन उनकी आदत है कुछ अजीब सा देने की ताकि स्टूडेंट को मेंटली डिप्रेस कर दें। हालांकि अभी कोरोना काल चल रहा है, मुझे उम्मीद नहीं है कि और ज्यादा डिप्रेस करेंगे, तो लगता नहीं है कि ऐसा परेशान करेंगे अपने को, बट तैयारी अपनी पूरी रहना चाहिए। चलिए, राहुल बंसल बोल रहे हैं सर स्पीड थोड़ी बढ़ सकती है क्या, दोस्त ये बड़ा क्वेश्चन था इसलिए ठीक है, मैं आपकी पॉइंट का ध्यान रखता हूँ। इस दौरान मैं थोड़ा सा ये भी पढ़ लूँ कि टेलीग्राम में दोस्तों ने क्या कहा है, सब ठीक है, सब ठीक है, कूल कूल, किसी ने कहा है सॉल्व करवा दो, थोड़ा सा टाइम का इशू है यार इसलिए, है ना, नहीं तो मैं पक्का सॉल्व कर रहा था, मेरा जरा भी इंटेंशन ये नहीं है कि अपन इसको ऑडिट कर ले। चलो दोस्तों, आओ सेकंड क्वेश्चन पे, क्वेश्चन चेंज, रंग बदल लेते हैं, इंडेस 28 काय का ये। चलिए, तो ये तो सर अभी कल ही रिवाइज किया अपन ने एक दिन पहले, एसोसिएट जॉइंट वेंचर्स, सर इसका रिवीजन पेंडिंग था, आज हो गया, मिल जाएगा तुमको। 1 अप्रैल 2019 Investor Limited acquires 35% interest in another entity, XYZ Limited. Investor Limited determines that it is able to exercise significant influence over XYZ Limited. It has paid total consideration of 47,50,000 for acquisitions of its interest in XYZ Limited. At that date of acquisition, book value of XYZ Limited net asset was 90 lakh and their fair value was 1 crore 10 lakh. Investor has determined that difference of 20 lakh pertains to an item of property, plant and equipment which has remaining useful life of 10 years. So, ye revaluation hua hai aur apan ne padha tha kal subsidiary mein, same logic lagta hai associate mein ki revaluation of assets ke karan agar wo depreciable asset hote hain to post acquisition profits bhi aapko adjust karna padenge. During the year XYZ made a profit of 8 lakh. XYZ Limited paid a dividend of 12 lakh rupees on 31st March 2020.
XYZ Limited also holds a long-term investment in equity securities. तो ये सब XYZ कौन है, बेसिकली हमारी एसोसिएट है. तो ये एसोसिएट की इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, एक तो उसने प्रॉफिट कमाया, दूसरा उसने डिविडेंड पे किया, तीसरा उसके पास कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है इक्विटी सिक्योरिटी में. इसे FVTOCI यानी फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, जिसको अपन शॉर्ट में FVOCI कहते हैं, इन अकॉर्डेंस विद इंडेज 109 XYZ लिमिटेड रिकॉग्नाइजेस एन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय ₹2 लाख इन OCI ड्यूरिंग द ईयर. सो दे आर सेइंग कि 2 लाख का इन्होंने एक OCI में गेन बुक किया है. तो ये जो 8 लाख दिया ये अपन मानते हैं प्रॉफिट और लॉस में प्रॉफिट बुक हुआ है, और इसके अलावा OCI में ये इनकम एडिशनली बुक हुई है. तो दो इनकम हो गई मेरी, एक PRL और एक OCI, और एक डिविडेंड पेड हो गया. कैलकुलेट द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इन्वेस्टर लिमिटेड इन्वेस्टमेंट इन XYZ लिमिटेड ऑन 31 मार्च 2020 एज पर रिलेवेंट इंडेक्स. तो आपको बोला है कि इन्वेस्टमेंट लिमिटेड की बुक्स में इस इन्वेस्टमेंट को आप कैसे दिखाओगे. आई वुड मार्क दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एज वेरी इंपॉर्टेंट वन फॉर द एग्जाम्स, क्योंकि इंस्टीट्यूट एसोसिएट JV में नॉर्मली इस तरह का एक छोटू क्वेश्चन पूछता है. वेरी क्विकली आई जस्ट टेल यू इन टर्म्स ऑफ हाउ दिस इज प्रेजेंटेड. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इफ आई जस्ट क्विकली शो यू कि इन्वेस्टर लिमिटेड की बैलेंस शीट में इसका प्रेजेंटेशन कैसे होगा. तो अंडर द बैलेंस शीट फाइनेंशियल असेट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट्स इन एसोसिएट्स के अंतर्गत व्हाट वैल्यू विल आई शो. तो बेसिक फंडामेंटल क्या होता है इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स में, तो अगर मैं इसको वर्किंग नोट में कैलकुलेशन करूं तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट में मुझे ये देखना है कि क्या कोई गुडविल या कैपिटल रिजर्व आ रहा है क्या. तो अगर मैं गुडविल और कैपिटल रिजर्व का कैलकुलेशन करूंगा तो ये कैलकुलेशन डेट ऑफ एक्विजिशन पे किया जाता है. डेट ऑफ एक्विजिशन पे PC की अगर मैं बात करूं, परचेज कंसिडरेशन फॉर 35% इंटरेस्ट मैंने कितना पे किया था, 47,50,000 रुपीस. और इसके अगेंस्ट में मेरा शेयर इन आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स कितना था, तो आपको बोला हुआ है फेयर वैल्यू ऑफ आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स हमें कंसिडर करना है, जो कि आपको 110 लाख यानी 1,10,00,000 दी गई है, जिसका 35% आप ले सकते हैं, विच विल बी 38,50,000. इसका मतलब 9 लाख रुपीस की आपकी गुडविल है. क्या एसोसिएट्स के केस में आप बताइए गुडविल बैलेंस शीट में दिखाई जाती है क्या? नहीं सर, इक्विटी मेथड है तो हम उसमें गुडविल नहीं दिखाते, हम प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बताते हैं कि हमारा शेयर इन नेट एसेट कितना है और गुडविल कितनी है, इसको अलग अलग से हम शो कर देते हैं. तो उस एंगल से अगर मैं देखूं तो मेरा जो इन्वेस्टमेंट दिखेगा इन एसोसिएट वो कैसे दिखेगा, तो आई विल से बेसिकली कि देयर इज अ गुडविल ऑफ 9 लाख रुपीस प्लस देयर इज शेयर इन इक्विटी और आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स, एक ही बात है, ऑफ एसोसिएट कंपनी XYZ लिमिटेड ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन विच वॉज बेसिकली 1 April 2019 विच वॉज बेसिकली 38,50,000 रुपीज. दिस विल गिव मी द कॉस्ट ऑफ 47,50,000 रुपीज जो मेरी कॉस्ट थी. इसके बाद व्हाट आई डू इज आई विल ऐड शेयर इन प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी जो कि कितने हैं. तो अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि प्रॉफिट्स हमारे दो हैं, एक है PRL और एक है OCI. अब प्रॉफिट कितने हुए ड्यूरिंग द ईयर, तो उन्होंने साफ साफ बोल रखा है कि इस साल में प्रॉफिट 8 लाख हुआ है, लेकिन 8 लाख का प्रॉफिट कमाया होगा उसने डेप्रिसिएशन 90 लाख पे चार्ज करके दोस्त. और क्योंकि फेयर वैल्यू आपको यहाँ पे साफ साफ दी हुई है 1,10,00,000 यानी 20 लाख से आपने प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को अपवर्ड वैल्यू किया है, और उसकी लाइफ 10 साल होने के कारण हर साल 2 लाख का एक्स्ट्रा डिप्रिसिएशन लगेगा, तो आई हैव टू डिडक्ट 2 लाख रुपीज ईयर, और इसमें मुझे मेरा स्टेक 35% लेना होगा. तो 6 लाख में 35% मेरा स्टेक 2,10,000 हो जाएगा. कूल. एंड सेम इसी लॉजिक से आपको दिया गया है कि देर इज अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम जो कि नॉन रिक्लासिफाइबल है इक्विटी सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट है इसलिए, और उसमें 2 लाख का गेन है, तो वो 2 लाख के ऊपर आई कैन सिंपली से 35% जो कि 70,000 हो जाएगा. और जो भी डिविडेंड मिलता है दोस्तों उसको माइनस करके दिखाया जाता है. तो डिविडेंड रिसीव्ड मेरा कितना है, तो आई हैव रिसीव्ड अ डिविडेंड ऑफ 12 लाख रुपीस इनटू मेरा शेयर. डिविडेंड मुझे 12 लाख नहीं मिला, 12 लाख उसने पे किया है, मुझे उसका 35% मिलेगा, 4,20,000 रुपीस. ये माइनस हो जाएगा और इससे जो भी आपका नेट अमाउंट आएगा दैट इज समथिंग विच विल बी शोन एज एन इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट. एग्जाम में आपको इस तरह से बैलेंस शीट प्रिपेयर करके नहीं देना है, आपको सिंपल एक टेबल बनाना है इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स, और उसका इस तरह का जो कैलकुलेशन मैंने दिखाया ये देखिए आउटर कॉलम में जो फिगर आएगा वो आपको शो करना पड़ेगा. इस पूरे क्वेश्चन को सुनने के बाद इसमें एक नोट लगना चाहिए, आप बताइए वो नोट क्या होना चाहिए. इस पूरे क्वेश्चन में एक नोट लगना चाहिए, आप बताइए वो नोट क्या होना चाहिए. Anybody who can tell me what should the note be?
जो इंस्टीट्यूट ने अपने आंसर में नहीं लिखा है, आई एम नॉट सेइंग कि वो एरर है, बट यस एक नोट लगना चाहिए। उससे पहले किसी ने एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है, विच इज रक्षा शेनॉय। क्वेश्चन नंबर वन में जो एफ ई टी पी एल का गेन हुआ उसका टैक्स इफेक्ट क्या होगा? आई एम इम्प्रेस्ड विद दैट क्वेश्चन, आई विल आंसर दैट। उससे पहले मुझे बताओ इस क्वेश्चन में क्या नोट लगना चाहिए? नोट फॉर गुडविल, ठीक है। कैरी डेट कॉस्ट, ये समझ नहीं आया मुझे। गुडविल का नोट, वो ठीक है, गुडविल तो मैंने कैलकुलेट करके बता दी ना यहाँ पे, तो दैट्स इनफ। और ये नोट भी है, यहाँ पे अभी मैंने लिखा नहीं है, वो उसकी बात कर रहा हूँ मैं, क्या होना चाहिए? इक्विटी मेथड यूज किया है, डिविडेंड ज्यादा है तो इम्पेयरमेंट। देखो सार्थक गुप्ता, ये नाम में ही कुछ जादू है, नाम में ही जादू है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मेरे हिसाब से दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे ड्यूरिंग द ईयर अगर आप देखोगे, कल हमने इसको कंसोलिडेशन में डिस्कस किया था, आप देखिए डिविडेंड रिसीव कितना है, 12 लाख का डिविडेंड पे हुआ है ना, और पूरा डिविडेंड रिसीव पीआरएल में जाता है, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में है जी, है जी। और दूसरी तरफ आप देखिए क्या हुआ है, इस साल इसने पैसा कितना कमाया है, 8 लाख, जिसमें भी 2 लाख रुपए आपका डेप्रिसिएशन का इफेक्ट है, ओसीआई का भी 2 लाख जोड़ लो तो भी 10 लाख है। प्रॉफिट से ज्यादा अगर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होता है तो ये अपने आप में एक इंपेयरमेंट इंडिकेशन होता है, किसमें? सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आइडियली एक इंपेयरमेंट इंडिकेशन का यहाँ पे नोट बनना चाहिए था, तो क्यों नहीं लगाया इंस्टीट्यूट ने? क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये क्वेश्चन इक्विटी मेथड का है, और इक्विटी मेथड में वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट व्हाट, अकाउंटिंग ऑफ द इन्वेस्टमेंट अंडर व्हाट, दी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो उस बारे में डिस्कशन नहीं हुआ है। बट ऑब्वियसली बात है, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर इंपेयरमेंट बुक होगा तो कहीं ना कहीं उसका कॉन्सिक्वेंट इंपैक्ट कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आएगा क्या? Now that is another aspect to be kind of discussed or deliberated. That's not the objective for the moment. But yes, आपको ये चीज़ आपने देखी या आपके दिमाग में कहीं आई, I am very happy कि dividend amount is more than the amount of profits which have been earned during the year. ठीक है, चलिए note for tax on dividend, ये भी अच्छी बात है भाई। तो एक चीज़ ध्यान रखना दोस्तों, FR के पेपर में DT कभी मत लाना, कभी कृपा करके एग्जाम में टैक्स का नोट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन में टैक्स रेट नहीं दिया तो अज्यूम करना है सारे जो एडजस्टमेंट है उसमें टैक्स का कोई इफेक्ट नहीं है, आपको नोट देने की भी जरूरत नहीं है, हालांकि आपका जवाब गलत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर वन में आइडियली स्पीकिंग जो 20,000 रुपये का एक फेयर वैल्यू गेन था, उस पर सवाल पूछा कि सर इसका टैक्स इफेक्ट क्या होगा। तो जब मैं आपको वो समझा रहा था 20,000 का गेन, तो मैंने पूछा भी था कि यार 20,000 के गेन का टैक्स इफेक्ट क्या देंगे। फिर अपन ने बोला कि यार क्योंकि क्वेश्चन ने सारे एडजस्टमेंट्स, डिसअलाउंस, अलाउंस ये सब करने के बाद माना है कि इनकम टैक्स 125,700 आ रहा है, और मैंने 125,700 कैलकुलेट करके भी बताने की आपको कोशिश करी थी, और अपन ने देखा था कि वो सीधे मैच तो नहीं हो रहा था, क्योंकि अपना कैलकुलेशन कुछ 107,000 कुछ आ रहा था, तो हमने अज्यूम किया कि जो करंट टैक्स उन्होंने निकाला है उसमें ये 20,000 का गेन कंसिडर किया होगा। आइडियली स्पीकिंग क्या इनकम टैक्स ने इस गेन को इस साल टैक्स किया होगा? सर ये तो रियलाइजेशन बेसिस पे टैक्स हुआ होगा, तो इस साल टैक्स तो नहीं किया होगा। दैट इज वन पर्टिकुलर मैटर विच इज एक्चुअली अ मैटर ऑफ डिबेट विच यू कुडंट काइंड ऑफ थिंक अबाउट, बट यस दैट इज वन पर्टिकुलर थिंग विच इज एक्चुअली हैज अ लिटिल बिट ऑफ एम्बिग्विटी। इनफैक्ट उसके पॉसिबल ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट अपन बोलते हैं हो सकते हैं। ठीक है, चलो गुड दैट दैट केम टू योर माइंड, एंड दिस इज द होल ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पर्टिकुलर डिस्कशन। और इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ दोस्तों कि पेपर की सबसे बड़ी समस्या ये है दोस्तों कि हमारे जो पेपर्स होते हैं उन पेपर के क्वेश्चन पेपर्स में ही ऐसी एम्बिग्विटी होती है कि उसके अल्टरनेट सॉल्यूशन सही होते हैं, बट समस्या ये है कि जो इंस्टीट्यूट ने सॉल्यूशन दे दिया उसे सही मान लिया जाता है और उसी के बेसिस पे मार्क्स मिलते हैं। तो अभी अपना भी फोकस वही रहे और अपन उसी के आधार पर चले, बट रेजिंग सच क्वेश्चन एंड अंडरस्टैंडिंग वाई वी आर नॉट गिविंग इफेक्ट टू इट इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच शुड बी डन बिफोर द एग्जाम्स। अग्रीड, कूल। सो नंबर डायल करो, सर हाउ कैन वी स्कोर 100 out of 100 इन FR? अथक प्रयास। अभी तक सीए फाइनल में तो मेरे किसी स्टूडेंट ने स्कोर नहीं किया, इंटरमीडिएट में जरूर एक स्टूडेंट 100 में से 100 लेके आया था, अमितेश जैन, ठीक है। और सर उसका फाइनल में क्या हुआ? चलिए, तो फाइनल में वो नहीं लेके आया, वो रैंक लेके आ गया, उसने सब पे ध्यान देना शुरू कर दिया। एनीवेज चलिए भाई, ठीक है, बढ़े आगे बढ़े। ओके लेट्स मूव ऑन, चलो इंडेक्स 20 पे आते हैं दोस्तों। गवर्नमेंट ग्रांट्स का क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूट को आजकल बड़ा पसंद आ रहा है गवर्नमेंट ग्रांट, मुझे उम्मीद है कि इंडेक्स 20 से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है, कि इंडेक्स 20 एक इंडेक्स 7 ये थोड़े कम पूछे हुए स्टैंडर्ड्स हैं, बट अभी रिसेंट ट्रेंड को देखते हुए मुझे लग रहा है ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं कोई ज्योतिष नहीं हूं और मेरी ज्योतिष विद्या सच ऐसा है, मैंने बोल दिया ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अगर नहीं आया तो आप कुछ नहीं बोलोगे, और आगे तो आप बोलोगे अरे वाह सर ने जो इंपॉर्टेंट बोला था वो ही आया, सर जो बोलते हैं वैसे ही होता है। तो इस हिसाब से अपन इंपॉर्टेंट है तो नहीं आया तो आप ऐसे तो बोलोगे नहीं यार इनके बैठे नहीं, तो इसलिए ऐसी चीजें बोल देना चाहिए, है ना। चलो दोस्तों आओ थर्ड क्वेश्चन पे आए, अमेंडमेंट आया इसमें, हाँ टाइम हो गया दोस्तों इंडेक्स 20 में अमेंडमेंट आए हुए। आशुतोष, FR की नई बैच कब स्टार्ट हो रही है? नवंबर के आसपास ही होगी, सब्जेक्ट टू एग्जाम वगैरह क्या होती है।
इंडेस 7 इम्पोर्टेंट गुड जोक एक्चुअली. मुझे लग रहा है दोस्तों कैश फ्लो के बहुत क्वेश्चन इंस्टीट्यूट पूछ रहा है आरटीपी एमटीपी सब जगह, तो मुझे लग रहा है इस बार उसको आप अच्छे से तैयार करें प्लीज. नॉर्मली वो वन स्टार स्टैंडर्ड है बट नॉट फॉर दिस टाइम. चलिए, पढ़ाई प्लस रिविजन प्लस प्रैक्टिस प्लस आईसीआई की चेकिंग इज इक्वल टू 100 मार्क्स. निकिता ने बिल्कुल सही कहा. बड़े आगे बढ़े, सब कुछ ठीक है. थोड़ा क्वेश्चन पे आ जाऊँ. यहाँ पे देख लेते हैं, कुछ हमारे टेलीग्राम वाले बंदे कुछ बोल रहे हैं क्या? नहीं नहीं बोल रहे हैं. अभी अपलोड हुए हैं कुछ आया. अपुनी भगवान है. चलिए, ये आईसीआई ने बोला है ना, एक ग्रुप है वैसे भी रैंक बाहर है मेरी कैपेसिटी से. देवांश बोल रहा है ऐसा एनालिसिस पूछना चाहिए, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में. दोस्त यही तो बात है, सीए दोस्त एक वो डिग्री है जिसमें नाम होता है सब्जेक्ट का स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और आपसे पूछते क्या है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो, और बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू अगर पॉजिटिव है, एनपीवी पॉजिटिव है, तो डिसीजन मेकिंग कर लो कि इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए या नहीं. अब इसमें काय का एनालिसिस लगा है तुम्हारा, कैलकुलेटर चला रहे हो, एक्सेल सीख रहे हो और कुछ नहीं. एनीवेज आ जाओ दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं. सर 20 सवाल है और अभी तीसरे पे आए, कोई दिक्कत नहीं यार, जो करें अच्छे से करें, है ना. पूर्णिमा बोल रही है सर ये यूट्यूब पे रहेगा ना, मैं घर जा रही हूँ, अब सोने जा रही हूँ मैं, बहुत हो गया. कोई नहीं, चलाओ. एंटिटी इज अवॉर्डेड गवर्नमेंट ग्रांट ऑफ 60,000 रिसीवेबल ओवर 3 years, 40,000 ईयर वन, 10,000 ईच इन ईच ऑफ ईयर टू एंड ईयर थ्री, contingent on creating 10 new jobs and maintaining them for 3 years. तो इंडेस 20 कहता है कि जब भी आपको कोई गवर्नमेंट ग्रांट मिलेगी उसके अगेंस्ट में कोई ना कोई ऑब्लिगेशन जरूर होगा, और इस सिचुएशन में ऑब्लिगेशन क्या दिख रहा है? The obligation is that you have to create 10 new jobs every year and you'll have to give or keep those jobs for at least next 3 years. तो ये आपका ऑब्लिगेशन है. The employees are recruited at a total cost of 30,000 rupees and the wage bill for the first year is 1 lakh. Rising by 10,000 each of the subsequent years. तो कंपनी ने 10 नए जॉब क्रिएट कर दिए हैं और 3 साल तक उनको मेंटेन करेगी, और कंपनी को उसके बदले में 30,000 की एक वन टाइम कॉस्ट लगी है, और हर साल उसको खर्चा कितना करना है, तो पहले साल 1 लाख का वेज बिल है, दूसरे साल 10,000 से बढ़ेगा तो 1,10,000, और उसके अगले साल 1,20,000 हो जाएगा. कैलकुलेट द ग्रांट इनकम एंड डेफर्ड इनकम टू बी अकाउंटेड फॉर इन द बुक्स इन ईयर 1, 2 एंड 3. चलिए कैसे होगा ये पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व, लेट्स सी. इसको सॉल्व करना है क्या? छोटा सा है, इसको अपन समझाएंगे उतनी देर में सॉल्व कर लेंगे. तो आप सबसे पहले इसमें एक वर्किंग नोट, इसमें मैं थोड़ा सा फॉर्मेट पे ध्यान कम दे रहा हूँ थोड़ा सा पहले, है ना. जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो एग्जाम में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देना होगा. इंडेस 20 अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड गवर्नमेंट असिस्टेंट बेसिकली रिक्वायर्स दैट व्हेनेवर अ गवर्नमेंट ग्रांट इज रिसीव्ड अगेंस्ट फ्यूचर ऑब्लिगेशंस, देन द गवर्नमेंट ग्रांट शुड बी ट्रीटेड एज अ डेफर्ड इनकम टू बी डेफर्ड एंड रिकॉग्नाइज्ड एज इनकम ओवर द expected cost of obligations to satisfy the conditions relating to the grant. The grant can be recognized whether or not it is received provided there is a certainty that A, it will be received and B, that the conditions relating to the grant will be satisfied. Subject to this, we will recognize the grant. Ab is particular question mein do aspect hain. Pehla, total government grant 60,000 ki hai jo 3 saal mein milegi. To iska matlab sabse pehli baat, meri government grant kitni hai? 60,000 hai. और ये रिसीव कितनी होगी 3 साल में, विच इज 40, 10 और 10. कंटिजेंट है यानी कंडीशन है कि 10 जॉब 3 साल तक मेंटेन करने हैं, और ये आपको कॉस्ट दी हुई है. तो गवर्नमेंट ग्रांट की आपकी जो एक्सपेक्टेड कॉस्ट है टू फुलफिल द ऑब्लिगेशंस अगेंस्ट दीज ग्रांट्स इज ईयर 1, 30,000 प्लस 1 लाख, ईयर 2, 1,10,000, ईयर 3 1,20,000. तो ये हो गया 1,30,000, 1,10,000 और 1,20,000. सो दिस गवर्नमेंट ग्रांट बेसिकली विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज इनकम इन प्रोपोर्शन ऑफ द एक्सपेक्टेड एक्सपेंस. कॉस्ट टू सेटिस्फाई द ऑब्लिगेशन. तो ये इस तरह से आप ईयर 1, 2 और 3 में कैलकुलेट कर लेना कितनी आएगी. सर कर ही दो ना, चलो ठीक है. तो ईयर 1 में आप कितनी निकालोगे? 60,000 रुपीस. आप टेबल बना के भी इसको प्रेजेंट कर सकते थे, दैट शुड ऑल्सो हैव बीन गुड. तो 60,000 इंटू 1,30,000 डिवाइडेड बाय 3,60,000, 21,667, 18,333, 20,000, 60,000 की है मेरी इनकम बुक हो गई.
क्वेश्चन में पूछा गया, कैलकुलेट द ग्रैंड इनकम एंड डिफर्ड इनकम टू बी अकाउंटेड फॉर इन द बुक्स फॉर द ईयर 1, 2 एंड 3। तो ग्रैंड इनकम ईयर 1, 2, 3 में इतनी हो जाएगी और जो बचा हुआ है वो डिफर्ड इनकम हो जाएगी। तो डिफर्ड इनकम कितने से बुक हो जाएगी हमारी? तो बेसिकली आइडियली अगर आपको जर्नल एंट्री समझना है इसकी तो क्या होगी, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग होगी। फर्स्ट ईयर में आपको पैसे कितने मिल गए गवर्नमेंट ग्रांट के? 40,000 रुपीज़। ये देख लेना, ये जो मैं बता रहा हूँ ये ज्ञान की बात है, क्वेश्चन ने पूछा नहीं है इसलिए मैं इसको ज्ञान लिखता हूँ, क्योंकि पूछा नहीं है पर समझने के लिए मैं आपको ये लिखवा रहा हूँ। बैंक अकाउंट डेबिट 40,000 रुपये से होगा, जिसमें आप बेसिकली क्या रिकग्नाइज करोगे? डेफर्ड इनकम कितने की? 60,000 रुपीज़ की। और 20,000 रुपीज़ की आपको आइडियली जीजी रिसीवेबल, जीजी क्या होता है सर? गवर्नमेंट ग्रांट रिसीवेबल बुक करना चाहिए। ये जर्नल एंट्रीज मिलेंगी नहीं सॉल्यूशन में, क्योंकि पूछी नहीं है, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ सिर्फ। ये डेफर्ड इनकम एक तरह की लाइबिलिटी है। अब इस साल में आप कितनी इनकम बुक कर सकते हो? तो डेफर्ड इनकम में से आप प्रॉफिट और लॉस में गवर्नमेंट ग्रांट के नाम से कितनी इनकम बुक कर लोगे, और ये कहाँ जाएगी? बेसिकली अदर इनकम में। तो जो अपन ने निकाला था यहाँ पे 21,667। तो ये जो बैलेंस है आपका 60,000 माइनस 21,667, ये आपकी क्या है? बैलेंस शीट की डेफर्ड इनकम है। सेकेंड ईयर में आपकी ये वाली एंट्री तो नहीं होगी, लेकिन अब आप यहाँ पे 18,333, और थर्ड ईयर में बचा हुआ 20,000 रुपीज़ की आप एंट्री करोगे। इनफैक्ट आपको एक एंट्री जो जीजी रिसीवेबल है उसकी करना पड़ेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू जीजी रिसीवेबल 10,000 रुपीज से। ना तो एग्जाम में आपको ये एंट्री पूछी अभी तो करना है, ना ही ये फॉर्मेट ऐसा यूज करना, ये कोई टेब्यूलर फॉर्मेट की जर्नल एंट्रीज नहीं होती है, ये सिर्फ समझाने के लिए मैं इस तरह से बताता हूँ, ठीक है? तो इस सवाल में सर जवाब क्या देना है? तो अगर आपसे आंसर पूछा जाए तो आपसे दो चीजें पूछी गई है, ईयर 1, 2 और 3 में गवर्नमेंट ग्रांट की इनकम कितनी बुक होगी और डेफर्ड इनकम का बैलेंस कितना आएगा। तो जैसे फर्स्ट ईयर में इनकम बुक होगी 21,667 और बैलेंस आपका 60,000 माइनस 21,667 जो इनकम आपने बुक करी है ये आएगा, विच आइडियली विल बी जो भी आता है। पर एक प्रॉब्लम है इसमें, 38,333 है जिसमें से 10,000 का जीजी रिसीवेबल है, यानी प्रैक्टिकली आप देखा 20,000 का, तो इफेक्टिवली देखा जाए तो नेट आपका 18,333 ही है। तो यहाँ पे जीजी रिसीवेबल बुक करना सही है कि आइडियली करना पड़ेगा? क्यों? क्योंकि अगर आपकी जीजी में आपको सर्टेनिटी है कि आपको मिलने वाली और कंडीशन सेटिस्फाई होने वाली है, तो आप जीजी पूरी बुक कर सकते हो भले ही आपको रिसीव नहीं हुई हो, ठीक है? कूल, चलिए हाँ आ जाए अपन। कुछ गड़बड़ हो गई क्या? 21,667 लिखा है किसी ने कैलकुलेशन में, लोचा कर दिया कि मैंने कुछ, 21,667 ठीक ही लग रहा है, चलिए अच्छा आंसर दिया होगा किसी ने। चलो अगले पे आते हैं दोस्तों, ओके ठीक है कूल। Ind AS 12 और Ind AS 103। First January 2020 H acquired 100% share capital of entity S for 15 lakh rupees. The book value and fair value of identifiable asset and liability of entity S at the date of acquisition are set out below. तो ये book value किसकी दी हुई है, ये fair value किसकी दी हुई है? S Limited, जो कि आपकी subsidiary है, together with the tax base in entity S tax jurisdiction. Any goodwill arising on acquisition is not deductible for tax purpose. इस line का क्या relevance है? इसके ऊपर मैं आपसे बाद में चर्चा करूंगा, इनफैक्ट आई विल आस्क यू दिस लेटर अबाउट दिस लेटर। टैक्स रेट इन एंटिटी एच एंड एस ज्यूरिसडिक्शन इज 30% and 40%, तो एस का 40 है, हमारे काम का ही है। आपको बोला डिफर्ड टैक्स एंटिटी एस के एक्विजिशन पे कितना राइज होगा ये बताओ, और गुडविल कितनी आएगी ये भी बता दो। चलो अगर मैं बोलता हूँ दिस इज कॉलम 1, दिस इज कॉलम 2, दिस इज कॉलम 3, किसके डिफरेंस से आप बताइए डीटीएल कैलकुलेट होगा? सीए फाइनल में सर कभी किसी के 100 में से 100 आए हैं क्या? हाँ ऐसा मैंने कल रात को देखा था कि कोई टिंकू कपूर नाम की एक स्टूडेंट ने ऐसा कारनामा दिखाया, ध्यान नहीं आ रहा है कि ये कोई पुरानी बात है या भविष्य में कुछ होने वाला है, ये मैंने देखा। 1 and 2, 1 and 3 बीवी हर्ष अग्रवाल को बीवी याद आ रही है, बीवी वर्सेज, अच्छा अच्छा बुक वैल्यू वर्सेज टैक्स बेस तो ठीक है सर। 3 is Trin, ओके देखो तो आइडियली स्पीकिंग डेफर्ड टैक्स कैलकुलेशन किसके बीच में होना चाहिए? फेयर वैल्यू और टैक्स बेस। क्यों?
एच लिमिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सब्सिडरी की असेट्स किस वैल्यू पे लेके आएगा, लाइबिलिटी किस वैल्यू पे लेके आएगा, फेयर वैल्यू। बट आपने सब्सिडरी के शेयर्स खरीदे, इसलिए इनकम टैक्स में तो इससे कोई इफेक्ट ही नहीं होगा। अगर कोई कंपनी के शेयर आप खरीद लोगे तो इसका इनकम टैक्स रिटर्न तो जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा भाई, ओनर चेंज हो जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इनकम टैक्स का टैक्स बेस वही का वही रहेगा। इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनना, सब्सिडरी के खुद के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 1 or 2 के डिफरेंस से डीटीए डीटीएल आ रहा होता, लेकिन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में फेयर वैल्यू और टैक्स बेस दी हुई है तो इन दोनों के डिफरेंस से डीटीए डीटीएल आएगा। और बिजनेस कॉम्बिनेशन जब अपन रिवाइज करते तब मैं आपको ये चीज बताता कि अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन में सब्सिडरी की बैलेंस शीट दी हो और टैक्स बेस ना दिया हो, तो बैलेंस शीट है यानी बुक वैल्यू है, कैरिंग अमाउंट है, पर टैक्स बेस नहीं दिया हुआ है, तो आप बुक वैल्यू और फेयर वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस है उससे डीटीए डीटीएल निकाल लेना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब बोल रहा हूँ, सब्सिडरी की बुक्स में जो डीटीए डीटीएल आ रहा है उसको एज इट इज ऐड कर देना। क्यों? सिंपल है लॉजिक। इनकम टैक्स में ये एग्जांपल ले लो, इनकम टैक्स में 500 रुपए का असेट डेप्रिशिएट होना बाकी है। ऐसे ये लैंड एंड बिल्डिंग है, आप सोच लो डेप्रिशिएबल असेट है, 500 रुपए का डेप्री क्लेम होना बाकी है, जबकि सब्सिडरी की बुक्स में 600 रुपए का खर्चा बुक होना बाकी, यानी इनकम टैक्स में 100 रुपए का आप ज्यादा क्लेम कर चुके हो। और यहां पे देखा जाए तो होल्डिंग तो इसे 700 रुपए पे लेके आ रही है, तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग होल्डिंग को क्या करना पड़ेगा, 700 का खर्चा बुक करना है, पर उसको बेनिफिट सिर्फ इनकम टैक्स में 500 का ही मिलेगा, तो 200 रुपए का आपको बेनिफिट मिलना नहीं है। तो ये आपके लिए एक तरह से क्या हो गया, इट इज अ टाइप ऑफ टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस, तो 200 रुपए आपको बनाना पड़ेगा। सब्सिडरी के सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसने कितने पे बनाया होगा, 100 पे, क्योंकि उसकी बुक्स में 600 आ रहा है और टैक्स में 500 डिडक्टेबल है। तो अगर कभी क्वेश्चन में आपको टैक्स बेस सब्सिडी का ना दे बट सब्सिडी की बुक्स में डीटीए डीटीएल दे दे और कैरिंग अमाउंट तो होगा ही होगा, सब्सिडी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिए तो, और फेयर वैल्यू आपको अलग से दे दे, तो आप उस दोनों का डीटीए डिफरेंस का डीटीए डीटेल बना के जो गिवन बुक्स में डीटीए डीटेल है उसको ऐड करके दिखा देना। ये क्वेश्चन उससे रिलेटेड नहीं है पर बात हो रही है तो फंडे ले रहे हैं अपन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 2 और 3 के बीच में डिफरेंस लेना पड़ेगा। चलो तो 2 और 3 के बीच में डिफरेंस लेते हैं अपन। अरे हटो यारो, तो यहाँ पे क्या होगा, अब असेट्स के केस में सिंपल है दोस्तों, अगर आप बुक्स में ज्यादा बिल आओगे और इनकम टैक्स में आपको वो डिडक्शन कम मिलेगा तो असेट एक तरह से आपको खर्चा क्लेम कराता है, खर्चा कम होगा तो आपको टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा, तो इसको टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस मानेंगे या डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंस। सिंपल है, असेट का कैरिंग अमाउंट ज्यादा है तो टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस 270, यहाँ पे 80 का डिडक्टेबल है, कोई डिफरेंस नहीं है, कुछ नहीं होगा। अकाउंट्स पेबल में भी कुछ नहीं होगा। रिटायरमेंट बेनिफिट ऑब्लिगेशन लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का कैरिंग अमाउंट ज्यादा होता है तो डिडक्टेबल बन जाता है। तो ये 270 हो गया, ये 180 हो गया, दोनों आपस में नेट ऑफ हो जाएंगे, तो बेसिकली नेट टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस आपका 90 का आएगा। टैक्स रेट आपको 40% लेना चाहिए, क्यों? क्योंकि हमें सब्सिडरी के ज्यूरिसडिक्शन से मतलब है, ना कि पेरेंट से, क्यों? क्योंकि ये कंसोलिडेशन का केस है, सब्सिडरी का टैक्स रिटर्न अलग से फाइल होगा, तो ये 36, आई होप मैंने कैलकुलेशन ठीक किया है, 36 का आपका क्या जाएगा, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, सही किया ना भाई, 270, गलत किया सर, ये 20 होगा, ये सॉरी 100 और 80 का डिफरेंस, तो ये 20 का ही आएगा यहाँ पे, यहाँ 00, यहाँ पे 100, तो ये 120 हो जाएगा, 270 120 कितना हो गया भाई, 150-60 का डिटेल आ जाएगा। आई होप कैलकुलेशन मैंने सही किया, ठीक है, मेरी थोड़ी आदत पड़ गई है क्लास के स्टूडेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट होने की प्लस माइनस करने के लिए, ठीक है। मैथ्स में जब मेरे 12वीं में 100 में से 100 आए उसके बाद मेरा मैथ्स ही कमजोर आ गया। एनीवेज, तो ये आपका 60 का डिटेल आ गया। क्वेश्चन ने यही पूछा है या नहीं सर, एक चीज़ और पूछिए, गुडविल कितनी आएगी, हाँ अरे बता देंगे, पीसी दिया है क्या, पहले तो बताओ, तो बोला 100% एक्वायर कर लिया 15 लाख रुपए में, ठीक है, तो फेयर वैल्यू ले लो पहले टोटल, तो आइडेंटिफाइबल नेट असेट्स कितने, 700 + 270 + 80 + 150 + 130 - 160 - 100 और डीटीएल है तो -60, ये कर लेना जो भी वैल्यू आएगी। यार सॉरी थोड़ा शेयर भी कर दिया मैंने, थोड़ा दुर्घटना से देल वाली, ये जो भी वैल्यू आएगी इसको कंपेयर कर लेना आपका पीसी जो कि 15 लाख रुपीज है, डिफरेंस जो भी आएगी वो गुडविल आ जाएगी, ठीक है। हाँ चलो भैया, अब देखो हरू मजे लिए जा रहा है वहां बैठे बैठे, बढ़िया बिंदास मन लगा रहे, सबका कमेंट डाले जा रहे हैं। चलिए 30% इसलिए नहीं लिया बेटा क्योंकि वो होल्डिंग का टैक्स रेट है। अब आप समझो, पेरेंट के ऊपर टैक्स रेट है 30%, सब्सिडी पे 40%, इनकम टैक्स आपको किस पे चुकाना पड़ेगा, सब्सिडी की लीगल एंटिटी अभी भी बरकरार है, अगर ये एक्विजिशन ऑफ कंपनी
होता इंस्टेड ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स ऑफ कंपनी, यानी कि मैंने अब्सॉर्प्शन कर लिया होता तो मेरी टैक्स रेट में लेता, यहाँ पे मुझे सब्सिडी की टैक्स रेट लेना पड़ेगी बेटा, ठीक है? ओके ओके ओके, कंसल्टेशन सेपरेट में टैक्स बेस कैसे लेने का बताया तो सही पूरा मैंने, बाकी फिर इंडेक्स 12 का रिवीजन वीडियो देखो। अब मेरा सवाल ये जो मैंने येलो हाईलाइट किया था, ये बताओ गुडविल टैक्स डिडक्टेबल नहीं है, इसका क्या मतलब है, इस लाइन का क्या इंपॉर्टेंस है बताइए, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस लाइन। तो दोस्तों पैरा 15 और 24 ऑफ इंडेक्स 12 क्या कहता है, वो कहता है कि आप डेफर्ड टैक्स असेट गुडविल पे रिकॉग्नाइज नहीं करोगे। तो जो भी आपकी गुडविल आ रही है, प्रैक्टिकली स्पीकिंग अगर ये इनकम टैक्स में डिडक्टेबल नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप बुक्स में क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, बुक्स में आप गुडविल शो कर रहे हो लेकिन इनकम टैक्स में इसका डिडक्शन नहीं मिल रहा है। तो एक तरह से आप अकाउंट्स में एक असेट दिखा रहे हो जिसको आपको अकाउंट्स में शायद खर्चा बुक करना पड़ेगा या इंपेयर करना पड़ सकता है और इनकम टैक्स में इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो सर इसके ऊपर तो कुछ डिटेल बनना चाहिए, इसके लिए अपन पैरा 15 और 24 के जो एग्जम्पशन पढ़ते हैं इंडेक्स 12 में, उसमें साफ साफ कहा हुआ है कि अगर गुडविल आपकी डिडक्टेबल नहीं है तो इनफैक्ट बिजनेस कॉम्बिनेशन में जो गुडविल आती है उस गुडविल के ऊपर आपको डिटेल बनाने की जरूरत नहीं होती है। अगर ये डिडक्टेबल होती तो फिर उस पर्टिकुलर केस में इसके ऊपर डीटीए का इंपैक्ट आता, ठीक है? सो आई एम नॉट गेटिंग इनटू इट, बट यस द रीजन आई एक्चुअली हाईलाइटेड दैट इज कि ये बेसिकली इसके ऊपर डीटीए डिटेल का इंपैक्ट नहीं देना है। चलो फिफ्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं दोस्तों, बढ़िया चल रहा है सब कुछ, इंडेक्स 12, 37 और सीएसआर। कुछ लोगों के सवाल हैं दोस्तों, सुन लो, आ जाओ मेरी बात। ये बेसिकली आपका COVID-19 आईसीआई एफएक्यूस से रिलेटेड सवाल है। चलो आ जाओ दोस्तों, थोड़ी सी बात करनी है मुझे तुमसे। इंस्टीट्यूट ने आज से कुछ 3 महीने पहले कोरोना के कारण फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, इंडेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, एस फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या इंपैक्ट अकाउंटिंग का आ सकता है, इसके ऊपर एक गाइडेंस या क्लैरिफिकेशन जारी किया और उसके ऊपर कुछ उन्होंने 50-55 फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस भी जारी करें और बताया कि भाई इनका क्या सॉल्यूशन होगा। और रीसेंट कुछ समय में इसके ऊपर चर्चा होना शुरू हो गई फॉर द सिंपल रीजन दैट somebody सेड दैट दीज आर अमेंडमेंट्स एंड देन somebody सेड दीज आर नॉट अमेंडमेंट्स बट दीज आर क्लैरिफिकेशंस आर इंपॉर्टेंट फॉर नवंबर 2020 एग्जाम्स। इसके लिए अब मैं आपको एक बेसिक सी चीज क्लैरिफाई कर देता हूं। नंबर वन, इंस्टीट्यूट ने, मैं आपको बता देता हूं मैं जो बात कर रहा हूं किसकी बात कर रहा हूं, थोड़ा सा ये देखो, ये इंस्टीट्यूट का एफएक्यूज ऑन इंडेक्स है ना, इस तरह के एफएक्यूज हैं और क्या दिया था, एक गाइडेंस है जो उन्होंने दोनों पर दिए, आपके अकाउंटिंग पे और ऑडिटिंग पे, इंपैक्ट ऑफ कोरोना वायरस ऑन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इंपैक्ट ऑफ कोरोना वायरस ऑन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और इन्होंने ये कुछ 20 पन्ने की फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की और सम अराउंड 33 ऑड पेजेस की ऑडिट की दे दी, जिसमें इन्होंने इस तरह से समझाया है कि अलग अलग चीज़ों के ऊपर इंडेस और ईएस में क्या क्या इंपैक्ट कोरोना के कारण होएगा। क्या ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से? तो सबसे पहली चीज दोस्तों, इंस्टीट्यूट ने ना तो कोई इंटरप्रिटेशन दिया है ना कोई अमेंडमेंट किया है, सिर्फ और सिर्फ इंस्टीट्यूट ने इतना बताया है कि कोरोना के आने के कारण आपके किन किन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या इंडेक्स में जहां जहां एस्टिमेट लेने की जरूरत होती थी वहां वहां पर कोरोना के कारण आपके एस्टिमेशंस के आपके एस्टिमेट्स पे क्या चेंज हो सकता है। तो दे हैव जस्ट गिवन देयर व्यू पॉइंट कि यार यहां पे इंपैक्ट आ सकता है और कुछ भी नहीं है। यानी अगर आप इन एफएक्यूज को या इन कॉन्सेप्ट्स को नहीं पढ़ते हो तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग ऐसी एक भी चीज नहीं है जो आपको यू समझ लो कि नहीं आती है। दूसरा तरीका कहने का, आप इसको कुछ भी पढ़ते हो या एफएक्यू पढ़ते हो तो आप क्वेश्चन पढ़ो और आप ये सोचो कि मेरी इंडेक्स के अंडरस्टैंडिंग के अनुसार इसका जवाब क्या होना चाहिए था, और आप देखो वही जवाब आ रहा है या नहीं, और अगर आ रहा है तो इसका मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग परफेक्ट है, रादर देन कि आप उसे पढ़ना शुरू कर दो। क्योंकि दोस्तों ये बोर्ड ऑफ स्टडीज का पब्लिकेशन नहीं है, ये मेंबर्स का पब्लिकेशन है। मेंबर्स के लिए इंस्टीट्यूट आए दिन जमाने भर के पब्लिकेशन देता है, जैसे कि एजुकेशन मटेरियल, क्लैरिफिकेशन बुलेटिन, इस तरह के क्लैरिफिकेशन एफएक्यूज एंड गाइडेंसेस
एमसीक्यूज भी आते हैं, जैसे कारो 2020 के ऊपर एमसीक्यू दिए इंस्टीट्यूट ने, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के ऊपर उन्होंने करीबन 500 पन्ने के एमसीक्यूज दिए हैं, बहुत ही सिंपल सिंपल। इसका मतलब ये नहीं है कि अपन उसको उठा लें और बोले कि यार ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट के लिए, चलो पढ़ लो। ऐसे तो दोस्तों इट इज एन अनएंडिंग प्रोसेस, इट विल नेवर एंड। सो सेइंग दैट दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम्स इज नॉट करेक्ट, दैट इज व्हाट माय ओपिनियन इज। सेइंग दैट स्टूडेंट इज रेकमेंडेड दैट ही शुड गो थ्रू इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए आप उसको देख लीजिए, पर ये कहना कि नवंबर 20 के लिए इंपॉर्टेंट है और स्टूडेंट पूरा फोकस उन चीजों पर डाल दे, ये गलत है। आप उसे बेसिकली एक तरह से एक्साइट कर रहे हो। प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट डू यू वांट, एक्साइटमेंट और एनलाइटनमेंट। एक्साइटमेंट कुड बी गुड टू नो, गुड टू हैव, गुड टू फील, बट इट इज नॉट समथिंग विच इज एडिंग वैल्यू टू अस। नटशेल में मैं इतनी सी बात आपको कह देता हूं कि COVID-19 की जितनी चीजें दी है ना, इसमें 5-10 आप और ऐड कर सकते हो। कैसे? आप बस इतना सा समझ लो कि कौन से इंडेक्स में एस्टिमेशन इन्वॉल्व होते हैं। इंडेक्स 1 में होता है सर एस्टिमेशन, अनसर्टेनिटी ज्यादा होती है तो डिस्क्लोज करना होता है, खत्म। तो कोरोना का क्या इंपैक्ट होगा, कई सारे एस्टिमेट्स में हमारी अनसर्टेनिटी बढ़ गई है, जो भी अपन देखते हैं कहाँ कहाँ बढ़ गई है, तो उसके डिस्क्लोजर देना पड़ेंगे। इंडेक्स 2 में क्या एस्टिमेट्स होते हैं सर? एक तो नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी एक एस्टिमेट होता है, तो नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी चेंज हो सकती है कोरोना के कारण, हाँ सर हो सकती है। तो इनफैक्ट अगर आप पढ़ोगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे तो क्या दिया हुआ है, 1920 में नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी कोरोना के कारण चेंज नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कोरोना का इंपैक्ट एकदम मार्च एंड में ही आया लॉकडाउन के थ्रू, ऐसे तो दिसंबर से ये चीज विश्व में होना शुरू हो गई थी। बट जो इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने डिस्कस करी नहीं है वो ये है कि 2021 में क्या मेरी नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी चेंज हो जाएगी, क्योंकि प्रैक्टिकली स्पीकिंग ऐसा हो गया है कि नॉर्मल टाइम के अलावा नॉर्मल टाइम भी वर्किंग का कम हो गया है। एवरीडे सैनिटाइजेशन और ये सब चीजों के कारण, मेरी वर्कफोर्स कम बुलाने के कारण, मल्टीपल रीजन से मेरी ऑपरेटिंग कैपेसिटी कम हो गई। तो दीज आर मैटर्स विच आर टू बी डिस्कस्ड एज फैक्ट्स ऑफ द केसेस। तो आप ऐसे किसी भी स्टैंडर्ड को उठा लो, जहां पर भी स्टैंडर्ड में एस्टिमेशन इन्वॉल्व है, इंपेयरमेंट एस्टिमेशन इन्वॉल्व होता है, क्या इंपेयरमेंट पे कोई इंपैक्ट आएगा? हाँ, कोरोना के कारण इंपेयरमेंट इंडिकेशन बहुत सारी कंपनियों में आ सकते हैं। इन्वेंटरी में नेट रियलाइजेबल वैल्यूज एंड एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, फेयर मार्केट वैल्यू नहीं होती है, वो कंपनी को जो लगता है वो जो एस्टिमेट करती है कि वो कितने माल बेच पाएगी, वो उसका एस्टिमेट होता है। तो आप यूं देख लो कि भाई आपके जितने पॉसिबल क्या हैं स्टैंडर्ड्स हैं, जहां जहां पे एस्टिमेशन इन्वॉल्व होते हैं वो कोरोना के कारण चेंज हो सकते हैं, वो सारे इंपैक्ट आपको बेसिकली यहाँ पे दिखाना है। तो आप उठा लीजिए इंडेस 8, तो खैर पूरा बात ही चेंज इन एस्टिमेट्स की करता है। इंडेस 10, इवेंट आफ्टर रिपोर्टिंग डेट, बैलेंस शीट डेट के बाद सरकार ने कहने पर हमारे को बैंक ने एक्सटेंशन दे दिया, तो उसका क्या इंपैक्ट होगा? गुड टू नो, हाँ समझना चाहिए, पर आप खुद ही सोचो ना, बैलेंस शीट डेट के बाद हुआ है तो नेक्स्ट ईयर की चीज, उसको नेक्स्ट ईयर में डील करेंगे, इस साल कुछ नहीं होगा। नटशेल में ये सारी चीजें जब आप पढ़ोगे तो इट इज जस्ट गोइंग टू बी एन एनलाइटनमेंट और रिविजन ऑफ व्हाट यू ऑलरेडी स्टडीड, देयर इज नॉट गोइंग टू बी अ न्यू कॉन्सेप्ट। हाँ, कुछ चीजों को स्पेसिफिकली ध्यान से देख लेना चाहिए, जैसे कि सरकार ने जो मॉरिटोरियम एक्सटेंड किया, या बोरोइंग कॉस्ट का कैपिटलाइजेशन जो सस्पेंड हुआ है कोरोना के कारण, उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। लॉजिकली एक्सपेंस आउट करना पड़ेगा, कैपिटलाइजेशन बंद होगा क्योंकि ऑर्डिनरी कोर्स में हुआ एक्सटेंशन नहीं है। एनीवेज, व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज जो इंस्टीट्यूट ने एफएक्यूज दिए हैं उसे अपन क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस के रूप में ले लें, सिर्फ इसलिए कि सेम वैसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया तो अपन ज्यादा कॉन्फिडेंटली एग्जाम में उसको आंसर कर पाएंगे। आई विल शेयर अ सेपरेट सेशन, मैं आपको रिकॉर्डेड लेक्चर दे दूंगा, आपकी इच्छा हो तो देख लीजिएगा, जिसमें मैं उन एफएक्यूज में जो जो क्रिटिकल चीजें उसको क्विकली डिस्कस कर लूंगा। इससे ज्यादा आप प्लीज कृपा करके जरा भी परेशान नहीं होना आप इस पर्टिकुलर मैटर से। चलो, तो विद दिस बैकग्राउंड, अब इस बैकग्राउंड के साथ ये क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूँ और आपसे पूछता हूँ आपके हिसाब से इसका क्या जवाब होना चाहिए था। देखिए, इन ऑर्डर टू एनकरेज कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशन टू जनरसली कंट्रीब्यूट टू गवर्नमेंट कोविड 19 रिलीफ फंड, टैक्सेशन लॉज हैव बीन अमेंडेड टू रेकन दीज कंट्रीब्यूशंस एज डिडक्टेबल फॉर फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020, इवन इफ कंट्रीब्यूशंस आर मेड आफ्टर द ईयर एंड बट विद इन 3 मंथ्स आफ्टर द ईयर एंड डेट। बेसिकली क्वेश्चन में ये बोला है कि 31 मार्च तक आपको CSR का कुछ खर्चा करना, सॉरी कोविड 19 के रिलीफ फंड में आपको कुछ पैसे देने, सॉरी आप यू कह लो कोविड 19 के रिलीफ फंड में आप कुछ पैसे देते हैं तो उसका आपको इनकम टैक्स में ATG या जहां पे भी है डोनेशन जो भी होता है उसका डिडक्शन बिजनेस एक्सपेंस या जिस भी फॉर्म में मिलता है मिल जाता। हमने बोला है कि अगर आप 30 जून तक भी पैसे जमा करोगे तो भी हम आपको प्रीवियस ईयर में इसका डिडक्शन अलाउ कर देंगे, और साथ ही साथ में ये भी कहा कि ये जो कॉन्ट्रीब्यूशन आपने कोविड 19 के फंड में किया है इसको CSR के लिए भी एक एलिजिबल खर्चा माना गया है, जो कंपनी लॉ का आपका अमेंडमेंट है, जो आपके ऑडिट के अमेंडमेंट वीडियो में मैंने डिस्कस भी किया है, जो नवंबर 20 के लिए रेलेवेंट है, भले ही वो RTP में नहीं आए। तो क्या कोविड 19 में जो कंट्रीब्यूशन बाद में किए गए हैं उसे करंट पीरियड में अकाउंट फॉर कर सकते हो?
सिंपल सा क्वेश्चन है। एक आदमी को बोला 31 मार्च तक तुझे ATC के इन्वेस्टमेंट करना है, तूने 31 मार्च के नहीं किया तो 30 जून तक भी करेगा तो प्रीवियस ईयर में इसका डिडक्शन दे देंगे। आपने अप्रैल में सपोज 1 लाख रुपए का कहीं इन्वेस्टमेंट कर दिया, क्या आप इसकी अकाउंटिंग 31 मार्च पे करोगे? क्या नहीं सर, अप्रैल में करेंगे। ये तो टैक्स का ट्रीटमेंट है। हाँ, इनकम टैक्स का रिटर्न बनाते समय अपन क्या करेंगे, इस साल का हमारा जो टैक्स लाइबिलिटी है वो कम कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमको उसका डिडक्शन इस साल मिल गया, खत्म हो गई बात। अगर आप COVID-19 के फंड में, रिलीफ फंड में पैसा अप्रैल में कंट्रीब्यूट करोगे तो पीरियडिसिटी कॉन्सेप्ट के अनुसार ये जिस समय की इवेंट है तभी रिकॉर्ड होगी, यानी अप्रैल में ही खर्चा बुक होगा। 31 मार्च पे ना तो आप प्रोविजन क्रिएट करोगे इसके लिए, ना ही आपको इसको अक्रूअल बेसिस पे अकाउंट फॉर करना है। लॉजिक क्या है? 31 मार्च पे ऑब्लिगेशन नहीं तो लाइबिलिटी नहीं। हाँ, ये जरूर है कि 31 मार्च का आपका जो करंट टैक्स एक्सपेंस होगा वो कम हो सकता है। क्यों? क्यों? क्योंकि अगर आपने कोई खर्चा बाद में किया तो उसका आपको डिडक्शन मिल रहा है। जैसे 43B आइटम होती है ना, 43B आइटम अगर आपने इस साल प्रोवाइड फॉर करी, पे नहीं करी तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। इसी तरह से जितनी प्रोवाइड फॉर की उससे ज्यादा पे कर दी तो ज्यादा डिडक्शन मिल जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि अपन खर्चा ज्यादा बुक कर देंगे, दिखाएंगे तो असेट। तो सेम इस पर्टिकुलर लॉजिक से आपको ये कहना होगा कि ए, जो खर्चा बाद में हुआ है वो बाद में अकाउंट फॉर होगा। बी, हो सकता है इससे करंट टैक्स इस साल का कम हो जाए, जितने से करंट टैक्स कम होगा उसके कारण हो सकता है मुझे डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी बढ़ाना पड़ जाए, क्योंकि आपने कोई खर्चा इस साल बुक नहीं किया लेकिन उसका टैक्स बेनिफिट इस साल ले लिया और खर्चा अगले साल बुक करोगे तो डेफिनेटली उसके ऊपर इस साल DTL बना देना। जब आप उसका खर्चा बुक करोगे तो DTL रिवर्स हो जाएगा। ये इसका बेसिक आंसर है। कूल, ऑडियो ब्रेक हो रहा है क्या फिर? सब ठीक है भाई? हेलो हेलो हेलो, टेलीग्राम वालों बताओ भाई, सब सही है? ऑडियो हो? हेलो हेलो, ऑल फाइन? दीपेश सेज एवरीथिंग फाइन। ऐश्वर्या बोल रही है ऑडियो ब्रेक हो रहा है, रिफ्रेश होने पे भी नहीं हो रहा है। धवल का सही यार, बताओ थोड़ा, सब सही है नहीं है? हेलो, DTL का वापस बता दो। ये वाले क्वेश्चन में DTL इसलिए दोस्त, एक चीज समझना, तुम कोई भी चीज का अगर इस साल करंट टैक्स तुमने पंप पे कर दिया, सिंपल सी चीज है, 100 रुपए की तुम्हारी इनकम है तो टैक्स 30 रुपए होना था, 30% अगर टैक्स रेट है, पर टैक्स जीरो हो गया क्योंकि तुमने अगले साल अप्रैल मई में 100 रुपए COVID-19 के फंड में जमा करके उसका डिडक्शन इस साल ले लिया। तो PBT तुम्हारा 100 है, करंट टैक्स जीरो है, पर DTL 30 आना चाहिए ताकि पैट तुम्हारा क्या हो जाए, 70। अगले साल में जब तुम 100 का खर्चा बुक करोगे तो तुम्हें अगले साल के करंट टैक्स में इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा, तो करंट टैक्स ज्यादा आएगा, DTL रिवर्स हो जाएगा, तो टैक्स एक्सपेंस कम हो जाएगा। ठीक है, ओके। कुछ समय आवाज ब्रेक हो रही है ऐसा कह रहे हैं, ठीक है। आई वॉन्टेड टू गेट सम सॉल्यूशन डन टू इट, बट पिछली क्लास में जो प्रॉब्लम हुई थी, बट देन आई कुडंट गेट टाइम, एकदम आज ही आ गया ये। ठीक है, बताओ भाई, बढ़ जाए आगे, सब कुछ फाइन है, चल रहा है वैसे, चलने दें। ओके, ठीक है, थोड़ा ऑडियो मैनेज करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। तो आप समझ आ रहा है, RTP में हम क्वेश्चन पढ़ते जा रहे हैं, उस क्वेश्चन के जो जो आंसर्स में जो जो इम्पैक्ट है उसको डिस्कस करते जा रहे हैं। जो दिया हुआ है डेफिनेटली आप उसको पढ़ के आंसर अपने बहुत अच्छे से समझ लोगे, क्या लिखना है, कैसे लिखना है। यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव है कॉन्सेप्चुअली एकदम क्लियर हो जाए, और एक बार सुन लिया तो डेफिनेटली अगर एग्जाम में उससे रिलेटेड चीज आएगी तो रिकलेक्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो दैट इज वाई दिस डिस्कशन इज इम्पॉर्टेंट। चलो छठे क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है, थोड़ा टाइम लग रहा है बट कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास कमी है एनी टाइम की, अपना सी हो गया, तुम्हारे पास है, तुम देख लो। A contractor enters into a contract with a customer to build an asset for 1 lakh rupees with a performance bonus of 50,000 rupees. Performance bonus ko AS7 mein dosto kaha jata tha incentive, lekin Ind AS 15 mein ise bolte hain variable consideration. Aur variable consideration ka rule kya hota hai? Agar aapko ummeed hai ki ye mil jayega to aap ise transaction price mein add kar sakte ho. Aapki agar do ummeed hai, mil bhi sakta hai nahi bhi mil sakta hai, to zyada probable hai milna to shaam lo aur har year end pe re-estimate kar lo, sahi hai na? दो से ज्यादा उम्मीद है, 60% चांस है मिल जाएगा, 30% चांस है कम मिलेगा, 10% चांस है नहीं मिलेगा, तो फिर प्रोबेबिलिटी वेटेड एवरेज लेके ट्रांजैक्शन प्राइस में शामिल कर दो। क्वेश्चन में कहा है परफॉर्मेंस बोनस डिक्रीजेस बाय 10% पर वीक फॉर एवरी ईयर बियॉन्ड द अग्रीड अपॉन कंप्लीशन डेट। कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायरमेंट आर सिमिलर टू दोज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दैट कॉन्ट्रैक्टर हैज परफॉर्म्ड प्रीवियसली, यानी पहले भी हम करते हैं, और मैनेजमेंट इसके कारण से प्रिडिक्टिव है इस कॉन्ट्रैक्ट का, यानी वो एस्टिमेट्स निकाल सकता है। कॉन्ट्रैक्टर एस्टिमेट दैट 60% प्रोबेबिलिटी है कि कॉन्ट्रैक्ट टाइम पे कंप्लीट होगा, तो 50,000 बोनस मिलने के चांसेस 60%, 30% प्रोबेबिलिटी है कि एक वीक बाद कंप्लीट होगा तो 45,000 मिलने के चांस हैं 30%, और 10% प्रोबेबिलिटी है कि दो वीक लेट कंप्लीट होगा तो इसका मतलब 40,000 मिलने के चांस हैं 10%। लो भाई निकाल दो यार, कितना है ये तो यही सॉल्व कर दो, इसका क्या सॉल्यूशन बनाऊंगा। 47,500 ट्रांजैक्शन प्राइस पूछी है, तो 1 लाख तो फिक्स है ही है, तो मैं बोलूंगा 1,47,500 आफ्टर गिविंग ऑल द ज्ञान विच आई जस्ट शेयर्ड अबाउट वेरिएबल कंसिडरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कूल, चलिए
हाँ इट्स फाइन सर जी, कल बाकी का ले लो ना, स्टूडेंट्स भी कम हो रहे हैं, स्टूडेंट्स कम हो रहे हैं, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे हैं, हमारे लिए स्टूडेंट इम्पोर्टेंट है, स्टूडेंट्स नहीं, है ना? और कम क्या है यार। चलो इस समय पर आरटीपी के डिस्कशन में शॉर्ट नोटिस पे इतने सारे देख रहे हैं यार, कम की क्या परिभाषा होती है यार। हाँ ये तो समझ ही नहीं आया हमको कभी। चलो हमारी तो एक ही है, उसके साथ ही हमें टाइम कम लगता है, वो तो कभी कम नहीं लगती। तो कम की क्या परिभाषा है यार, ये कम किसने बोल दिया, कहाँ गया यार वो, कहाँ है उसका नाम ही गया, राज। क्या राज ही था ना, राज तुमको तो एक सिमरन से ही काफी होना चाहिए, कम क्या होता है। चलो बढ़िया चल रहा है यार, आ जाओ आ जाओ आ जाओ अगले पे। एन एंटिटीज अकाउंटिंग ईयर एंड्स इज 31 दिसंबर बट इट्स टैक्स ईयर एंड इज 31 मार्च। एंटिटी पब्लिशेज इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट फॉर ईच क्वार्टर फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019। ओके देखो दोस्तों, कंपनी का अकाउंटिंग ईयर कब खत्म हो रहा है, तो जनवरी टू दिसंबर कैलेंडर ईयर है इसका, जबकि इनकम टैक्स में इसका जो ईयर है वो अप्रैल टू मार्च है, ये तो अपने को पता ही है। ठीक है आगे, एंटिटीज प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस स्टडी एट 10,000 ईच क्वार्टर एंड इट्स एस्टिमेटेड इफेक्टिव टैक्स रेट इज 25% फॉर 31 मार्च 2019 एंड 30% फॉर 31 मार्च 2020। तो इसमें आप एक बेसिक सी चीज समझ लो दोस्तों, आपको इफेक्टिव एनुअल टैक्स रेट निकालना होती है कब, जब आपको कभी दिया जाता है कि कंपनी की टैक्स लाइबिलिटी स्लैब वाइज, कि इतना प्रॉफिट हुआ तो इतना टैक्स, इतना हुआ तो इतना। तो क्या होता है सपोज जैसे इंडिविजुअल्स में होता है कि 2.5 लाख तक, 3 लाख तक इनफैक्ट टैक्स लाइबिलिटी जीरो है, फिर 5% है, फिर 10% है, फिर 20, फिर 30। अब सपोज किसी के प्रॉफिट साल के होते हैं 10 लाख, फर्स्ट क्वार्टर में हुए 2.5 लाख, तो क्या टैक्स एक्सपेंस जीरो बुक करें, हालांकि उस पर इंडेक्स नहीं लगता है, समझने के लिए बोल रहा हूँ। तो ऐसे तो फिर क्या होगा, ज्यादा टैक्स एक्सपेंस शिफ्ट हो जाएगा आखिरी के क्वार्टर में, तो वहां पे अपन वेटेड एवरेज इफेक्टिव टैक्स रेट, एनुअल इफेक्टिव टैक्स रेट निकालते हैं कि साल की इनकम क्या लग रही है, उसके हिसाब से टोटल टैक्स लाइबिलिटी क्या होगी, एवरेज टैक्स रेट क्या बैठ रही है। तो 10 लाख के ऊपर मैं टैक्स लाइबिलिटी अगर अपनी से फॉर एग्जाम्पल कैलकुलेट करता हूँ, लेट से फॉर एग्जाम्पल मेरी टैक्स लाइबिलिटी 1,12,500 आती है सपोज, तो मैं बोलता हूँ मेरा इफेक्टिव टैक्स रेट 11.25% है, ये कब करते हैं स्लैब रेट्स में। लेकिन अगर अकाउंटिंग ईयर और कैलेंडर, अकाउंटिंग ईयर और फाइनेंशियल ईयर अलग है तो ऐसा करने की जरूरत नहीं होती है। ऐसी सिचुएशन में अब क्या किया जाता है, आपका जो पर्टिकुलर इंटरिम पीरियड जिस टैक्स ईयर को बिलोंग कर रहा है, उस टैक्स ईयर की जो आपकी एनुअल इफेक्टिव टैक्स रेट है उसे आप खर्चा बुक कर दो। तो इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में अगर अपन देखें तो व्हाट इज हैपनिंग इज 10,000 मेरा स्टडी है प्रॉफिट हर क्वार्टर का, 1, 2, 3, 4, ये मेरा क्वार्टर खत्म हो रहा है बेसिकली मार्च जून सितंबर दिसंबर, यहाँ की टैक्स रेट इफेक्टिव दी हुई है कितनी, 25 दी है शुरू में और बाद में 30, तो इधर 25 है, यहाँ 30 है, यहाँ 30 है, यहाँ 30 है, और हर साल में आपको बोला गया है, सॉरी हर क्वार्टर में बोला गया इंटरिम पीरियड में कि आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स 10,000 है, अज्यूमिंग कि इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो आप सिंपल अगर आपसे टैक्स एक्सपेंस पूछे तो आप कुछ मत करना, सीधे बोल देना 2,500, 3,000, 3,000 और 3,000, ये आपका टैक्स एक्सपेंस इस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली व्हाट यू विल हैव टू डू। यहाँ पे इंस्टीट्यूट के सॉल्यूशन में एक लफड़ा है वो मैं बता देता हूँ आपको, 7th क्वेश्चन के आंसर पे आइए। 7th क्वेश्चन के आंसर में ये जो इन्होंने कैलकुलेशन दिया, दिस इज परफेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं। इन्होंने बोला है नोट एज पर पैरा B17 ऑफ इंडेस 34, और ये पैरा B17 ऑफ इंडेस 34 जो इन्होंने दिया है, व्हेन आई स्टडीड तो आई वाज अ लिटिल सरप्राइज्ड कि यार ये कहाँ से लेके आ गए। तो अपन एक काम करते हैं, मुझे एक बात बताओ, कभी अगर तुमने इंडेस कभी तुम्हारी देखने की इच्छा होती है बेयर इंडेस, ऐसे तो होती नहीं होगी, तो तुम कहाँ रेफर करते हो, ICICI की साइट पे कंपेडियम दिया है वो भी रेफर कर सकते हो, लेकिन अगर तुमको एकदम अप टू डेट चाहिए तो आप गूगल पे सर्च करो कंपनीज एक्ट ई बुक, आई एम श्योर आप लोगों को पता होगा, और उसमें आप कंपनीज एक्ट रूल्स में जाओ, यहाँ पे
ये सीएस इंस्टीट्यूट की मदद से एमसीए ने एक बड़ा ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है। इसमें ये लोग कोई भी अमेंडमेंट आता है तो एकदम उसको बकायदा अपडेट करके उसका रेफरेंस देकर एकदम अप टू डेट रखते हैं यहाँ पे सारे कंपनीज एक्ट उसके रूल्स को। कंपनीज एक्ट के रूल्स में ही अगर हम देखें तो वी हैव दीज इंडेस रूल्स, कंपनीज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2015, जिसमें सारे इंडेस आपको अपडेटेड मिल जाएंगे। इंडेस 34 इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, चलिए अगर आप इसको देखोगे इंडेस 34 को एंड इसको स्क्रॉल करोगे तो क्या था, पैरा B17 था, राइट? B17 नाम का पैरा ही नहीं है क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, ये देखो अपेंडिक्स बी है जिसमें लिखा हुआ है रेफरेंस टू अदर मैटर्स कंटेंट इन अदर इंडेस, और इसमें कुछ भी नहीं दिया और फिर सीधे अपेंडिक्स ही आ गया। सर ये आपके इसमें नहीं दिख रहा होगा, ऐसा होता होगा, ऐसा थोड़ी ना करेगा इंस्टीट्यूट। दोस्तों इंस्टीट्यूट की इस गलती से मुझे ये पकड़ में आ गया कि इंस्टीट्यूट ने ये सवाल उठाया कहाँ से, यानी इसका सोर्स निकाल लिया है मैंने। और सर बताओ ना, नहीं बताऊंगा वो किसी दिन और बताऊंगा तुमको मैं यूट्यूब लाइव। तो ये कहाँ से कॉपी करके लाए ना, ये पता पकड़ में आ गया, क्योंकि पैरा बी 17 दोस्तों पहले हुआ करता था। मालूम है पहले कब? 2015 से पहले, जब इंडेस आए नहीं थे तो कैसे आएगा सर? एक्चुअली सरकार ने बोला था कि यार 2011 से ही हमें क्या करना है, IFRS के जैसे स्टैंडर्ड बनाना है। तो इंस्टीट्यूट ने क्या किया था, इंडेस बनाना शुरू कर दिए थे, और तब ICAI इंडेस इश्यू करता था, उसमें पैरा बी 17 था। फिर MCA ने बोला यार हम है ना खुद इशू करेंगे। तो आज अगर कभी आपसे पूछे हु इशूज इंडेस, तो आपका जवाब क्या होगा, ICAI या MCA? द आंसर इज MCA। इंस्टीट्यूट एक भी इंडेस इंस्टीट्यूट इशू नहीं करता है, वो सिर्फ रिकमेंड करता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को, जो उसे नोटिफाई करता है ऑफिशियल गजेट में और एप्लीकेबल करता है। तो ये जो इन्होंने रेफरेंस दिया है ये वो इंडेस का है जिनका एस सच राम नाम 2015 से पहले ही बाय हो गया, और उसके बेसिस पे इन्होंने आंसर दे दिया। ये तो लकीली इस मैटर पे हमारे जो अभी इंडेस है इस पे कुछ दिया नहीं है, तो वही ट्रीटमेंट फॉलो होता है, बट पैरा का रेफरेंस नहीं आता है। तो आप कृपा करके जो लोग एज इट इज आंसर कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग कृपा करके पैरा बी 17 का रेफरेंस ना दें। हाँ, ये रेफरेंस आपको IFRS में ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए इंडेस 24 पे आते हैं। हाँ, बड़ा ही घुमावदार क्वेश्चन है। सब ठीक चल रहा है ना? क्या हुआ अभी यहाँ पे कुछ बातचीत हो रही है, RTP OP क्या हो रहा है? IFRS से उठाया उन्होंने ये क्वेश्चन, ओके चलिए, आई होप एवरीथिंग इज फाइन। नेक्स्ट, एक बार मैं टेली देख लेता हूँ, मेरा टेलीग्राम ग्रुप। चलिए अनामिका अपने कुछ पर्सनल ग्रुप्स के लिंक दे रहे हैं भाई, क्यों दे रहे हो, यहाँ पे पढ़ने दो बच्चों को, परेशान मत करो। चलिए जीजी का आंसर, इंस्टीट्यूट का कुछ गड़बड़ है क्या, कुछ देखना पड़ेगा क्या? जीजी का पढ़ा था यार अपने, डिफरेंस है क्या कुछ? 23 21667 नहीं नहीं वो इन्होंने क्या किया है, गड़बड़ नहीं है, डेफर्ड इनकम जो दिखाई है उसको कैसे शो किया है बेसिकली। तो देखो 60,000 माइनस 21667 ये डेफर्ड इनकम है, पर 20,000 की आपकी जीजी रिसीवेबल है, तो बेसिकली क्या है, ये दोनों आपस में ऑफसेट हो जाएंगी, तो इसलिए नेट होगा। तो वो जो 20,000 में आपको कह रहा था क्योंकि रिसीव नहीं हुआ है तो नेट अमाउंट दिखाएंगे, तो इन्होंने कैलकुलेशन उसको इस तरह से दिखाया है। चलिए डाउट्स क्लियर होना चाहिए भाई, तभी तो लाइव का मजा है। आ जाए इंडेक्स 24 पे आ जाए ना, cool. Mr. X owns 95% of entity and its director. He is also beneficiary of a trust that owns 100% of entity B, of which he is a director. So, X ke paas 95% stake hai entity A ka, jisme bhai saab director bhi hai. Aur he is also a beneficiary of a trust. Of a trust. That owns 100% of entity B, जिसका भी ये director है। क्या A और B related parties हैं? Definitely है, कोई doubt ही नहीं है इसमें। क्यों? क्योंकि अगर एक ही आदमी के द्वारा दो entities control होती है, जो कि यहाँ पर देख के लग रहा है, तो related होती है। इनफैक्ट एक के ऊपर आपका control है और दूसरी अगर आपकी say for example KMP भी आप दूसरे में, तो भी उस केस में रिलेटेड पार्टी है, तो ये रिलेटेड पार्टी होंगी। आपको एक्सप्लेनेशन में वही देना होगा कि बेसिकली दोनों कॉमन कंट्रोल में आ रही हैं,
ज्वाइंट कंट्रोल नहीं कॉमन कंट्रोल, क्या सिचुएशन डिफरेंट होगी अगर एक रिजाइन कर देता है डायरेक्टर ऑफ एंटिटी ए बट रिटेन्ड इज 95% होल्डिंग, तो ये डायरेक्टर अगर यहाँ नहीं बनेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इसका एंटिटी ए पे भी कंट्रोल है और ट्रस्ट के थ्रू एंटिटी बी पे भी कंट्रोल है, अज्यूमिंग कि वो बेनिफिशियरी बनकर ट्रस्ट पे कंट्रोल कर रहे हैं। वो नहीं भी होता तो यहाँ पे उसका कंट्रोल है 95% से और यहाँ पे वो डायरेक्टर है, आई कैन अज्यूम ही इज अ केएमपी देयर, तो एक तरफ आप अगर कंट्रोल रख रहे हो तो फिर जितनी एंटिटीज में आप केएमपी हो वो एंटिटी को आप इस एंटिटी से रिलेटेड बना दोगे। एक्स रिजाइंड एज डायरेक्टर ऑफ एंटिटी ए एंड बी एंड ट्रांसफर्ड द 95% होल्डिंग इन एंटिटी ए टू ट्रस्ट, तो इसने यहाँ से भी रिजाइन कर दिया और ये अपनी 95% होल्डिंग भी किसको दे दी है, ट्रस्ट को दे दी है। तो अब इसका मतलब प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये क्या हो गया, अब ये इक्वेशन कुछ ऐसी बन जाएगी ये, तो अब तो एंटिटी और एंटिटी भी दोनों को ही ट्रस्ट कंट्रोल कर रहा है, तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग उस लॉजिक से एंटिटी और भी अपने आप ही रिलेटेड हो गई, क्यों, क्योंकि दे आर नाउ अंडर अ कॉमन कंट्रोल ऑफ द ट्रस्ट विच अल्टीमेटली इज अंडर द कंट्रोल ऑफ एक्स, तो हर केस में ए और बी रिलेटेड पार्टीज रहेंगे विद ऑल द एक्सप्लेनेशंस। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर, कूल। रतन टाटा वाला एग्जाम्पल, ओके, एंटिटी ए परचेस्ड कैटल, ये वाला देख लो, क्वेश्चन सिंपल है बट थोड़ा कंफ्यूजिंग है। एट एन ऑक्शन ऑन 30 जून 2019, तो दोस्तों 30 जून 2019 को एंटिटी ए ने कुछ भेड़ बकरियां खरीदी हैं, परचेज प्राइस 30 जून 2019 की 1,00,000 रुपए की, ओ माय गॉड क्या कीमत है। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग द कैटल बैक टू एंटिटी फार्म 1,000 रुपए लगे अपने को, ज्यादा खर्चा हुआ नहीं अपने से ले लेके आए, एकदम रास्ते सुनसान पड़े हुए थे कोरोना में, क्या ये 2019 का है, ठीक है तो खर्चा लगे। सेल प्राइस ऑफ कैटल ऑन 31 मार्च 2020 इज 1,10,000, कंपनी वुड हैव टू इनकर सिमिलर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इफ इट वॉज टू सेल द कैटल एट ऑक्शन, ओके, यानी कि 1,000 रुपए का खर्चा खरीदते समय लगाया जो बेचेंगे तो भी लगेगा, इन एडिशन टू ऑक्शनियर्स फीस ऑफ 2% ऑफ सेलिंग प्राइस, तो ऑक्शनियर 2% सेलिंग प्राइस की फीस लेता है। अब यहाँ पे एक चीज बताओ, ऑक्शनियर 2% ऑफ सेल्स प्राइस की फीस किससे लेगा, सेलर से या बायर से, नॉर्मली ऑक्शनर तो सेलर से ही कमीशन लेगा, पर इस क्वेश्चन में इन्होंने अज्यूम किया है, और क्योंकि इंस्टीट्यूट ने अज्यूम किया इसलिए मैं लिख रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन से एकदम क्लियर नहीं होता है, अज्यूम दिस इज बेसिकली पेबल बाय होम, इट इज बेसिकली वी विल अज्यूम दैट इट इज बीइंग पेबल और इट इज टू बी पेड बाय द सेलर। इंस्टीट्यूट ने क्या अज्यूम किया, तो इंस्टीट्यूट ने अज्यूम किया है कि इट इज पेबल बाय सेलर एज वेल एज बाय द बायर, ऐसा इन्होंने क्वेश्चन सॉल्व करते समय अज्यूम किया है, इसका लॉजिक मुझे नहीं समझ में आया, ये गलती मैं क्लैरिफाई नहीं करूंगा, ये ऐसा है, अज्यूम कर लो इंस्टीट्यूट का जो पहले भी क्वेश्चन आया था मॉड्यूल में इंडिया 41 एग्रीकल्चर से रिलेटेड, उसमें भी सिमिलर प्रॉब्लम थी, अज्यूम कर दिया, बाद में तो उन्होंने उसको करेक्ट कर दिया था जब बोला कि भाई क्लैरिफाई करो करो, तो उन्होंने कर दिया था, यहाँ पे अब बोलेंगे तो कर देंगे शायद कभी, वो भी देख रहे हूँ। कैलकुलेट द अमाउंट एट विच, वो कहाँ देख रहे होंगे सर, इतनी मेहनत करते अभी तक अगर पढ़ाई करते तो गलती ही नहीं होती, ऐसा नहीं है यार, इंस्टीट्यूट मेहनत करता है, अच्छे लोग हैं, लोग कैसे भी हों मटेरियल तो अच्छा बनाता है इंस्टीट्यूट, इसमें कोई दोराय नहीं है, है ना, गलतियाँ करता है वो नहीं होना चाहिए, ठीक है यार, अपन जो अच्छा है उसकी तारीफ करो, जो बुरा है उसको कोशिश करो सुधारने की, ठीक है, लेट्स नॉट क्रिप अबाउट एनीथिंग, लेट्स बी हैप्पी अबाउट इट। कैलकुलेट द अमाउंट एट विच कैटल इज टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स ऑन इनिशियल रिकॉग्निशन एंड एट ईयर एंड ऑन 31 मार्च 2020। चलो दोस्तों अब आप बताओ कौन सा इंडेक्स लग रहा है, इंडेक्स 41, इंडेक्स 41 में अपन किस वैल्यू पे मेजर करते हैं, इनिशियल रिकॉग्निशन पे और किस वैल्यू पे मेजर करते हैं रिपोर्टिंग डेट पर, बायोलॉजिकल असेट्स को, ये बायोलॉजिकल असेट है, बैरल प्लांट नहीं है, लाइव स्टॉक जितना भी होता है अपन देखा था कि बायोलॉजिकल असेट है, इसे किस पे मेजर करते हैं बताओ भाई दोस्तों, चलो व्हाट वैल्यू डू वी मेजर बायोलॉजिकल असेट्स, चलो मैं देख लूं थोड़ा, ओके, तो दोस्तों बैरवी अश्विन इज राइट, इट इज नॉट फेयर वैल्यू, इट इज लेस कॉस्ट टू सेल, यानी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, कब, अगला सवाल, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे कब हो जाए, बायोलॉजिकल असेट्स एट नेट फेयर वैल्यू लिख देता हूं मैं ब्रीफ में थोड़ा, कभी बायोलॉजिकल असेट्स एट नेट फेयर वैल्यू, कब होगा, इनिशियल रिकॉग्निशन पे
या रिपोर्टिंग डेट पर, सबसिक्वेंट मेजरमेंट पे, या दोनों समय? ये गई मेरी पोल। इनिशियल रिकॉग्निशन, सबसिक्वेंट मेजरमेंट या दोनों समय? बायोलॉजिकल असेट्स को नेट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पर कब मेजर करते हैं? बताइए। टेल मी। यूजर तो बहुत सारे हैं, वोट कितने हैं? आ गए बहुत सारे, आ गए 78, नॉट बैड, 90, कूल। चलो रे, बोलो 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 बोलो। इनिशियल रिकॉग्निशन एंड सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, बहुत ऐसा बोल रहे हैं, बहुत दीपू बोल रहा है, बहुत बढ़िया। सार्थक गुप्ता वैल्यूज ही दे रहा है सीधे। चलिए, हैंड राइटन पीडीएफ आप अपलोड कर देना, कर दूंगा दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है। 132 वोट आ गए, देखते हैं क्या है अपना जवाब। ओ माय गॉड, 49% का सही जवाब है। दिस इज समथिंग यू नो विच आई ऑलवेज टेल, ये छोटी छोटी चीजों पे फोकस करना दोस्तों बहुत जरूरी है, और यहीं पे आपका रिवीजन काम आएगा। आप रिवीजन वीडियो प्लीज देखिए अपना, बायोलॉजिकल असेट्स अपन ने डाल रखा है, इंडियस रिवीजन बुलेट 3। जैसे मैं बोलूंगा लोग बोलेंगे सर यूट्यूब पे डाल, यूट्यूब पे कहाँ बोल दिया मैंने, है ना। तो दोनों टाइम आपको नेट फेयर वैल्यू पे मेजर करना पड़ता है बेटा, बायोलॉजिकल असेट्स में, ठीक है। इसका रीजन क्या है, लॉजिक क्या है? लॉजिक इसका ये है कि बायोलॉजिकल असेट्स में ये कहते हैं कि इन असेट्स को अल्टीमेटली आप बेचोगे तो क्या मिलेगा, उत्ते पे लेके आ जाओ। क्यों? क्योंकि इनका और कोई वैल्यूएशन का बेसिस ही सही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इंक्रीज भी होते हैं, डिक्रीज भी होते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि अगर आप से भेड़ बकरियों की बात करोगे, तो जब आपने खरीदा है तो उसकी कीमत है एक्स, अगले साल में एक्स प्लस वाई, उसके अगले साल में प्लस 2y, फिर एक्स प्लस 5y, फिर गिरना भी शुरू हो जाएगी। तो इनके लिए सबसे सही तरीका यही है कि आप नेट फेयर वैल्यू लेके उसको उस पर मेजर कर दो, ताकि बेसिकली कंपनी में किसी भी प्रकार के अनरियलाइज्ड लॉसेस बुक होने से रहना जाए। इनफैक्ट ये लोग अपनी डिसीजन मेकिंग भी उस लॉजिक से ही करते हैं। फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन इनिशियल रिकॉग्निशन भी नेट फेयर वैल्यू पे होता है। अब आप देखिए, इनिशियल रिकॉग्निशन में कितने पे करूं, तो मेरी कॉस्ट प्राइस क्या थी? आई वुड से 1 लाख प्लस 1,000 प्लस 2,000, क्योंकि इन्होंने अज्यूम किया है ऑक्शनियर की जो कमीशन है वो किस पर भी पेबल है, इट इज इवन पेबल एट द टाइम ऑफ परचेज। तो 1,03,000 रुपए मेरी कॉस्ट है इनिशियल रिकॉग्निशन की। लेकिन फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितनी होगी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो 1 लाख इसकी फेयर वैल्यू होगी जितने पे खरीदा है, बेचते समय भी 1,000 का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगा और 2,000 का ऑक्शनियर का खर्चा भी लगने वाला है, 97,000 रुपीज़ है। यानी इनिशियल रिकॉग्निशन पे पूछा नहीं है, पर अगर जर्नल एंट्री बोलते तो मैं बोलता मेरा बायोलॉजिकल असेट डेबिट होगा कितने से, 97,000 नेट फेयर वैल्यू से, जबकि मेरी कैश पैसे कितने लग गए मेरे, 1,03,000। तो इनिशियल रिकॉग्निशन पे ही मेरा लॉस कितना बुक हो जाएगा, 6,000 रुपये का, जो पीआरएल से बुक होता है पूरा। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ईयर एंड पे इसकी नेट फेयर वैल्यू यानी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितनी आएगी, तो अब तो आप निकाल ही लोगे। तो इन्होंने बोला 1,10,000 है, इसमें बोला है ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट भी लगेगी और ऑक्शनियर का कमीशन भी लगेगा, जो कि 2% ऑफ सेल प्राइस है, तो 2,200 रुपये लग जाएगा। तो ये लॉजिक से ये कितना हो जाएगा भाई, तो बेसिकली अब आपको बायोलॉजिकल असेट्स में गेन बुक करना पड़ेगा। तो आपकी बुक्स में अब आप इसे कितने पे लेके आ रहे हो, 1,10,000 माइनस 2% माइनस 1,000 की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी लगेगी, 1,06,800, और अभी कितने पे आ रहा है, 97,000 पे। तो इफेक्टिवली 9,800 का गेन है टू फेयर वैल्यू गेन, बेसिकली बोलते हैं इसको, इनिशियली फेयर वैल्यू लॉस आएगा। पहले दे दिया, फिर मैं वापस क्यों दे रहा हूँ भगवान, ऐसे कंफ्यूजन अक्सर हो जाते हैं, इसलिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए लिख के करना हमेशा बेहतर होता है। ये समझा देता हूँ मैं, चलो बताऊ। सबसे पहली बात, एक चीज समझना, आपने खरीदा है कितने पे, 1 लाख प्लस 2% आपने कमीशन दिया, क्योंकि इन्होंने अज्यूम किया बायर और सेलर दोनों को देना पड़ेगा। तो 1,000 ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट लगी, तो 1,03,000 में खरीदा, पर आपको इनिशियली रिकॉर्ड कितने पे करना है, नेट फेयर वैल्यू। अब आप इसे आज बेचने जाओगे तो आज इसकी फेयर वैल्यू 1 लाख है, बेचने जाओगे तो वापस 1,000 रुपये वहाँ ले जाने के लगेंगे, और 2% खर्चा ले लेगा 1 लाख का, कौन, आपका ऑक्शनियर। तो इसका मतलब 3,000 के टोटल खर्चे हो गए, तो 97,000 ऐसे आ गए।
ईयर एंड पे भी आपको सेल प्राइस दी हुई है। ये सेल प्राइस क्या, नेट सेल प्राइस है या सेल प्राइस है? सेल प्राइस है, यानी फेयर वैल्यू है। तो इसको बेचोगे तो वापस से 2% की कमीशन और 1% सॉरी 1000 का ट्रांसपोर्टेशन खर्चा। सर वो तो पहले ही लग गया, मेरे भाई लगा नहीं होता, अपन ने सोचा था कि आज बेचने जाएंगे तो इतना लगेगा। अगर लग गया होता और बेच दी होती तो ईयर एंड पे वैल्यूएशन किस बात का होता। हाँ यार चलो नेक्स्ट। ठीक है सर, ठीक है, थोड़ा रात हो गई है, हो जाता है। इंडेक्स 36 इम्पेयरमेंट। यूके एंटिटी एज अ स्टर्लिंग फंक्शनल करेंसी एंड एज अ प्रॉपर्टी विच इज लोकेटेड इन यूएस। स्टर्लिंग बोले तो पाउंड स्टर्लिंग, यूके में वही चलता है, और इनकी प्रॉपर्टी यूएस में, तो इन्होंने खरीदा होगा डॉलर में और इन्होंने पैसे लगाए हैं पाउंड्स में। यहाँ पे उल्टा हुआ होगा। नॉर्मली अपनी क्या आदत होती है, डॉलर में खरीदते हैं रुपये में लाते हैं। तो नॉर्मली एक रुपया अपना कैसा होता है, तो एक डॉलर इज इक्वल टू 75-80 रुपये, है ना। तो उसमें क्या होता है, बेसिकली अपन ने एक डॉलर में खरीदी तो रुपीस में ज़्यादा दिखता है, पर पाउंड की वैल्यू रियल लाइफ में डॉलर से ज़्यादा होती है। तो अगर आप कोई चीज़ एक डॉलर में खरीद रहे हो तो पाउंड्स में वो डेसिमल्स में आएगी, ठीक है। ऐसे तो ये थोड़ा कैलकुलेशन उल्टा होता है, इसलिए कन्फ्यूजन ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादा आ जाता है। तो आई एम जस्ट काइंड ऑफ एम्फेसाइजिंग ऑन दैट, विच वॉज एक्वायर्ड एट अ कॉस्ट ऑफ $1.8 million व्हेन द एक्सचेंज रेट वॉज 1 pound इज इक्वल टू $1.6। देखो वो दिन कब आएगा जब रुपी लिखेंगे अपन, 1 rupee इज इक्वल टू $1.6। ना सर सही बोल रहे हो, जिस दिन मोदी जी है ना यूएस के प्रेसिडेंट के चुनाव लड़ ले सर, फिर ये पॉसिबल है। क्यों, डॉलर डेप्रिशिएट हो जाएगा या रुपया अप्रिशिएट होगा? चलिए दैट्स अ फूड फॉर थॉट, इसके बारे में सोचेंगे बाद में। तो द प्रॉपर्टी इज कैरीड एट कॉस्ट, ठीक है, तो कॉस्ट पे कैरी होना चाहिए। इनिशियली रिकॉग्निशन भी पीपीई का कॉस्ट पे ही होता है, और इन्होंने एक प्रॉपर्टी है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है या पीपीए जो भी है, तो ये इन्होंने खरीदी है। बैलेंस शीट डेट पे रिकवरेबल अमाउंट ऑफ द प्रॉपर्टी एज अ रिजल्ट ऑफ इम्पेयरमेंट रिव्यू चेक किया, हैज गॉन डाउन टू $1.62 million। तो जो $1.8 million थी वो $1.62 million हो गई, यानी 10% का रिडक्शन इसकी फेयर वैल्यू में डॉलर टर्म्स में आ गया। जबकि एक्सचेंज रेट उस दिन क्या था, तो एक्सचेंज रेट उस दिन 1 pound इज इक्वल टू $1.80, यानी आपका पाउंड भी एक तरह से क्या हो गया, डेप्रिशिएट हुआ या अप्रिशिएट हो गया है। तो पाउंड एक तरह से अप्रिशिएट हो गया है, जिससे खुशी की बात नहीं है, क्यों, क्योंकि आपकी जो असेट है वो आपने यूएस में खरीद रखी है ना। तो अगर यूएस में आपने असेट खरीदी है तो आप सिंपल ये समझो कि सॉरी ये रेट है, आप ये समझ लीजिए कि अपन ने कोई चीज़ यूएस में खरीदी थी और उसकी वैल्यू जब हमने खरीदी थी तो उस दिन $1.6 का एक पाउंड था, और अब $1.8 का एक पाउंड हो गया। इसका मतलब पाउंड एक तरह से देखा जाए तो अप्रिशिएट हो गया। तो अगर मैंने पाउंड में खरीदा होता तो ज़्यादा अच्छा होता, पाउंड स्टर्लिंग। एनीवेज कंप्यूट द अमाउंट विच इज़ टू बी रिपोर्टेड इन प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ यूके एंटिटी। तो यूके की फंक्शनल करेंसी क्या है, पाउंड्स है, तो उसे सब कुछ पाउंड्स में कन्वर्ट करके लाना पड़ेगा। एज अ रिजल्ट ऑफ इम्पेयरमेंट इफ एनी इग्नोर डेप्रिसिएशन, ओके, तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी डेप्रिशिएट होती है तो बोला है कि इग्नोर कर दो, ठीक है, कोई खास बात नहीं है। तो अब आप बताओ क्या करेंगे इसको, इनिशियली किस पे रिकॉर्ड करना है इसको, तो वी विल हैव टू रिकॉर्ड इट एट पाउंड स्टर्लिंग। तो क्वेश्चन नंबर 10 है ना, हाँ, मेरी कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी क्या है बताओ भाई, 1.8 मिलियन यानी कि 18 लाख, अपने को तो ऐसे ही समझ में आता है, 18 लाख डॉलर में आपने खरीदा है, तो इसको डिवाइड कर दो 1.60 से। सही कर रहा हूँ ना यार, ये फॉरेक्स थोड़ा ख़राब ही अपना, 11,25,000 पाउंड में इसको रिकॉर्ड कर देंगे। और ये बोलते हैं कि बैलेंस शीट डेट पे इसका रिकवरेबल अमाउंट, $16,20,000 है, और ये 1.80 का हो गया, तो मुझे तो फंक्शनल करेंसी में लाना पड़ेगा, तो ये हो गया 9 lakh पाउंड स्टर्लिंग। तो 2,25,000 पाउंड स्टर्लिंग का मेरा इम्पेयरमेंट लॉस आ गया, सही है, खत्म हो गया, फिनिश। आगे क्या पूछा है, तो आपको पाउंड स्टर्लिंग में देना है सर, हाँ, क्योंकि फंक्शनल करेंसी वही है। तो हमसे क्यों पूछ रहे हैं सर भारत में, ये क्वेश्चन वहाँ ACCA का तो नहीं ले आई है, नहीं, हो सकता है इंडिया भी कंपनी इंडिया में रजिस्टर्ड है पर उसकी फंक्शनल करेंसी पाउंड स्टर्लिंग, को क्या प्रॉब्लम है, हो सकता है दिल इसका वहीं धड़कता है। चलिए लक्ष्मी मित्तल की कंपनी में हो सकता है फंक्शनल करेंसी पाउंड स्टर्लिंग हो। ऑल्सो एनालाइज द टोटल इंपेयरमेंट लॉस ऑन अकाउंट ऑफ चेंज इन वैल्यू ड्यू टू इंपेयरमेंट कंपोनेंट एंड एक्सचेंज कंपोनेंट। तो ये सिर्फ एनालाइज करने के लिए बोला है ना, ध्यान रखना।
अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है कि वैल्यूएशन लॉस और फॉरेन एक्सचेंज गेन लॉस कितना है, ये एनालिसिस के लिए बोला है इसलिए अपन कर देंगे। तो एनालिसिस के लिए अगर आपको बोला है कि कितना इंपेयरमेंट लॉस फॉरेक्स के कारण हुआ है और कितना वैल्यूएशन के कारण हुआ है, तो ये कैसे निकालना आप, तो इसके सिंपल सा एक तरीका ये ले लो कि आप इसमें सिंपली पूछा इसलिए निकालना पड़ रहा है, अदरवाइज अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कोई जरूरत नहीं है। तो इसमें आप सिंपली ये मान लो कि भाई 1.8 मिलियन था, अगर इसकी वैल्यू ईयर एंड पे भी 1.8 मिलियन डॉलर रहती, फेयर वैल्यू है ना, जो येलो में हाईलाइट किया उसको देखो, ठीक है, और ये हो जाता 1.8 का रेट, तो ये इफेक्टिवली कितने पे आ जाता 10 मिलियन पर, जो कि मैंने खरीदा कितने पे है 11.25 पर। तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि 1.25 का मेरा जो लॉस है दैट इज प्राइमरली ड्यू टू एक्सचेंज रेट चेंज, और जो बचा हुआ लॉस है वो फेयर वैल्यूएशन लॉस है 1 लाख का। ऐसे कोई लॉजिक से आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, दैट इज जस्ट एन एनालिसिस फॉर योर ओन पर्पस, ठीक है। नेक्स्ट 11th, एन इंडियन एंटिटी हुज फंक्शनल करेंसी इज रुपीज परचेजेस यूएस डिनोमिनेटेड डॉलर बॉन्ड एट इट्स फेयर वैल्यू ऑफ यूएस डॉलर 1000। बॉन्ड कैरी स्टेटेड इंटरेस्ट एट 4.7% पर एनम ऑन इट्स फेस वैल्यू। चलिए नॉक नॉक दोस्तों, इंपॉर्टेंट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे आ जाइए। इंपॉर्टेंट, प्लीज प्लीज प्लीज, कलर भी लाल कर दिया मैंने। 10921 का कॉम्बिनेशन, वाई वी मेजर असेट एट क्लोजिंग रेट। बेटा असेट को क्लोजिंग रेट पे क्यों मेजर करते हैं? सब लोग आ जाए, इकट्ठे हो जाए, अपने यार दोस्त सबको बुला लो ये वाले क्वेश्चन के लिए, 11वीं में इंपॉर्टेंट है ना, यार दोस्त कोई नहीं है, मम्मी पापा घर में जो भी है बुला लो उनको कि इंपॉर्टेंट आया, भाई आप भी सुन लो, कभी हमको नहीं समझ में आया तो आप समझा देना। तब तक मैं सवाल का जवाब दे देता हूँ। असेट को क्लोजिंग रेट पे मेजर नहीं करते बेटा, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है ना, तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को अपन तो कॉस्ट भी कैरी करते हैं, पर क्योंकि यहाँ पे इंपेयरमेंट रिव्यू किया है और इंपेयरमेंट लॉस आया है, तो इंडेस इंपेयरमेंट का इनफैक्ट क्या कहता है कि अगर आपको इंपेयरमेंट इंडिकेशन है तो इंपेयरमेंट लॉस आपको किसमें बुक करना पड़ेगा? फंक्शनल करेंसी में, पहली चीज। दूसरी चीज, जब आपको इंपेयरमेंट लॉस बुक करना है तो आप हमेशा उसे फंक्शनल करेंसी में देखोगे। इसका मतलब क्या है, जैसे आपकी इन्वेंट्री है, जैसे आप कॉस्ट ऑफ एनआरवी विच इज लेस पे लाते हो, अब आपकी इन्वेंट्री आपने खरीदी डॉलर में पर आपका दिल धड़कता रुपीज में है, तो आप ये नहीं देखोगे कि डॉलर में उसकी कॉस्ट क्या है और फेयर वैल्यू क्या है, आप देखोगे डॉलर कन्वर्टेड रुपी में उसकी कॉस्ट क्या है और डॉलर कन्वर्टेड रुपी में उसकी फेयर वैल्यू, यानी फेयर वैल्यू नहीं, नेट सेलिंग प्राइस देखते हैं वो क्या है, एंड देन यू विल कंपेयर एंड बुक द लॉस। तो इसके लिए अपन ने लॉस बुक किया है बिकॉज ऑफ इंपेयरमेंट, ठीक है। आगे भाई सब इकट्ठे हो गए, इंपॉर्टेंट है ये वाला। हेलो हेलो हेलो, नॉक नॉक नॉक, आ जाओ इस पे क्वेश्चन, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। दो इंपॉर्टेंट और खतरनाक स्टैंडर्ड्स का यहां पे मिलन हो रहा है। देखिए, एन इंडियन एंटिटी, हेलो, कोई चैट नहीं आ रही यार, कोई क्या हो रहा है, कुछ गड़बड़ गया, चैट 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 क्यों नहीं आ रही, कुछ दिख नहीं रहा है, कहीं कनेक्टेड हुए हैं? क्या हो गया भाई, ये क्या आ रहा है, बीच बीच में क्या डाल दिया? हाँ भाई है, हाँ है, आ गया, ओके कूल, खाना खाने बैठ गए थे क्या? चलो देखो, एन इंडियन एंटिटी, ठीक है, इंडेक्स 21 फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन इंडियन एंटिटी है, तो फंक्शनल करेंसी हमारी शायद रुपीज है। परचेज इज यूएस डिनोमिनेटेड बॉन्ड, यूएस डॉलर डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स, तो हमने ये जो खरीदा है ये बेसिकली डॉलर में हमने बॉन्ड्स परचेज किए हैं, फेयर वैल्यू जिसकी 1000 यूएस डॉलर है, तो इनिशियल रिकॉग्निशन इसका कितने पे होगा, 1000 डॉलर इंटू जो भी स्पॉट रेट उस दिन रहा होगा। The bond carries a stated interest at 4.7% per annum on its face value. This is not face value, this is fair value. We are getting 4.7% on face value, जो आगे कहीं निकलेगी। ये coupon rate है, तो this 4.7% is the coupon rate of interest.
ये रेट से इनकम कब बुक करते हैं, कूपन रेट से इंटरेस्ट इनकम कब बुक करी जाती है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए मैं आपके साथ थोड़ा गपशप करूंगा। माय क्वेश्चन टू यू इज, अभी रिवाइज कराया था मैंने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में, इसलिए मैं पूछ सकता हूं, कूपन रेट बेस्ड इंटरेस्ट इनकम रिकॉग्नाइज्ड अंडर व्हिच मेथड, ऑप्शन वन ACM, ऑप्शन, अरे यार ऑटो करेक्ट क्यों करता है भाई, FVOCI, FVTPL, ACM प्लस FVOCI, FVOCI प्लस FVTPL एंड ऑल मेथड्स, बताओ। चलिए पोल में आ रहे हैं 10 वोट। कूपन रेट बेस्ड इंटरेस्ट इनकम रिकॉग्नाइज किसमें होती है, पीआरएल में पूछ रहा हूं मैं, कूपन रेट बेस्ड इंटरेस्ट इनकम पीआरएल में किसमें, किस मेथड में रिकॉग्नाइज होती है, बताओ बताओ बताओ। 30 वोट्स, एलो एलो एसीएम एंड एफईओसीआई, ओमकार, ओके यार आंसर दो, यहाँ गलत हो जाएगा। एक चीज और बताता हूँ, जो लोग डरते हैं ना कि यार आंसर दे दिया गलत हो गया, रहन दो फालतू में नाम आएगा अपना, मैं एक बात बताऊँ तुमको, मेरे साथ भी होता था स्कूल में, जब अपने से कोई आंसर गलत होता है ना और वो जब टीचर सही कराता है ना, वो डेफिनेटली गारंटीड जीवन भर याद रहता है कि यार वो दिया था गलत हो गया और ये सही हुआ। मन की मन में रखोगे ना, हो सकता है बाद में भूल जाओगे, तो परेशान नहीं होना है, ऐसा नहीं सोचना कि यार अपनी इमेज विमेज थोड़ी प्लस माइनस हो जाएगी गलत आंसर दे दिया तो, किसको फर्क पड़ता है यार, किसी को नहीं पड़ता है, खुद के रिजल्ट से अपने को फर्क पड़ता है, बाकी कुछ नहीं है। कूपन रेट बेस्ड इंटरेस्ट इनकम किसमें रिकॉग्नाइज होती है, ज्यादातर लोगों ने FVTPL दिया लेकिन सबने नहीं दिया। हेलो दोस्तों, ACM और FVOCI में याद करो मैंने बताया था आपको, ACM और FVOCI में इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट बेस्ड इनकम बुक होती है। मैंने आपको ये भी बोला था ACM में IIR से इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट से इनकम बुक करना, FVOCI में एक प्रॉब्लम आती है कि इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट से इनकम बुक होती है लेकिन फेयर वैल्यू उसकी चेंज होती जाती है, तो हम फेयर वैल्यू पे इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट नहीं लगाते, हम जो अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड के अनुसार कैरिंग अमाउंट आता है उसी पे इंटरेस्ट इनकम इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट या IRR जो होती है उसके बेसिस पे बुक करते जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे इंटरेस्ट इनकम जाती है पी और एल में लेकिन फेयर वैल्यू गेन लॉस जाता है OCI में, लेकिन FVTPL में क्योंकि ब्याज भी PRL में जा रहा है गेन लॉस भी PRL में जा रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, अपन हर चीज को उठा के सीधे कहां लेके चले जाते हैं PRL में, और वहां इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट का कॉन्सेप्ट भी नहीं होता है, इसलिए कूपन रेट जो इंटरेस्ट रेट कूपन रेट से मिला अपने को वो इनकम और बाकी सारा फेयर वैल्यू गेन लॉस इनकम, क्योंकि इट डजंट क्रिएट अ डिफरेंस, दैट इज व्हाई दिस कॉन्सेप्ट इज बीइंग मेड एप्लीकेबल हियर। ठीक है, ओके दैट्स नाइस। चलिए अब क्वेश्चन में क्या दिया गया है, बॉन्ड हैज कूपन रेट ऑफ 4.7% ऑन इट्स फेस वैल्यू, कूपन रेट फेस वैल्यू पे ही होता है, विच इज रिसीव्ड एट ईयर एंड, साल के अंत में मिलता है, बॉन्ड हैज अ मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 5 इयर्स एंड इज रिडीमेबल एट इट्स फेस वैल्यू ऑफ 1250 यूएस डॉलर, तो ये हमें फेस वैल्यू मिल गई है, 1250 की फेस वैल्यू पे 4.7% से मुझे ईयर एंड पे ब्याज मिलेगा, द फेयर वैल्यू ऑफ द बॉन्ड एट ईयर एंड, ईयर वन एंड इज 1060, तो सबसिक्वेंट मेजरमेंट एट रिपोर्टिंग डेट ईयर एंड $1060 is the fair value. Exchange rate on the date of transaction and on the end of the year one are 40 and 45. The weighted average exchange rate for one US dollar is 42. जो किसके काम आ जाएगा interest income, क्योंकि वो throughout the year book होती है. Entity has determined that it is holding the bond as a part of investment portfolio whose objective is met both by holding the asset to collect contractual cash flows, यानी SPPI test meet हो रहा है और हम इसे hold करेंगे, and selling the asset, यानी मेरा उद्देश्य दोनों है, hold भी करना बेचना भी। अब बताइए hold और sell में क्या लगता है, FVOCI या FV fair value through other comprehensive income या FV fair value other comprehensive income, एक ही बात है, और क्योंकि ये bond है it is not a share इसलिए ये reclassifiable nature का होगा। The purchased US dollar bond is to be classified under the fair value through other comprehensive income category. और जैसे ही मैंने बोला FVTOCI है तो इसका मतलब मुझे कूपन रेट से इंटरेस्ट इनकम बुक नहीं करनी है, मुझे इंटरेस्ट इनकम बुक करनी है किससे, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट से, जो क्वेश्चन ने 10% पर annum दे रखी है।
इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट 10% पर एनम क्यों है? तो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट के लिए हम कैश फ्लोज देखते हैं, तो हो सकता है प्रीमियम पे रिडम्पशन और डिस्काउंट पे खरीदा हो, इस कारण से कूपन रेट से काफी ज्यादा इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट आ सकती है। हुआ भी आप देखो, आपने 1000 में खरीदा जिसकी फेस वैल्यू ये 1250 है, तो दैट वाई ये थोड़ी सी ज्यादा आ रही है। नाउ एवरीबडी प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल अटेंटिव इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब इस सवाल में आपको पूछा क्या गया है, अगले पेज पे दिया है, ये देखते हैं। कैलकुलेट गेन और लॉस टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन प्रॉफिट एंड लॉस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर ईयर वन, ऑल्सो पास जर्नल एंट्री टू रिकॉग्नाइज गेन और लॉस ऑन द अबाव। एक बात बताओ, लाइव सेशन में क्या मैं आपको एक दो मिनट दे सकता हूं क्वेश्चन सॉल्व करने के? दिए, किसी को लगे तो ब्रेक ले लेना, पर मैं नहीं चाहता ब्रेक लो, मैं चाहता हूं आप क्वेश्चन सॉल्व करो। मेरी दिली तमन्ना है आप इसे सॉल्व करो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जानदार। सो आई एम गिविंग यू, टाइमर होता है क्या मेरे पास? अरे बाप रे, 11:30 हो गई, चलो स्टॉप वॉच स्टार्ट। आई एम गिविंग यू लेट्स से 2 मिनट्स टू ट्राई सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। करिए, आपको क्वेश्चन में निकालना है पीएनएल में कितना इनकम जाएगा, ओसीआई में कितना जाएगा। लेट्स सी, क्वेश्चन नंबर 10 में क्लोजिंग रेट पे क्यों मेजर किया, ईशान पूछ रहा है भाई। बाकी लोग इसको सॉल्व करने पे ध्यान दो, मैं क्वेश्चन नंबर 10 देख लेता हूँ क्या पूछ रहा है ईशान। इंपेयरमेंट है ना, इसलिए इंपेयरमेंट में क्या होता है रूल बता देता हूँ मैं। इंड एस 21 फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशंस कहता है कि ईयर एंड पर मॉनिटरी असेट्स मॉनिटरी आइटम्स आर मेजर्ड एट क्लोजिंग रेट, नॉन मॉनिटरी आइटम लाइक प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी विच आर कैरीड एट कॉस्ट आर मेजर्ड एट स्पॉट रेट, बट नॉन मॉनिटरी आइटम्स दैट आर कैरीड एट फेयर वैल्यूज द रेट शैल बी कंसिडर्ड फॉर द डेट ऑफ विच द फेयर वैल्यू इज कंसिडर्ड। बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन हमें क्या करना पड़ेगा, तो क्योंकि ये क्वेश्चन बनाया बेसिकली इस तरह का है कि इन्होंने कहा कि भाई इंपेयरमेंट के लिए ये इसका रिकवरेबल अमाउंट आया, और रिकवरेबल अमाउंट आपको किसमें दिया गया है? द रिकवरेबल अमाउंट हैज बीन गिवन टू यू इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। तो इसके लिए वो फॉरेन करेंसी को मैं अपने कैश फ्लोज में जब कन्वर्ट करूंगा तो मुझे क्या पैसा मिलेगा मेरी करेंसी में, वो मैंने कंसिडर किया। तो इनफैक्ट मेरा ये कहना इसमें यूजफुल नहीं है कि मुझे नॉन मॉनिटरी आइटम जो फेयर वैल्यू पे मेजर हो रही है उसे फेयर वैल्यू की डेट की रेट्स पे लेना चाहिए। रादर मुझे कहना चाहिए कि कैश फ्लोज मुझे फंक्शनल करेंसी में मेजर करने थे, इसलिए रिकवरेबल अमाउंट मेरा कम हो गया फॉरेन करेंसी में और वो उत्ते पे मेरा एसेट रिकॉर्ड हो गया। तो द रीजन व्हाई आई रिकॉर्डेड इट एट क्लोजिंग रेट इज रादर आई विल से कि दैट इज बेसिकली द रिकवरेबल अमाउंट व्हिच आई हैव कैलकुलेटेड। लेट्स पुट इट लाइक दैट। ओ माय गॉड, टाइम अप। चलिए, नाउ व्हाटएवर यू हैव डन, लेट मी ऑल्सो ट्राई सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। टाइम लग जाता है, हाँ ऐसे सॉल्व करो बात करते करते, तो थोड़ा इनफैक्ट हो सकता है कुछ को ऐसा भी लगे कि सर इसमें तो रिकॉर्ड करके डाल देते तो अच्छा रहता, पर यार मेरा ऐसा मानना है कि डिस्कशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस तरह के क्वेश्चंस में, रादर देन बस एक बार आंसर सुन लेना, क्योंकि डिस्कशन में कई चीज़ें निकल के आती है। ओके, संगीता इज सेइंग कैन वी कंटिन्यू टुमारो, ये वाला करवा दो एक संगीता, इसके बाद में फिर भले आप बोलोगे तो बना के कर लेंगे, है ना। क्योंकि वैसे भी टाइम ऐसा हो गया है कि अगर अपन ने लाइव स्ट्रीम कंप्लीट नहीं करी तो कंसोलिडेशन आज की डेट में नहीं दे पाऊंगा मैं आपको। चलो अब आप देखिए इसको थोड़ा सा ध्यान से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले FVOCI है, तो FVOCI में इनिशियल रिकॉग्निशन किस पे होता है? फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, क्योंकि इस क्वेश्चन में ट्रांजैक्शन कॉस्ट है नहीं तो मैं लिखता नहीं हूँ। इंटरेस्ट इनकम किससे बुक होती है? बेसिकली जो आपकी इनिशियल रिकॉग्निशन वैल्यू है उसके ऊपर इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट से बुक कर देते हैं।
और बेसिकली हम जो इसका क्लोजिंग निकालेंगे तो वो हम इसका जो भी कैरिंग अमाउंट आएगा और जो इसकी फेयर वैल्यू है, इसका जो डिफरेंस आएगा, उसे हम OCI में गेन लॉस के फॉर्म में बुक कर देंगे। अब एक एक करके समझते हैं, ये मैं समझाने के हिसाब से लिख रहा हूँ, एग्जाम में सॉल्यूशन का प्रेजेंटेशन कैसा है उसके हिसाब से अगर करना है तो ये वो नहीं है। अगर वैसे आप करना चाहते हो तो फिर लेट मी प्रिपेयर अ टेबल फॉर इट, ये मैंने समझाने के लिए लिखा है। तो ठीक है, तो हम बोलते हैं बेसिकली क्या निकालना, क्या आपने को इस क्वेश्चन में अगले पेज पर लिखा था, लिख देता हूँ मैं वो, कैलकुलेट गेन और लॉस इन पी एंड एल और अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, है ना। तो आई विल से आई विल कैलकुलेट अ स्टेटमेंट फॉर कंप्यूटेशन ऑफ गेन और लॉस इन पी आर एल एंड OCI। इनिशियल रिकॉग्निशन, मैंने खरीदा $1,000 पे और तब 40 का इसका रेट था, 40,000 रुपीस में मैं इसे इनिशियली रिकॉर्ड करूंगा। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट 10% है, तो मैं इस पे इंटरेस्ट इनकम जो कि पी एंड एल में जाएगी, ये मैं बुक करूंगा किस पे, 1250 पे, गलत, ये मैं इनिशियल रिकॉग्निशन की वैल्यू पे बुक करूंगा $1,000 पे 10% से, एवरेज रेट से, क्योंकि इंटरेस्ट इज इनकम विच इज अक्रूड थ्रू आउट द ईयर, तो 42 का रेट हो गया, तो 4,200 रुपए की मेरी इंटरेस्ट इनकम बुक हो जाएगी जो कहाँ जाना चाहिए, पीआरएल में। इसके अगेंस्ट में मुझे कैश फ्लोस कितने मिले होंगे, इंटरेस्ट का पे आउट मिला है मुझे तो उसी की कैश मुझे मिली होगी। अब इंटरेस्ट पे आउट मुझे मिला होगा $1,250 पे कूपन रेट से, क्यों, क्योंकि कंपनी तो कूपन रेट से पे करेगी, ये तो आपका अकाउंटिंग एडजस्टमेंट है। तो 1250 इंटू 4.7% 58.75 डॉलर्स। और ये इंटरेस्ट क्योंकि कहीं दिया है क्या कब पे होता है, तो ये ईयर एंड पे रिसीव होता है, तो ये मुझे मिला होगा कितने पे, 45 की रेट से। तो मैं इसे 45 है ना, कब मिला है, ईयर एंड पे रेट 45 है, 58.75 × 45 डेसिमल्स में आ रहा है, 59 कर देता हूँ मैं इसे अभी अप्रॉक्स करके, एग्जाम में मत करना सर, अभी भी क्यों कर रहे हो, कारण है मैं बताऊंगा आपको बाद में, ये सर इंस्टीट्यूट ने किया होगा इसलिए आप कर रहे हो, जो भी है, क्योंकि मेरा उद्देश्य अभी समझाने के साथ साथ थोड़ा सा इसमें कुछ और बात भी करना है। कितना आता है, 2655, ठीक है, इतना मुझे क्या मिला, कैश मिल गई, कैसे, 4.7% का मेरा कैरिंग रेट है और फेस वैल्यू 1250 है, इतना मुझे कैश मिल गया। तो ये सब के बाद अगर मैं अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड का टेबल बनता है ना, तो ओपनिंग 40,000 आ गया, इंटरेस्ट इनकम ये आ गई, जो पे आउट होता है वो माइनस कर देते हैं अपन। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये जो 2655 है, इसमें एक तरह से देखा जाए तो एक एलिमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज गेन भी है। कैसे एलिमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज गेन है, जस्ट फॉर द सिंपल रीजन दैट प्रैक्टिकली स्पीकिंग यहाँ पे मेरी इंटरेस्ट इनकम एज सच देखा जाए तो 42 से बुक करी, लेकिन एक तरह से ईयर एंड पे रेट 45 हो गया है, तो उस एंगल से अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे मैंने 45 से बुक करना है, जबकि एवरेज इंटरेस्ट मुझे 42 से मिल रहा है। तो आई एम जस्ट कॉम्प्लिकेटिंग थिंग्स, लेट्स इग्नोर दैट फॉर द मोमेंट, अपन थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ते हैं। अब आप देखो कि आपका ईयर एंड पर कितना वैल्यू आ रहा होगा इस पे, ईयर एंड पे देखो $1,000 का मैंने इन्वेस्टमेंट खरीदा था, इसको मैं डॉलर में रिकॉर्ड करता हूँ आपको समझाने के लिए, है ना। ओपनिंग वैल्यू कितनी थी, $1,000, ऐसे करते हैं ज़्यादा सही रहेगा। इंटरेस्ट इनकम मेरी कितनी रही, $100। रीपेमेंट मुझे इसमें कितना मिल गया,
राउंड ऑफ करके $59, तो मेरा बैलेंस कितना बच रहा है? $1,041. ठीक है, अब $1,041 का मेरा क्लोजिंग बैलेंस है। क्वेश्चन ने क्या कुछ फेयर वैल्यू शेयर वैल्यू दे रखी है क्या? तो क्वेश्चन ने बोला है कि फेयर वैल्यू ऑफ द बॉन्ड एट द एंड ऑफ द ईयर इज 1060, क्योंकि FVOCI है तो मुझे इसे फेयर वैल्यू पे लाना पड़ेगा। तो मेरा अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में अगर मैं गेन बुक करने को जाऊं तो मेरा कितना गेन है? $19 का, ये फेयर वैल्यू गेन हो गया। अगर मुझे पूरा क्वेश्चन डॉलर में ही सॉल्व करना होता तो ये मेरा सॉल्यूशन बन गया और मेरा काम खत्म हो गया। इंटरेस्ट इनकम मैं बोल देता P&L में चली गई और ये मेरी अकाउंटिंग कंप्लीट हो गई। बट कमबैक समस्या यहाँ पर ये है कि मुझे सॉल्व करना है रुपीज़ में। अब मैं रुपीज़ में सॉल्व करूँगा तो कैसे होएगा? अब मैं यहाँ पे आपको जर्नल एंट्रीज के थ्रू इसको समझाता हूँ। जब आपने एक्विजिशन किया तो आप क्या करोगे अपनी बुक्स में? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट करोगे, फाइनेंशियल असेट इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट $40,000 टू बैंक। ईयर एंड पे आप करोगे बेसिकली इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट $100 इंटू 42, 4,200 रुपये। ठीक है, टू इंटरेस्ट इनकम 4,200 रुपीज, और ये इंटरेस्ट इनकम को आप बाद में P&L में ट्रांसफर कर दोगे। यहाँ तक भी सब कुछ ठीक है। अच्छा, फिर अब आपको ब्याज मिलेगा, तो मिला आपको कितना है? $59 मिला है। तो आप करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट $59, ये कोई इनकम नहीं है आपकी, ये बेसिकली रिकवरी हो रही है, तो ये मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 49, कितना निकाला था मैंने 2655, ये वही है, मैं जर्नल एंट्री से बस आपको समझा रहा हूँ जो मैंने वहाँ लिखा है। अब ये सब करने के बाद मेरा इन्वेस्टमेंट कितने पे आ रहा है? कैरिंग अमाउंट निकालता हूँ अभी, बाद में इस पर आएंगे। 44,200 माइनस 2655, 41545। ठीक है, और ईयर एंड पे आना कितने पे चाहिए? तो आपको क्वेश्चन में कहा है कि ईयर एंड पे इसकी फेयर वैल्यू $1,060 है और इसको 45 के क्लोजिंग रेट से मल्टीप्लाई कर दो, 47,700 माइनस 41545, 6155 का मेरा फेयर वैल्यू गेन है, जो टेक्निकली OCI में जाना चाहिए। आई विल स्टिल कम टू दिस। तो मेरा 6155 का फेयर वैल्यू गेन बुक होना चाहिए। यहाँ पे देखिए, मेरा इन्वेस्टमेंट 40 से डेबिट हुआ, 4200 से फिर डेबिट किया फॉर इन्वेस्टमेंट पे जो इंटरेस्ट इनकम है, और 2655 से क्रेडिट कर दिया, तो मेरी वैल्यू आ गई 41545। और ईयर एंड पे मैं इसकी फेयर वैल्यू पे अगर इसे लेके आता हूँ, विच इज़ $1,060, तो 1060 इंटू 45, तो ये इसकी वैल्यू आना चाहिए, ये मेरा 6155 का गेन आना चाहिए। ठीक है, ये गेन कहाँ जाना चाहिए? दिस शुड गो टू OCI। तो ये गेन अगर मैं बुक करूँगा तो मैं क्या करूँगा? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट कितने से? 6155 टू, इसमें फेयर वैल्यू गेन के नाम से ये बुक होगा और ये OCI में चले जाएगा। आई एम नॉट सेइंग दिस इज द करेक्ट ट्रीटमेंट, आई एम जस्ट ग्रेजुअली कमिंग टू द करेक्ट ट्रीटमेंट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड। ठीक है, YouTube पे अपलोड कर देना, हाँ बस ये वाला कवर कर लो, उसके बाद आगे का फिर मैं YouTube पे डाल दूंगा। ठीक है, ये आखिरी, ये मेरा गेन बुक होना चाहिए। अब आ जाओ अपन इंस्टीट्यूट के सोल्यूशन पे, इन्होंने क्या जानदार सोल्यूशन बनाया। आ जाओ, कॉस्ट ऑफ द बॉन्ड 40,000, कूल, अग्रीड। 4,200 इज द इंटरेस्ट अक्रूड, कूल, अग्रीड। 2655 ये समझ में आ गया, मैंने 59 इसलिए क्यों राउंड ऑफ किया। तो अमोर्टाइज कॉस्ट इज 46845, अच्छा इन्होंने निकाली है अमोर्टाइज कॉस्ट कैसे? 1041 को मल्टीप्लाई करके, ओके, तो ये ऐसे निकाल लिया इन्होंने, ये 1041 है ना, इसको इन्होंने मल्टीप्लाई किया 45 से, और 1060 जो अपन ने यहाँ पे लिखा था इसको मल्टीप्लाई किया 45 से। आगे देखिए, 4,200 P&L में इनकम जाएगी, बिल्कुल दुरुस्त है। ये बोलते हैं
एक्सचेंज गेन ऑन प्रिंसिपल अमाउंट $1,000 का, 45 माइनस 40, ये कैसे आया? ये बोल रहे हैं $1,000 में आपने खरीदा था, 40 रुपये उस समय रेट था, आज ये रेट 45 रुपीज़ हो गया, 5 रुपये का आपका प्रिंसिपल अमाउंट का जो एक्सचेंज गेन हुआ है ये 5,000 रुपये। और सुनिए, 100 रुपये का आपने ब्याज कमाया, ये 100 रुपये के ब्याज को आपने, आपको ये ब्याज 45 से ईयर एंड पर अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कितना, 45 की रेट से, और आपने बुक किया 42 की रेट से, तो 3 रुपये का आपका इंटरेस्ट गेन हो गया इंटरेस्ट अक्रूवल पे, 300 रुपये, जबकि आपको ऑलरेडी कुछ ब्याज मिल चुका है। और इस लॉजिक से टोटल एक्सचेंज गेन लॉस जो पी एंड एल में रिकग्नाइज होना चाहिए वो है 5,300, और बचा हुआ जो गेन लॉस है आपका वो 855। ये कैसे आ गया? बेसिकली ये जो $19 है इसको आप 45 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे 855, तो ये बोल रहे हैं ये 855 कहाँ जाना चाहिए OCI में। तो इनका कहना है 5,300 जाना चाहिए पी एंड एल में और 855 जाना चाहिए OCI में, और इन्होंने एक कंपाउंड एंट्री इसकी पास कर दी। मेरे हिसाब से मैं क्या कर रहा था यहाँ पर, आई वॉज बेसिकली पुटिंग फुल गेन ऑफ 6155 इन OCI। अब मुझे बताओ सबसे पहली बात, तो ये जो इंस्टीट्यूट ने सोल्यूशन बनाया है ये क्या कचरा करा इन्होंने? अरे सर बस करो, ये क्वेश्चन ही गलत हमें आ गया यार। इनफैक्ट चलो, ये फुल कचरा है जो इंस्टीट्यूट ने किया है दोस्तों यहाँ पे। द रीजन वाई एम सेइंग दिस इज क्योंकि आप यहाँ पे ऐसा बोल रहे हो कि जो एक्सचेंज गेन हुआ है, कौन सा एक्सचेंज गेन? $1,000 का इन्वेस्टमेंट, $100 का इंटरेस्ट, $1,100 पे 5 रुपए और $100 पे 3 रुपए, 42 और 45, 5,300 का एक्सचेंज गेन है जो कहाँ जाना चाहिए पीओएल में एज पर इंडेक्स 21। और जो इसके अलावा आपका 855 का गेन है वो OCI में जाना चाहिए क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट FVOCI है। और इसी कचरे की मैं बात कर रहा था। आप देखिए दोस्तों, इंडेक्स 21 का ये बेयर स्टैंडर्ड है जो मैंने इंस्टीट्यूट वेबसाइट आपकी MCA की वेबसाइट से निकाला है, पैरा 30। आइए, When a gain or loss on a non-monetary item is recognized in other comprehensive income, क्या लिखा है? साफ साफ सुनिए, इंडेक्स 21 फॉरेन करेंसी आइटम में, मॉनिटरी आइटम है तो क्लोजिंग रेट पे आती है, नॉन मॉनिटरी आइटम कॉस्ट पे कैरी होगी तो स्पॉट रेट पे आएगी, पर नॉन मॉनिटरी आइटम फेयर वैल्यू पे कैरी करना है, तो उस पर्टिकुलर केस के लिए क्या कहा गया है? अगर नॉन मॉनिटरी आइटम का गेन और लॉस कब, जब उसे फेयर वैल्यू पे कैरी करना होता है, इज रिकॉग्नाइज्ड इन अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, एनी एक्सचेंज कॉम्पोनेंट ऑफ दैट गेन और लॉस शैल बी रिकॉग्नाइज्ड इन अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। यानी कभी भी फेयर वैल्यू गेन लॉस OCI में जाएगा तो उसका एक्सचेंज कॉम्पोनेंट भी OCI में जाएगा। Conversely, when a gain or loss on non-monetary item is recognized in P&L, exchange component is also recognized in P&L. आपकी non-monetary item का gain loss कहाँ जाना चाहिए? OCI. तो exchange gain loss का जो component उसके अंदर है, साफ साफ लिखा है, वो भी कहाँ जाना चाहिए? OCI. और ये इसे कहाँ पर लेके गए? ये भाई साहब इसको लेके चले गए हैं, आ जाए यार अब, ये कहाँ लेके चले गए? ये इसे लेके चले गए हैं P&L में। ये सवाल है ICICI से कि ये कहां से लेके आए ये सॉल्यूशन, बताएं। प्रैक्टिकली इंडेक्स 21 109 दोनों मिला के एक तो क्वेश्चन पूछ दिया, ऐसी स्टूडेंट फॉरेन करेंसी उसको फॉरेन फील होने लगती है, कहां इतना दिमाग लगाएगा, वो रट के चले जाएगा। आप जो भी कर रहे हो उसकी कोई जरूरत नहीं है, सीधा सीधा सॉल्यूशन निकल रहा था। इनफैक्ट समझाने के चक्कर में मुझे दो तरह से, तीन तरह से कैलकुलेशन करके दिखाने पड़ गए, प्रैक्टिकली जर्नल एंट्री से भी बता दिया, यहाँ पे भी बता दिया। ये जो एक कैलकुलेशन है ये मैं बता रहा था कि ये बेसिकली बोल रहे हैं कि ये जो डिफरेंस है $19 का, ये OCI में जाएगा, ये फेयर वैल्यू गेन है, तो ये OCI में जाएगा, पर इसके अलावा जो आपका बचा हुआ गेन हुआ है वो एक्सचेंज के कारण हुआ है, तो वो एक्सचेंज गेन लॉस कॉम्पोनेंट विल गो टू P&L एज पर इंडेक्स 21, जबकि 21 ही साफ साफ बोल रहा है ऐसा नहीं हुआ। अ वेरी माइन्यूट ट्रिकी डिटेल, बट दिस इज नॉट करेक्ट, एंड आई रिक्वेस्ट यू टू आस्क क्वेश्चन टू द इंस्टीट्यूट अबाउट इट कि सर ये सोल्यूशन हम जो बता रहे हैं ये क्या गलत है। अगर वो बोले कि यार नहीं ये लॉजिकली गलत है इस कारण से, बता दे, हमारे सर की अंडरस्टैंडिंग सुधर जाएगी इससे, तो आगे बच्चों को काम में आ जाएगी। और अगर नहीं है तो कृपा करके आप सुधार दीजिए, उससे कई सारे बच्चों को फायदा होगा। आज आई थिंक इस सवाल के बाद अब गुड नाइट कर लेना ही बेहतर होगा, और आप जरा सुबह जाके इसके बाद आप इसके बारे में बाद में सोचना, बाद में मैसेज वैसेज मेल वेल करना, रात को मत जगा देना इंस्टीट्यूट को। एक बहुत बढ़िया सवाल पूछा है किसी ने, और अमरजीत भाई आए अभी और पूछ रहे हैं क्या मैं ज्वाइन कर सकता हूँ, कर ले भाई, 2 मिनट की तो बात है। तो एग्जाम में क्या करना है, लेट्स स्टडी ने मुद्दी बात ये पूछी है,
इसीलिए ये डिस्कशन मैंने आज लिया है, नहीं तो मैं भी इसको रिकॉर्ड करके एक आध हफ्ते बाद डाल देता। मैं चाहता हूँ दोस्तों आप इमीडिएटली इंस्टीट्यूट के साथ कंसर्न रेस करके ये आंसर अगर सही होता है तो करा दो, क्योंकि अगर एक बार इंस्टीट्यूट ने इस तरह का सवाल एग्जाम में पूछ लिया, अगर इसको अपन ने आज सही नहीं कराया तो डेफिनेटली ये सजेस्टेड आंसर कट कॉपी पेस्ट लगाएंगे और चेकिंग भी फिर उसी हिसाब से करेंगे, और फिर अपन बोलेंगे कि यार ये गलत था, तो दो महीने बाद सजेस्टेड आंसर आएगा रिजल्ट के, फिर अपने क्वेरी का जवाब वो दो महीने बाद देंगे और फिर कॉरिजेंडम दे देंगे। आपको मेरी बात अगर नहीं जम रही है तो मैं एक बार दोबारा आपको कॉरिजेंडम बता देता हूँ, ये मैंने लाइव सेशन में भी बताया था, इंस्टीट्यूट स्टूडेंट पोर्टल बोर्ड ऑफ स्टडीज नॉलेज पोर्टल के अंतर्गत इफ आई गो टू नवंबर 19 एग्जाम पेपर, नवंबर 19 के एग्जाम पेपर में इंस्टीट्यूट ने 8 मार्क का एक क्वेश्चन एमटीपी 2018 के सवाल से पूछा और उसका आंसर इंस्टीट्यूट ने एमटीपी के अनुसार दे दिया, जो गलत था, जो हमने बोला भी था गलत है, क्लास में भी बोला था गलत है, लेकिन इंस्टीट्यूट को कोई फर्क नहीं पड़ता है, कहीं हम रिपोर्ट भी कर देते हैं तो उन्हें कुछ नहीं होता है। ये नवंबर 19 का वो कॉरिजेंडम है, आप देख लीजिए, क्वेश्चन 4 भी जो मैं कल रिवीजन सेशन में भी बता रहा था, इंस्टीट्यूट ने इसका आंसर रिवाइज किया 8 मार्क के क्वेश्चन का। क्यों रिवाइज किया? क्यों? क्योंकि बाद में इंस्टीट्यूट को जब बताया गया, क्योंकि सजेस्टेड आंसर ही लेट आए थे तो हम भी क्वेरी लेट रेज कर पाए, उससे पहले हमें पता ही नहीं पड़ा, एमटीबी का आंसर था, उम्मीद तो पूरी थी गलत करेंगे ही करेंगे, बट फिर हमने जब क्वेरी रेज करी और उसके बाद जब ये चीज सामने आई तो फिर प्रैक्टिकली इंस्टीट्यूट ने आंसर बदल दिया। पर कॉपियां कैसे चेक हुई होगी? ऑब्वियसली बात है, सजेस्टेड आंसर के आधार पर ही हुई होगी। ये अभी सही हो गया तो शायद कॉपियां भी सही चेक हो जाएगी, अदरवाइज दिक्कत में फंस जाएंगे। मुझे लगता है 109 और फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन का मिक्स है तो इंपॉर्टेंट हो सकता है। और आनंद का कहना है सर फिर 39 पे रुक जाएंगे। चलो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, क्षमा करना यार, मैंने थोड़ा समय ज़्यादा ले लिया और इनअप्रोप्रिएट समय मैंने ले लिया आपका, बट मैं चाहता हूँ कि आप इसको जल्दी जल्दी रेस करके इसमें जो भी इंस्टीट्यूट का क्लैरिफिकेशन है, कोई अजम्पशन लगाया है, कोई उनके मन में कोई ऐसी बात है जिसके आधार पर वो ये जस्टिफाई करना चाहते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जो करना है बस आप बता दीजिए, हम मान लेंगे कि बिल्कुल ऐसा ही है। मान लेंगे दो मिनट के लिए कि हमें इंडेस एज पर बोर्ड ऑफ स्टडीज पढ़ना है, सीए बनने के बाद हम इंडेस एज पर इंडेस पढ़ लेंगे, पर आप जो भी है बता दीजिए, हमें मार्क्स अभी चाहिए, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हमें प्रॉब्लम नहीं है, हमें मालूम है कॉन्सेप्चुअली क्या होता है, अभी हम मार्क्स लाने के लिए देख रहे हैं, कोई डिफरेंस भी है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम वैसे मैनेज कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, चलो बहुत बहुत धन्यवाद शॉर्ट नोटिस पर आने के लिए, और 10 मिनट बाद में कंसोलिडेशन का लाइव रिवीजन सेशन अगर यूट्यूब पे प्रोसेस हो गया होगा तो उसको अपलोड कर दूंगा, रात को मत देखना, अभी सो जाओ, और बचा हुआ सेशन जब भी आपका टाइम प्लान हो उसके बेसिस पे देख लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, और पहली बार मैंने इसे शॉर्ट नोटिस पे लाइव लिया, इनफैक्ट मैंने लाइव पिछले 3 दिन में ले लिए, होते जीवन भर में नहीं लिए, थोड़ा सा आपका फीडबैक जरूर दे देना कि इसको कैसे अपन आगे ऐसा रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, एंड रियली बिलीव मी दिस फीडबैक इज गोइंग टू हेल्प मी जस्ट टू काइंड ऑफ यू नो टेक केयर ऑफ दीज पर्टिकुलर थिंग्स इन फ्यूचर। बट यस, आई थॉट कि डिस्कशन टाइप के क्वेश्चन थे इसलिए मैंने लाइव किया, अदरवाइज मैं रिकॉर्डेड वीडियो शेयर कर देता। प्लीज पुट योर फीडबैक एज अ डायरेक्ट मैसेज और इन द यूट्यूब लाइव चैट कमेंट्स और इन द टेलीग्राम ग्रुप चैट, जहां पे भी आपको अप्रोप्रिएट लगे प्लीज शेयर करिएगा। और जो बचे हुए क्वेश्चन है, देवांश बोल रहा है एक बार क्विकली कंक्लूड कर दो, आई एम फाइन विद इट, मैं कर देता हूं उसे क्विकली एक बार कंक्लूड, बता देता हूं मैं आपको, इसमें कोई मसालेदार चीज है तो मसाला मसाला बता देता हूं मैं, ठीक है। चलिए, इंडेस 2 का क्वेश्चन है, एकदम घड़ी देख लो, 10 मिनट के अंदर अंदर कंक्लूड कर दूंगा मैं, ठीक है। देखिए, अ कंपनी नॉर्मली प्रोड्यूसेस, पढ़ने की जरूरत है क्या? नहीं सर मत पढ़ो, आप तो बस इसमें क्या हाईलाइट है वो बता दो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, इंडेस 2 बोला गया है, कंपनी नॉर्मली 1 लाख यूनिट बनाती है पर इस साल डिमांड कम थी तो 50,000 यूनिट उसने बनाई। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए तो समझ जाना फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स की जो एब्जॉर्प्शन है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो इसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, क्वेश्चन ने आपसे पूछा है कि इसमें आपको कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है, तो वेरिएबल कॉस्ट सब जोड़ दो, तो 200 जुड़ जाएगी, 100 जुड़ जाएगी, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 100 जुड़ जाएंगे, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स आपके 100 लाख के हैं, डिवाइड किससे करना है, 1 लाख नॉर्मल है या 50,000 आपने इस साल कम किए, नहीं 1 लाख नॉर्मल है, तो इसका मतलब 100 पर यूनिट है, तो ये 100 जुड़ जाएगा, तो आपकी कॉस्ट आ जाएगी 300 प्लस 200, इनफैक्ट 500 रुपये पर यूनिट, प्लस प्रोडक्शन ओवरहेड्स का क्या होगा, तो आपने 50,000 यूनिट बनाए, 100 के हिसाब से आप इसमें 50 लाख ही क्या कर पाओगे, एब्जॉर्ब कर पाओगे, बचे हुए 50 लाख पेरोल में खर्चा हो जाएंगे, कृपा करके ध्यान रखना ये नॉर्मल एक्सपेंस नहीं है, इस साल नॉर्मल प्रोडक्शन से कम प्रोडक्शन हुआ तो मेरा फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड का खर्चा मेरे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में बनाते थे पहले तो उसमें 1 करोड़ आएगा, लेकिन इन्वेंट्री जो आएगी उसमें 50 लाख ही ऐड होगा, तो ऑटोमेटिकली बचा 50 लाख का खर्चा भुग जाएगा। इंडस्ट्रियन वन ऑफ द प्लांट पीक्यूआर 10 मई को फायर ब्रोकआउट हुआ, 31 मार्च 2020 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप बताइए अगर बोले कि उसके बाद कभी फायर ब्रेक हुआ है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव उसके बाद हुए हैं तो क्या ये फायर की अकाउंटिंग 31 मार्च में करेंगे? नहीं, क्योंकि ये फ्रेश इवेंट है, नोट्स में डिस्क्लोज करते हैं एज पर इंड एएस 10 इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट, एक्सेप्ट अगर गोइंग कंसर्न अजम्पशन अफेक्ट हो रहा है तो फिर इस केस में उसको अकाउंट फॉर करते हैं। इंडिया 38 इंटेंजिबल एसेट एबीसी प्राइवेट लिमिटेड रिक्रूटेड अ प्लेयर,
तो ये कह रहे हैं कि इन्होंने एक प्लेयर रिक्रूट किया, यानी कि आईपीएल में कोई प्लेयर हम लेके आए और उसके टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में प्लेयर को प्रोहिबिट किया है कि वो किसी और के साथ 5 साल तक नहीं खेल सकता, हमारे साथ ही खेलेगा, छोड़ भी नहीं सकता है वो हमको, और हमें जो पैसे उसकी राइट के लिए किए हैं वो उसकी स्किल्स और फेम के कारण हमने उसको पे किए, और इससे हम दूसरे प्लेयर का भी पार्टिसिपेशन मैचेस में बढ़ाएंगे और पैसे बनाएंगे। क्या ये जो राइट ऑफ प्लेयर है इसे इंटेंजिबल एसेट बुक किया जा सकता है? तो इंटेंजिबल एसेट रिकॉर्ड करने के लिए डेफिनेशन कहती है कि इट शुड बी अ नॉन मॉनेटरी एसेट, जो कि ये है, फिक्स मॉनेटरी वैल्यू है नहीं इसकी। सेकंड, असेट होना चाहिए यानी फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट शुड फ्लो टू द एंटरप्राइज एंड वी शुड हैव कंट्रोल ओवर द असेट। तो ये हमारा है क्यों? क्योंकि हमारा कंट्रोल प्लेयर पर नहीं चाहिए, प्लेयर की प्लेइंग राइट्स है मेरे पास, मैंने उसको, मैं उसको अपने साथ खेलने के लिए बाध्य कर सकता हूं, तो आई हैव दैट पर्टिकुलर कंट्रोल। और अगर ऐसा है तो ये इंटेंजिबल असेट की डेफिनेशन मीट करता है। ऑब्वियसली इसका फिजिकल सब्सटेंस नहीं है, प्लेयर का फिजिकल सब्सटेंस है, पर मेरा असेट प्लेयर नहीं है, प्लेयर के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो है। आइडेंटिफाइबिलिटी की कंडीशन एस्टेब्लिश कब होती है? जब सेपरेबल हो या कॉन्ट्रैक्चुअल हो। तो ये कॉन्ट्रैक्चुअल है, तो इट इज आइडेंटिफाइबल, इट इज एन असेट, इट इज नॉन मॉनेटरी, इट इज सेटिस्फाइंग द डेफिनेशन ऑफ इंटेंजिबल असेट। टू रिकग्नाइज इट एज एन इंटेंजिबल असेट, इट शुड सेटिस्फाई द रिकग्निशन क्राइटेरिया विच इज फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर एक्सपेक्टेड टू फ्लो टू द एंटरप्राइज एंड कॉस्ट इज मेजरेबल। तो अगर ऐसा लगता है तो आप इसे इंटेंजिबल असेट के फॉर्म में प्लेयर राइट्स के नाम से, ना कि प्लेयर के नाम से बुक कर सकते हो। इंडे 16 पे आ जाते हैं, पीपीई से रिलेटेड है, जिसमें एंटिटी एक्स के पास एक वेयरहाउस है जो उसकी एंटिटी वाई की फैक्ट्री के नजदीक है, लेकिन दोनों ही फैक्ट्री आसपास है, सेम विसिनिटी में। एंटिटी एक्स और वाई ने अपने वेयरहाउस को एक्सचेंज कर लिया। तो मुझे एक बात बताओ, मोहल्ले में इधर मेरा घर है, कोने में उसका घर है, उसके घर के पड़ोस में गुड़ाउन है, मेरे घर के पड़ोस में एक गुड़ाउन है, उसके घर के पड़ोस में मेरा गुड़ाउन है, मेरे घर के पड़ोस में उसका गुड़ाउन है। हमने बुलाया अपन गुड़ाउन एक्सचेंज कर लेते हैं, पहले गुड़ाउन के बहाने उससे मिलने चले जाया करते थे, पर उसकी कहीं पक्की हो गई, हमने बुलाया अब क्या करेंगे। तो मैंने बोला एक काम कर, वो जो मेरा गुड़ाउन तेरे घर के पास है तू रख ले, तेरे काम आ जाएगा, हमारे घर के पास में जो तेरा गुड़ाउन है वो मुझे दे दे, मेरे काम आ जाएगा। ये दोनों आसपास ही है, कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो इसके आधार पर कह रहे हैं कि हमने ये एक्सचेंज कर लिया है, और एक्सचेंज किया तो क्या किया, इसका कैरिंग अमाउंट एंटिटी एक्स की बुक्स में 1 लाख था और फेयर वैल्यू 1.25 थी, सामने वाले की फेयर वैल्यू 1.20 थी, तो 5,000 का लेन देन हो गया है, कैसे रिकॉर्ड करेंगे? तो जब भी एक्सचेंज होता है तो उसमें सबसे पहले देखते हैं क्या कमर्शियल सब्सटेंस है। कमर्शियल सब्सटेंस कब मानते हैं? जब या तो फेयर वैल्यू डिफरेंट है, या कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है, या कॉन्फिगरेशन ऑफ रिस्क रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर एसेट डिफरेंट है। इस क्वेश्चन को देख के दोनों आंसर निकाले जा सकते हैं, बट ज्यादा मेरा किस तरफ झुकाव हो रहा है कि यार इसके कोई बहुत ज्यादा देखा जाए तो मेरी एंटिटी स्पेसिफिक वैल्यू में डिफरेंस नहीं है, क्योंकि दोनों फैक्ट्री सेम विसिनिटी में, दूर दूर होती अगर तो डेफिनेटली मैं बोलता कि मेरे लिए उस वेयरहाउस की बेनिफिट ज्यादा है जो सामने वाले का वेयरहाउस मेरे करीब है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है, और कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है तो फिर इस ट्रांजैक्शन को अकाउंट फॉर नहीं करेंगे। जो 5,000 माने उसको हम हमारी एसेट की कॉस्ट से कम कर सकते हैं एज अ रिकवरी ऑफ कॉस्ट ऑफ दी असेट। और बुक्स में हम क्या करेंगे, हमारा वेयरहाउस क्रेडिट और सामने वाले का वेयरहाउस डेबिट किस पे करेंगे, कैरिंग अमाउंट पे, और जो पैसे का लेन देन हुआ है अगर हमें पैसे मिले तो हमारी कॉस्ट से उसको कम कर देंगे। तो बेसिकली यहाँ पे कैरिंग अमाउंट ऑफ आर असेट पे ही जो असेट हमें मिला है उसे रिकॉर्ड कर देंगे, सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट ऑफ पैसे का लेन देन। इंडेस 27 सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अ कंपनी ए बी लिमिटेड होल्ड्स इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी और एसोसिएट। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्वेश्चन में बोला गया है कि वो एसोसिएट का इन्वेस्टमेंट FVTPL पे मेजर करती है, लेकिन सब्सिडरी का कॉस्ट पे मेजर करना चाहती है, क्या वो ऐसा कर सकती है? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के रिविजन में मैंने बताया था दोस्तों आपको कि कैटेगरी वाइज चॉइस आपके पास पैरा 10 ऑफ इंडेस 27 की अवेलेबल है। तो सब्सिडरी में आप चाहो तो सब्सिडी में चाहो तो आप कॉस्ट बेसिस, एसोसिएट्स के लिए चाहो तो फेयर वैल्यू बेसिस, जेवी के लिए कुछ अलग, ऐसा करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर एक सब्सिडरी के लिए कॉस्ट, एक सब्सिडी के लिए अगर फेयर वैल्यू होता तो नहीं चलता, तो दिस इज ओके, चलेगा इस पर SFS। इंडेस 116 लीज का बहुत ही सिंपल कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है 9 साल की लीज करी गई है और एक्स की बुक्स में अकाउंटिंग है, लेसी है, उसका मंथली लीज रेंटल 70,000 है, लेकिन उसके साथ में एक फैसिलिटी अरेंजमेंट हुआ है, होता है ना अपन कोई जगह लेते हैं तो साथ में लिफ्ट विफ्ट का, मेंटेनेंस का, वैसा अरेंजमेंट है, जिसमें बोला है उसका मंथली सर्विस चार्ज 1,00,000 रुपये। और ये जो अग्रीमेंट है इसमें इन्होंने बोला है कि ये दोनों अग्रीमेंट आपस में हैं, दे आर को एग्जिस्टेंट एंड को टर्मिनियस, यानी कि ये इंडिपेंडेंट नहीं है, यानी ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ चाहूँ तो जगह ले लूँ और जो बाकी फैसिलिटीज़ का अरेंजमेंट है वो ना लूँ, साथ में दोनों लेना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन हो गया लीज कॉम्पोनेंट प्लस नॉन लीज कॉम्पोनेंट का, किसके लिए, लेसी के लिए। ऐसे केस में लेसी के पास एक प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट होता है कि वो चाहे तो इन दोनों को सेपरेट ना करके पूरे को लीज मान के अकाउंट फॉर कर दे, लेकिन इस क्वेश्चन में इन्होंने स्पेसिफिकली कहा है कि वो प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट अप्लाई नहीं करना चाहता है। तो आप क्या करोगे, बेसिकली लीज कंपोनेंट की फेयर वैल्यू और नॉन लीज कंपोनेंट की फेयर वैल्यू में जो आपका टोटल लीज कंसिडरेशन है उसको डिवाइड कर दोगे। तो आपने एक्स ने बोला है कि फेयर वैल्यू लीज अग्रीमेंट की 1,20,000 है और फैसिलिटी की 80,000 पर मंथ है, और आपका पेमेंट कितना हो रहा है, 70,000 लीज के लिए हो रहा है और 1,00,000 रुपये मंथली सर्विस चार्ज के लिए हो रहा है। तो आपका टोटल पेमेंट जो है ना 1,70,000, इसको आप डिवाइड कर दो 120:80 के रेशियो में, ये लीज कंपोनेंट है और ये नॉन लीज कंपोनेंट है, इसको आप बेसिकली पीओरएल में एक्सपेंस बुक करते जाना,
80,000 को नहीं 170 को 120 टू 80 में जो डिवाइड करेंगे और इसकी आप फाइनेंशियल लाइबिलिटी और राइट ऑफ यूज असेट बुक कर लेना। सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन है, फटाक से बता दिया मैंने। इंडेज 7 कैश फ्लो स्टेटमेंट है, मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है ये। 2019-20 में कंपनी में कई सारे टैक्सेस हुए, इसका क्लासिफिकेशन पूछा है। कैपिटल गेन टैक्स, जल्दी से बताओ कैपिटल गेन टैक्स कहाँ जाएगा? तो कैपिटल गेन का टैक्स है तो ये इन्वेस्टमेंट बेचने पे आया होगा, तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है, तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में टैक्स जाएगा और इसका सेल्स कंसिडरेशन भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इन्फ्लो होगा। टैक्स में जनरल रूल ध्यान रखना, स्पेसिफिक एक्टिविटी से रिलेटेड है तो वहाँ डाल दो, नहीं तो फिर ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। तो अगर आपने कोई डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे किया है वो फाइनेंसिंग से रिलेटेड है तो वहाँ डाल दो। इन्वेस्टमेंट सेल करने पे कैपिटल गेन टैक्स पे किया है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है वहाँ डाल दो। नॉर्मल इनकम टैक्स पे किया है, ऑपरेटिंग से रिलेटेड है वहाँ डाल दो। तो यहाँ 100 ऑपरेटिंग इनफ्लो, 20 ऑपरेटिंग सॉरी इन्वेस्टिंग इनफ्लो, इन्वेस्टिंग आउटफ्लो। इनकम टैक्स 3 करोड़, बिजनेस प्रॉफिट अमाउंटिंग टू 30 करोड़, बिजनेस प्रॉफिट ऑपरेटिंग इनफ्लो, 3 करोड़ का बिजनेस प्रॉफिट पे जो टैक्स लगा है ऑपरेटिंग आउटफ्लो। DDT 2 करोड़ का पेमेंट है, डिविडेंड 20 करोड़ का है, आउटफ्लो 20 करोड़ का फाइनेंसिंग एक्टिविटी, 2 करोड़ का आउटफ्लो फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इनकम टैक्स रिफंड की स्पेसिफिक चीज से रिलेटेड नहीं है तो ऑपरेटिंग में इनफ्लो आ जाएगा, क्योंकि ऑपरेटिंग की डेफिनेशन होती है कोई कैश फ्लो जो कहीं पे भी नहीं होता है वो ऑपरेटिंग में क्लासिफाई होता है, उस लॉजिक से ये टैक्स वाले यहाँ पे आ जाते हैं। 103 वी जारा नहीं जीरा, जीरा नहीं जीरा, दोनों मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ऑफ लुब्रिकेंट का काम कर रहे हैं। दे अग्री टू जॉइन फोर्सेस फॉर लोअरिंग द डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट और बिजनेस कॉम्बिनेशन इज कैरीड आउट बाय अ न्यू एंटिटी कॉल्ड मीरा। तो वीर जारा ने मिलकर एक नई कंपनी बनाई है मीरा, जिसने 100 शेयर दिए हैं वीरा लिमिटेड के शेयर होल्डर को और 50 शेयर दिए हैं जीरा लिमिटेड के शेयर होल्डर को, और बाद में पूछा एक्वायरर कौन है। अब आप ही बता दो, एम लिमिटेड नॉर्मली एक कंपनी दो कंपनियों को एक्वायर करती है तो जो एक्वायर कर रही है वो एक्वायरर होती है, पर अगर दो कंपनी मिला के एक तीसरी कंपनी बनाते हैं तो उसमें एक्वायर इन दोनों में से ही कोई एक होता है, रिवर्स एक्विजिशन। जिसके पास ज्यादा शेयर्स हैं मीरा के वही मीरा को कंट्रोल करेगा, तो इस लॉजिक से हम ये बोल सकते हैं कि क्योंकि वीरा के पास ज्यादा शेयर्स हैं मीरा के, तो इस केस में एम लिमिटेड इज नॉट द एक्वायरर, एक्वायरर इज वी लिमिटेड, जो लीगली एक्वायरी है बट अकाउंटिंग मैटर से एक्वायर है, ये रिवर्स एक्विजिशन का। इसमें सिर्फ ये पूछा है कि बिजनेस कॉम्बिनेशन 103 के अनुसार एक्वायरर कौन होगा, दैट्स अबाउट इट। और इंडेस 40 आपका क्या होता है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जिसमें आपको अलग अलग चीज़ें दी गई है। दिस इज मोर ऑफ अ डिस्क्लोजर रिलेटेड क्वेश्चन, जिसमें बोला गया है कि एक बिल्डिंग ए है हमारे पास जो स्पेसिफिकली रेंटल इनकम के लिए है और कंपनी बिल्डिंग ए को खुद के लिए यूज़ नहीं कर रही है और कोशिश कर रही है कि मौका मिलेगा तो इसे बेच भी देगी। बिल्डिंग ए को 5 साल पहले 10 करोड़ में खरीदा था और 20 साल इसकी लाइफ है। ध्यान रखना इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कॉस्ट पे मेजर होती है और डेप्रिशिएट भी होती है इंडेस में। इसके अलावा एक बिल्डिंग भी और खरीदी अपन ने कैपिटल अप्रिसिएशन के उद्देश्य से, तो ये भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है 2 करोड़ में, तो ये कॉस्ट में जुड़ जाएगी, तो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 12 करोड़ की हो जाएगी। इस पे डेप्रिसिएशन 20 साल के हिसाब से हर साल 50 लाख रुपए लग जाएगा, इसकी 40 साल की लाइफ है तो इसका डेप्रिसिएशन अकॉर्डिंगली 2 करोड़ डिवाइडेड बाय 40 ईयर्स यानी कि अब 5 लाख का इसका डेप्रिसिएशन हो जाएगा। और SLM मेथड फॉलो करती है। 19-20 में कंपनी ने ये इनकम एक्सपेंस कमाए हैं, तो ये इनकम है और ये अलग अलग तरह के आपके एक्सपेंसेस हैं और कोई रिस्ट्रिक्शन और कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन ए और बी के ऊपर नहीं है। आपको इंडेस का रिक्वायरमेंट फॉलो करते हुए ये बताना है कि फेयर वैल्यू, अच्छा इन्होंने कोई इंडिपेंडेंट वैल्यूअर से इन बिल्डिंग ए और बी का फेयर वैल्यूएशन भी कराया है और उसके बेसिस पे कोई वैल्यू लेके आए हैं और उसका बेसिस भी आपको यहाँ पे दिया है। अब आप क्या करोगे, सबसे पहली बात इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कॉस्ट पे क्या रही होगी, दूसरी बात फेयर वैल्यू आप निकालोगे तो उसे नोट्स में आपको डिस्क्लोज करना पड़ता है, लेकिन आप उसे फेयर वैल्यू पे ला नहीं सकते। डिस्क्लोजर में फेयर वैल्यू क्या है, कैसे निकाली आपने फेयर वैल्यू, क्या बेसिस रहा, प्लस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी आपने इनकम एक्सपेंस कमाई है उसका आपको एक प्रेजेंटेशन देना पड़ता है। डिस्क्लोजर बेस्ड स्टैंडर्ड एक बार आप इसको देख लीजिएगा, जो क्रिटिकल इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड थे क्वेश्चन थे वो शुरू के 11 वाले थे वो अपन ने देख लिए और जो गड़बड़ थी वो मैंने क्वेश्चन आपको बता दिया। Somebody was saying 17 नंबर के क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, उससे रिलेटेड डिस्कशन अपन कभी बाद में रखेंगे, अभी जो इंस्टीट्यूट ने सोल्यूशन दिया उसके बेसिस पे मैंने बाकी के सब डिस्कस करा दिए हैं। ठीक है दोस्तों, आई थिंक दिस काइंड ऑफ चलो काम हो गया। समीक्षा हो रही सर कल से आज तक पढ़ा रहे हैं, कोई काम नहीं है इनके पास, घर वालों ने राइट ऑफ कर दिया तो पढ़ाए जा रहे हैं। चलो टाइम ज़्यादा हो गया, कृपा करके आप फीडबैक दे दीजिएगा थोड़ा सा आगे के, उस हिसाब से मैं थोड़े से इम्प्रोवाइज कर दूंगा, बट टाइम थोड़ा मिसमैनेज हो ही जाता है इन सब चीज़ों में बिकॉज डिस्कशन मोड पे अपन चलते हैं, दैट्स द रीज़न फॉर इट। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद नहीं थी मुझे कि 137 कॉन्करेंट व्यूअर्स अभी मैं देख सकता हूँ। मैंने सोचा था कि इनफैक्ट अपन जब स्टार्ट करेंगे तो शायद व्यूअर्स इतने नहीं होंगे क्योंकि नोटिस शॉर्ट था और वो लिंक भी अनलिस्टेड रह गई थी, पब्लिकली अवेलेबल नहीं थी, बट डिस्पाइट दैट आई कैन सी 8000 प्लस प्लेबैक्स यानी 8000 प्लस लोग देख चुके हैं इसको। नंबर्स के खैर कोई मतलब नहीं है यार, इससे जो देखे हैं उनको कितना फ़ायदा हुआ वो मेजरमेंट इंपॉर्टेंट है, एब्सोल्यूट नंबर्स से कोई मतलब नहीं है। तो आपका फीडबैक अपने लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कृपा करके वो दे दीजिएगा। 145 हो गए गुड नाइट बोलने के लिए और आ गए जिन्होंने बोला अरे सर जा रहे हैं, जागो जागो जागो, थैंक यू बोल के बाय कर दो इनको कि कुछ और ना पढ़ा दे। चलिए थैंक यू वेरी मच एंड थैंक्स फॉर योर टाइम, एंड एक बार टेलीग्राम भी खोल लेता हूँ दोस्तों, गुड नाइट आ गया उसमें भी। चलिए
ऐसे का सेकंड पार्ट कब आएगा? प्लान आज का था यार दोस्तों, पर अब आई थिंक परसों डालूंगा मैं उसको, ठीक है? चलो ओके, हर्ष गुप्ता, इंटेंजिबल वाला IFRS क्लैरिफिकेशन है ना जो फुटबॉल प्लेयर को लेके दी थी, स्पेसिफिक IFRS वाले आप किसकी बात करें एक बार वो बताओ, तो बताएगा उसके बेसिस पे फिर अपन डिस्कस करेंगे, उस एंगल से मैंने इसको एज सच कंपेयर नहीं किया। वेरी लाइव वॉज इंटरेस्टिंग, अच्छा लगा, RTP कंप्लीट हो गई इस बहाने, थैंक यू। मुझे भी ये लगा यार टाइमली आती है चीज़ तो हो जाती है, नहीं तो फिर क्या होता है वो आखिरी तक एक टेंशन बना रहता, उसमें ज़्यादा दिमाग लगा देते, ये एक बार हो गया काम खत्म। चलो रक्षिता से अच्छा रहा, थैंक यू। काजल प्लीज़ आप रेस करिए कंसर्न से टाइमली रिस्पॉन्स आए, यार मैं लिखता हूँ सर कुछ देते नहीं है जवाब, ठीक है काजल, आई विल राइट सोल्यूशन टू इट। वैशाली बोल रही है 17 का सोल्यूशन में गड़बड़ है, वैशाली उसको एक बार अपन सेपरेटली, अब क्या इसके लिए अलग से सेशन तो नहीं करेंगे, बट उसमें बेसिकली अजम्पशन वाला जो डिफरेंस का इशू है उसके बेसिस पे अगर आप कह रहे हो तो वी विल टॉक अबाउट इट। इनफैक्ट आप उसको मैसेज करो DM में, मैं आपको उसको स्पेसिफिकली रिस्पॉन्ड कर दूंगा। श्रेष्ठा मेरा मिस हो गया अभी देखा, चलो YouTube पे रहेगा, अब आप देखो उसको, लाइव का थोड़ा मजा तो रहता। सर मैं इंटर का हूँ, 2 मिनट से देख रहा हूँ। पार्थ तुम्हारे रिविजन सेशन आने वाले हैं बेटा, एक तो ऑडिट के SAS के, और फिर उसके बाद एडवांस अकाउंट्स में सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का एक रिविजन है, दैट इज समथिंग विच आई विल शेयर, ठीक है? तो वो जरूर देख लेना तुम। शुभम एंजॉयड द सेशन, थैंक यू मैत्री, रिवाइज्ड इन शॉर्ट टाइम, थैंक यू। ऑडिट का RTP वीडियो, हाँ वो मैं देख लूंगा, अब ऑब्वियसली आज पॉसिबल नहीं था। सुनील लास्ट मंथ रिविजन मैंने करवा दिया यार, तो उससे काम हो गया है। कंसोलिडेशन में कन्फ्यूजन बहुत रहता है, स्टेप बाय स्टेप, 1 at a time आगे बढ़ो दोस्तों, काम अच्छा रहेगा। चलो मैं YouTube की थोड़ी सी चैट पढ़ूंगा। चक्षु बेस्ट, थैंक यू। स्पेशल ऑडिट के कुछ टॉपिक्स का रिविजन, लेट्स सी, देखो अभी मैंने SAS का प्लान किया है, ऑडिट में लाइव किसका होना चाहिए एक बार वो बताना। चलो अननोन यूजर, थैंक यू, हैट्स ऑफ टू यू सर, अननोन थैंक यू टू यू। चक्षु बेस्ट बेस्ट, थैंक यू। चलो आकाश गुड नाइट, निखार गुड नाइट, प्लीज कीप दिस ऑन यूट्यूब, ओके ये रिकॉर्डेड रहेगा क्या? हाँ यूट्यूब पे रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप देखो बिंदास। चलो जिसको जब देखना है देखो यार, अपना मेन ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि अपन लाइव में यूजर्स को बढ़ाएं, इनफैक्ट अच्छा है कम आते हैं तो थोड़ा रेलेवेंट डिस्कशन जितने आए उनसे तो ढंग से उनके जवाब दे पाते हैं, वो अपने लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ज़्यादा आए तो ठीक है ज़्यादा के भी दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ाते थे यार एक जमाने थे फेस टू फेस की क्लासेस जब हुआ करती थी, लाइव से हुआ नहीं करता था, तो मतलब आई हैव सीन दोस पर्टिकुलर डेज व्हेन वी यूज टू टीच हियर, तो जो क्लास होती थी ना मतलब आए हॉल होता था हमारे यहाँ श्रीवर्धन करके कॉम्प्लेक्स है, तो वहाँ पे 4th floor लिया था हमने उसका पूरा पार्ट, तो वेरी लार्ज बिल्डिंग, तो उसमें बच्चे बैठते थे करीबन 400-100 बच्चे रहते थे, और फिर बीच में गैप रहता था, और फिर पीछे वहाँ मैदान मतलब एक ओपन स्पेस थी, यू कैन से लाइक अ टेरेस, वहाँ स्टूडेंट बैठा करते थे, वहाँ स्पीकर की आवाज़ वहाँ तक जाया करती थी। तो चलो वो फेस टू फेस के तो क्या मालूम अब कब जमाने आएंगे, बट नेवरदलेस ठीक है। चलो अब 500 सीरीज नहीं SAS पूरे कराऊंगा, 700 सीरीज तक का सारा रिवीजन करा दूंगा मैं, ठीक है? चलो थैंक यू रजत, गौरव थैंक यू, राकेश थैंक यू, लेट्स टॉक। चलो फिर अब बाद में मिलते हैं, और मैं रिवीजन सेशन जो पोस्ट करना है वो कर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, टाटा, सी यू, बाय। हाँ लाइव रिविजन्स के दे दो, फीडबैक दे दो आपके यहाँ पे।